बंद करो, तुम लोग साउंड पोल्यूशन कर रहे हो अभी क्लास में। दिस इज द टाइप्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। यहां पे देखते हैं आपको, आप बोल दीजिए। पोल्यूशन भी पढ़ाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, और जितना सोचते हो उसमें 10 गुना कर दो, उतना इम्पोर्टेंट जरूरी है। एग्जाम के लिए तो है ही, लाइफ के लिए भी काफ़ी जरूरी है ना। जरूरी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होती है, हरित गृह प्रभाव, किसी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, छोड़ो टॉपिक टॉपिक, चलो घूमने जाओगे। कहाँ जाओगे घूमने? पटना से विदेश चलो ना, घूमते हैं। यूरोप सब जाओगे घूमने के लिए? यूरोप में गर्मी होता है? कहाँ होता है गर्मी, 6 महीना दिन थोड़ा होता है, कुछ कंट्री ऐसे हैं ठंडे मौसम में दिन भोजन तो डर। तो वो तो सर सबसे ऊपर और सबसे नीचा वाला करना है। हाँ तो वहीं चलेंगे घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाओगे। पिकनिक मनाने वहाँ गए, ठीक है। क्या मनाने गए? पिकनिक मनाने गए, ठीक है। मनाएंगे, पैसा काट रहा था इसीलिए, फ्री पैसा आया था कहीं सरकारी टका, सबको लेकर गए साथ में। हम लोग पूरा बैच के साथ गए थे घूमने के लिए। जाओगे ना विदेश? चल रहे हैं, मान लो विदेश हम लोग चलते हैं, ट्रेन पर है, लो लैंड करके पहुँच गए। अब क्या खाने का मन कर गया? बर्गर चाउमीन, वो तो ठीक है ना। फल खाने का, आम खाने का मन हो गया हमको, टमाटर खाने का मन है, क्या खाने का मन है, लीची खाने का मन है। ये सब किस, ये सब धूप में पकता है ना, ठंडा में होता है ना, तो यूं सब देता है। हमको ऐसा चीज़ खाने का है जो सिर्फ धूप में ही होते हैं। समझना धीरे धीरे, हम माहौल बना दें क्लास में, क्या बना दें तब समझना। ग्रीन हाउस क्या चीज़ खाने का मन है, ऐसा चीज़ खाना चाहते हैं जो किस में पकते हो, धूप में। आम खाना चाहते हैं हम, आप बोलो। सेब तेब नहीं, सेब तो ठंडा में पड़ जाता है ना। आम खाना चाहते हैं, मालदो आम खाएंगे, बम्बई आम खाएंगे, किशनभोग खाएंगे, कहाँ खोज रहे हैं हम ठंडा इलाका में। आम लो, आम लो, आम लो। तरबूज, वहाँ का राजा टेंशन में आ गया, अरे भाई तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, ये तो आम खाना चाहता है, दिमाग लगाएगा। वहाँ एक साइंटिस्ट बैठा था, कौन बैठा था? साइंटिस्ट। उसने क्या किया, एक दिमाग लगाया और एक घर बनाया उसने। किस प्रकार से घर बनाया देखो, हमारे लिए पर्सनल, मोबाइल खोलो, खोल कह दिया पर्सनली किसके लिए, हम लोग के लिए। क्या बनाया, एक घर बनाया देखो। अब दिमाग लगाया, हम क्या ऑर्डर किए, हमको क्या चाहिए, आम चाहिए, टमाटर चाहिए, जो गर्मी में फल होता है वो चाहिए हमको। कंडीशन रख दिया, अकबर बीरबल वाला पैर वाला नहीं होता है, ऐसा समय से रखा बीरबल के सामने कि बीरबल का दिमाग काम करता रखा, वो करेंगे क्या, समझ रहे हो ना। अकबर बीरबल में यही कुछ बात है। तो मेरा खाने का जो इच्छा वहाँ पर है, हमने जो वहाँ गया, कौन पैर इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है, शांत रखो पैर को, पैर लेफ्ट राइट कर रहे हो। और वहाँ पर मेरा खाने की इच्छा हो गया कि फिगर नहीं डाले हैं, नहीं डाले। एक बार मारो गूगल पर सर्च ग्रीन हाउस, यहाँ पे दूसरे मोबाइल मारो ग्रीन हाउस, वो फिगर नहीं आएगा, फिर माहौल नहीं बनेगा। अच्छी फिगर में दीजिए, फिगर गूगल तीनों सर्चर में, वो कहाँ मिल रहा है ग्रीन हाउस, वही तो है मैम जो है, उसी पर से माहौल बनाएंगे। राजा ने मेरे लिए व्यवस्था करवाया, कि व्यवस्था क्या करवाया, कि आपके लिए व्यवस्थाएँ कर देते हैं और वहाँ आप क्या करिएगा, आपको उलझा उलझा कर देंगे। सर्च मारो एक मिनट पहले, नहीं बने क्या बनेगा, यही मालूम बनेंगे। देखो इसमें क्या होगा, पर्सनली किसके लिए बनाया इसने, आप हम लोग के लिए बनाया, क्या व्यवस्था किया उसने। इसी में हम लोग को फूल का सुगंध लेने का आदत है, तो बेचारा गर्मी के उगने वाला फूल भी उगाया उसमें, और भी फल फूल उगाए, एक प्रकार घर बनाए। एक क्या किया, ऊपर में कांच लगा दिया, क्या लगा दिया देखो, है ना, कांच लगाया हुआ ऊपर में, ऊपर में क्या लगाया हुआ है, कांच लगाया हुआ है ऊपर में, नीचे में क्या है, गर्मी में देखो ना, अलग अलग फूल सब है ना, पौधे सब हम लोग के लिए स्पेशली ऑर्डर करके गवर्नमेंट से परमिशन देकर बनाया गया है। और इसमें क्या होती है गुण, वो साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाया, देखो ये कांच है, ठीक है, देखते हो, आ तो जाओगे लेकिन निकल नहीं पाओगे, आ तो जाओगे निकलने नहीं, जितना खाते तो निकलता है, उसी प्रकार कुछ यहाँ भी काम है। सूर्य का रोशनी क्या होंगे, यही समझना, यही बना रहे माहौल बना रहे, यही नहीं समझ में आएगा फिर अगर कहकर बताइए तब कहेंगे नहीं बताएंगे, यहाँ बता चुके थे, इसीलिए समझो ध्यान से, कहानी से समझा रहे ताकि फील नहीं होगी ना उस पर रहे, क्योंकि मैंने कहा 11th और 12th दोनों इसमें क्या है, मिक्स है, फिर काफ़ी जानकारी देंगे इसमें हम 10 गुना अधिक सोच से अधिक। तो लाइट उधर से इंटर करेंगे, लाइट्स क्या होंगे, सूरज भगवान रोशनी आएंगे, रोशनी तो कम है लेकिन फल फूल तो होंगे नहीं, सोचो चमत्कार क्या होगा, रोशनी बहुत मात्रा में क्या होंगे इसमें, इंटर कर जाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में रोशनी करेंगे, जितना होते हैं उतना रोशनी पूरा इंटर करेंगे, लेकिन जा नहीं पाएंगे उतना रोशनी, आ तो गया रोशनी, आ तो गया, रिफ्लेक्ट होकर के फिर क्या होंगे, इसी में आ जाएंगे,
किस प्रकार घटना होंगी, जिससे क्या होंगे, जितना गर्मी चाहिए हम उतना गर्मी क्या होंगे मिल जाएंगे। अंदर का माहौल गर्म है, अब थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की अपेक्षा, क्योंकि बाहर में लाइट जितना अंदर, बाहर से अंदर जितना लाइट आया, अंदर से बाहर उतना लाइट नहीं गया, क्योंकि कांच लगे हुए हैं और ये लाइट को रोक देगा। अंदर क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, अंदर अंदर गर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो फल फूल भी उगेंगे, वो फल फूल भी जो चीज़ होंगे, जो जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जो चीज़ होते हैं वो भी ठंडे प्रदेश में उगाए जा सकते हैं, इस प्रकार का हाउस बना करके। ये हाउस है, अंदर हरा भरा है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। और ये जो इफेक्ट हुआ लाइट्स अंदर में आया, इसी इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ गया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, समझ में आ गया ना। अच्छा क्या हुआ, ये जो देख रहा है कांच, ये लाइट्स को क्या किया, आने दिया, लेकिन जाने उतना नहीं दिया। तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस। और इस घर में एक माहौल बन गया, अंदर का टेम्परेचर बढ़ चुका है, इस प्रभाव क्या कहते हो, इसीलिए इसको नाम है ग्रीन हाउस, क्योंकि इसके अंदर हरा भरा हुआ है, हरे भरे चीज़ है, ग्रीन हाउस। समझ में आया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया ना। बस यही घटना धरती के साथ होता है, जो घटना किसके साथ हुआ है यहाँ पर। ठीक, टेलीग्राम कहाँ है तुम्हारा, एजुकेशन वाला, ठीक, यही घटना किसके साथ होंगे, अर्थ के साथ होंगे, ठीक, यही घटना अर्थ के साथ होंगे। पूरा काम करके देता भी नहीं, मोबाइल हाथ में दे देता है, कहता है लीजिए पढ़ाइए। अरे वैसे पढ़ाए समझ में आता है, जब तक पूरा बात नहीं करोगे समझ में नहीं आता है। यही बात, यही चीज होता है अर्थ के साथ, समझ में आ गया ना, जो मैंने अभी यहाँ समझाया ग्रीन हाउस क्या होती है, और यही होती है जो मैंने कहा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है सूरज भगवान प्रश्न क्या होंगे, इस पर धरती पर तो आएंगे, आ रहे हैं एकदम मस्त में, ठंडा हवा बह रहा आ रहा है, सूरजनी सूर्य तक धरती पर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। और तुमको पता है ट्रोपोस्फेयर, ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर और भी कई स्फेयर हैं, और जो किसके बने हुए हैं, गैस के बने हुए हैं। क्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ाएंगे, गैस बने हुए हैं। लाइट्स आ तो जाएगी लेकिन उतना जा नहीं पाती है, जितना लाइट्स आया उतना लाइट्स नहीं जा पाएगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं इसका। देखो हरित गिरी प्रभाव क्या होते हैं, ये सूरज भगवान है, ये कौन भगवान है, सूरज भगवान, ये अपना अर्थ सरफेस है। ये अर्थ सरफेस है, लाइट ऐसे आ रही है, मान लो 5 लाइट्स आया धरती पर आ गया, ठीक है ना, धरती पर लाइट्स क्या हुआ, आ गया। और यहाँ धरती का एटमॉस्फेयर इस प्रकार, धरती क्या है, एटमॉस्फेयर है, जितना लाइट्स आया, लाइट्स और भी लाइट दिखा देते हो, मान लो इस प्रकार लाइट दिखा देते हैं, एकदम पूरा सूर्य की रोशनी क्या धरती पर आ रहे हैं, धरती रोशनी पर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ एटमॉस्फेयर क्लियर है ना, गैसीय परत है ना। अब क्या होंगे, गैसीय परत होने के कारण जितना लाइट्स आई उतना लाइट्स जा नहीं पाएगी, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 लाइट्स आ जाए ना, सपोज दैट, तो कुछ लाइट्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो गया, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होती है, ये दोनों लाइट्स यहीं रह जाएगा। क्या होंगे दोनों लाइट्स, इन दोनों लाइट्स के साथ क्या घटना होती है, बहुत ही अपोजिट घटना होता है, ये बंदा जाएगा ऐसे, जैसे ऐसे, मतलब ऐसे जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट करके यहीं आ जाएगी, ऐसे ऐसे होकर के ट्रैप हो गया, लाइट फंस गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इससे क्या होंगे, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएगा, इसीलिए रात में भी गर्मी महसूस होता है, और धीरे धीरे रात जैसे ढलते डालते हैं ठंडा महसूस होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हीट उसका बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया ना, यही घटना भी कहाँ देखे थे, इस घर में देखे थे, क्या यही घटना भी नहीं हो रहा है अर्थ के साथ, ये रोशनी भी ऐसे टकराएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर से, टकराए वापस फिर कहाँ हो जाएंगे, अर्थ पर आ गए हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में फंस चुके हैं ये, अब तो फंस चुके हैं, धरती तो पूरा क्या करेगा, ये गर्म करके रखेगा। यदि ये घटना नहीं होंगे, धरती इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि रह नहीं पाओगे धरती पर। जैसे जम्मू कश्मीर होता है ठंडा, कितना ठंडा होता है, मैंने समझाता टेम्परेचर, यदि ऐसा नहीं होंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रोक करने रखेगा, सब बाहरें जाने दे देगा, आया सनम अजया सनम, तो धरती इतना ठंडा हो जाएगा, रह नहीं पाएगा। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होना क्या है, जरूरी
जरूरी है, लेकिन अति कोई चीज़ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, बहुत ख़राब बात है। इस रे को जाने से कौन रोका? अर्थ का एटमोसफेयर। यदि खूब मोटा दे दे तब एटमोसफेयर आ तो जाएगा, रुक जाएगा बहुत तेज, आ तो जाएगा, आया मान लो पाँच गो, तीन गो रुक गया, दो गो चला गया, तीन गो क्या हुआ, रुक गया, तो अर्थ का टेम्परेचर इसे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तब क्या खतरनाक होंगे, अलग टॉपिक से बात करेंगे हम लोग, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब यही गैस का जो लेयर ऊपर में है, ये रोकने वाला क्या बापूत हो, बहुत लेयर क्या हो जाए, मोटे हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जमा हो जाए, अदर हार्मफुल गैस की लेयर जमा हो जाए ऊपर में, जितना गैस आएंगे जाएंगे कम, बहुत अधिक धरती क्या होंगे, रुके रहेंगे, भटकेगा लाइट, इधर उधर ट्रांसफ़र होंगे, माहौल काफ़ी गर्म कर देंगे। इसी इफेक्ट्स को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया, एक थ्योरी समझा जाए, अभी काफ़ी लोगों के लिए इसको करना बाकी है, टेक्निकल बात करेंगे, अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। तो जो पहले अपना अर्थ था, जो पहले अपना अर्थ था कुछ इस प्रकार से, जो अपना पहले अर्थ थे हरे भरे थे अर्थ, क्या देखो बोला मल दे दिया हमको जी, फोड़ दो इसको, क्या हुआ, रोटेट कैन होता है, रोटेट नहीं होता है। देखो ये पहले क्या है, अर्थ है, कंट्रोल में था, ग्रीन हाउस गैसेस क्या थे, ये ग्रीन हाउस करने वाले जो गैस होते हैं उस गैस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, यानी कि जो गैस रोशनी को रखता है ना, यानी कि वो गैस ग्रीन हाउस करवा रहा है, उस गैस को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, जो कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन लेयर है, सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स करवाते हैं, अगवा है, ये करवाएगा ग्रीन हाउस काम, जो अभी अर्थ का रोशनी आया और टका के फिर धरती पे आ जाएगा, ये करवाने वाला कोई होगा तब ना हो रहा है, तो करवाने वाला कौन है, वाटर वेपर जल वाष्प करवाएंगे, वो रोक लेगा लाइट्स को, आइए 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 नाश्ता कर लीजिए तब जाइएगा, समझ रहे हो ना, और कौन है, ओजोन मीथेन ये सब फुसला करके रख लेगा उधर, लेकिन सबको रख नहीं पाता है, किसको रखे, किसको रखेगा और किसको नहीं रखेगा, वो बात की बात है, चर्चा करेंगे उस पर। तो मैंने कहा जब यही लोभ से क्या होंगे, अत्यधिक हो जाएंगे, अनता देने आदमी क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि रोकने वाला गैस बहुत अधिक हो, बहुत अधिक गैस रुक जाएंगे धरती के सर अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो काफ़ी अधिक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो पेड़ पौधे काफ़ी मतलब जल जाएंगे, अपने जंगल में आग लग जाएगा, ग्लेशियर खुद तो खुद पिघलेगा, लेयर बढ़ जाएगा, समुद्र का लेयर, समुद्र का पानी कहाँ जाएगा, अर्थ को धरती पर आ जाएगा, और आदमी क्या होंगे, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएंगे, लाइव टिकट, कोई दिक्कत, समझ में आएगा ना, क्या ग्रीन हाउस समझने के बाद ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो जब जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, ग्रीन हाउस जो इसमें जो गैस आई है, ये जो ग्रीन हाउस जो गैस मतलब अल्ट्रा वायलेट रे सूट का रोशनी आ रही है, ये अधिक मात्रा में आवश्यकता अधिक अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएंगे, कैप्चर हो जाएंगे, किडनैप हो जाएंगे, बुझो क्या हो जाएंगे, रोक लेगा उसको ग्रीन हाउस गैसेस लेयर, क्या कर रहे हैं, अरे कहाँ जा रहा है, यहीं रहो रात भर यहीं रह जाओ, ऐसे करते करते बहुत जमा हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या होंगे, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से जलने लगते हैं अर्थ, तो टेम्परेचर काफ़ी अधिक होंगे, और तुमको पता है जितना अधिक धूप होगा, जितना अधिक टेम्परेचर होगा, ग्लेशियर उतना अधिक क्या होंगे, पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का लेयर क्या होंगे, लेयर बढ़ेंगे तो पानी कहाँ आएंगे, अर्थ सरफेस पर कौन रहता है, और लोग का क्या होगा, पचमंदिरा बिल्डिंग का क्या होगा, कहेगा कनी को पानी लेयर बढ़ने से क्या होंगे, अरे एको सिंह बढ़ेगा ना अर्थ का पानी, सोचो कितना होगा, समझने के लिए एक बड़ा रूम ले लो, सिनेमा हॉल, जमीन पक्की किया हुआ है, मात्र एक सेंटीमीटर पानी पूरे एरिया में छिट दो, दे दो, और फिर नापना क्या लीटर पानी वो है, पता चल जाएगा, और समुद्र कितना बड़ा तुमको खुद पता होगा, एक सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ना तो कितना देश दहा जाएंगे, समुद्र तटीय इलाका वाला इलाका सब क्या करेंगे, डुबा देंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया ना, है कोई दिक्कत, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, जब अर्थ सर्फेस पर टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, काफ़ी किरण जाता है लाइट के साथ, तो सिर्फ जाने रखता है कि और दूसरा वो अभी बात नहीं किया, अभी पूरा टेक्निकल टर्म काफ़ी बचा, अभी सिर्फ समझाने ग्लोबल वार्मिंग होता क्या, अभी बहुत कुछ बताएंगे हम अभी इसमें, अभी सिर्फ इतना बताए हैं ग्रीन हाउस होता क्या है, रेत बहुत सारे उसमें बात लिखे, काफ़ी चीज़ देंगे, दो चीज़ समझ में आ गया ना, अभी कंटेंट मिस कर रहे हैं, टॉपिक्स वर्ड ये वर्ड है क्या,
तब ये करवाता है तब मजा आएगा। अभी माहौल बना रहे हैं क्लास का, समझ रहे हो ना, आधा घंटा तक माहौल ही बनने में लग जाता है, इतना बात क्लियर हो गया ना। अब देखो कुछ घटना किस प्रकार से होती है, हमने काफ़ी चीज़ अभी बताएंगे, अल्ट्रा वायलेट ये रे वो रे अलाय बलाय फलना चिलना अभी ढेर रे डिस्कस करेंगे। और देखो और क्या होगी, और तुमको पता है कि अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अर्थ सरफेस का जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएंगे, यहाँ ग्लेशियर ग्लेशियर पिघलेंगे, क्या बन जाएंगे, पानी लेयर बढ़ जाएंगे। दूसरा बात ये अपना क्या है, समुद्र है, तो समुद्र में टेम्परेचर बनेंगे तो वाष्प बन के उड़ेंगे, और वाष्प बनकर वर्षा क्या होंगे, काफ़ी अधिक होंगे। जब मन तब वर्षा पड़ जाएगा, कहेगा अरे कौन से दिन वर्षा पड़ रहा है, वर्षा नहीं पड़ेगा, तुम ही परवाए हो वर्षा, वर्षा तो पड़ना ही था, समझ में आ गया ना। आदमी ये सब चीज़ करवाता है, कैसे करवाता है बाद में पता चल जाएगा, विमान को तो आदमी करवाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग वजह से क्या क्या हो सकता है, समझ में आ गया ना। चलो ये वाला बात हो गया। और जब ग्लोबल वार्मिंग होते हैं अर्थ का टेम्परेचर किस प्रकार से खतरनाक हो जाते हैं, और उसको हम लोग दिखाते हैं। जब अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगे, अर्थ का टेम्परेचर अधिक हो जाएंगे, धरती इस तरीका से आग बबूला गुस्सा उठेगा, उसको टेंशन दे दिया, देख रहे हो ना ऐसे अर्थ करते हैं, ऐसे अर्थ समझ रहे हो ना। हाँ देता अरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बिहार ले रहे तो गर्मी से पागल हो रहे, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो ना, कितने मिनट में उधर बैठा उसको बाद में घेर लो इधर से, नहीं तो 10 मिनट और दाम खड़ा, नहीं समझ में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा दिखेगा। टेम्परेचर अति क्या होंगे, काफ़ी बढ़ जाएंगे ना, ऐसे होते हैं, सूखने लगे, जमीन फटने लगेगा, हकीकत में ऐसा होती है। तो अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएंगे अत्यधिक, हीट जब ट्रैप हो जाएंगे सन का, तो ऐसे हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। हीट जब अर्थ का क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, तो लो बंद हो गया सन का, पृथ्वी चल रहा है, बंद क्या कर दिए सर, आप अपना भी फिंगर सब मोबाइल में लगा के रखिए, जो ठीक है ठीक है कहा है। अभी काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, धैर्य बना के रखा जाए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, धैर्य बना के रखिए। अभी तो सिर्फ कास्टिंग हुआ है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है देखने के लिए, और इस प्रकार से कुछ होंगे, ऑनलाइन बुकिंग होंगे, लेकिन ये लॉकडाउन में अर्थ को बहुत क्या हुई है, यही है आग लगी, चर्चा सब करेंगे। अब चलते हैं कापी कलम वाला बात, समझ में आ गया ना। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, बहुत संतुलन नहीं होता, इसलिए संतुलन बना रही है, बहुत हल्ला बंद करो अंकित, हल्ला बंद करो। चलो क्या होती है हरितगृह प्रभाव, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो धीरे धीरे, अभी बताने दो हमको पहले, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन पूछ सकता आगे बताने के बाद। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, नहीं तो समझ नहीं आता इतना राहुल ने बनाते तो, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों, अब वेव चैप्टर पढ़ा चुके हैं सबको, नहीं पढ़ाए हैं, लंबी पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से, अवशोषित होने की वजह से, अवशोषित होने की वजह से, अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों क्या होती देखेंगे, उसके वजह से लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से तापमान क्या होंगे, जिसे क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। जैसे उस घर में वो शीशा वैसा लगा था, हीट ट्रैप हो गए ना, तो ठंडा वाला चीज़ भी गर्मी मौसम, हम लोग ठंडा वाला जो सब मौसम था उस मौसम में भी गर्मी वाला सामान उगा कर क्या कर दिए, हम लोग खाना शुरू कर दिए, यही बात होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी, ये साथ वहाँ फल फूल के साथ हो रहा था, यहाँ का धरती के साथ दुर्घटना, तो उसको कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम लोग कहेंगे। देखो क्या होती है, अब समझना है सब चीज़ को बारीकी से, बल्ब लो तो वहाँ से बल्ब लगा देते हैं, रोशनी कम हो रहा है। ये क्या है, समझ में आ गया ना, रोशनी कहाँ रहा है उतना, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। ओह लगता है अथी हो गया है,
बैटरी सर्वर में ले लेता है खुद को, इसीलिए हमको पता नहीं चलता है। सर्वर में? हाँ, अपने आप ले लेता है खुद को, इसलिए सोच लेता है ऐसा काय हो रहा है। चार्ज नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेता है, 20% नहीं है। जैसे चार्ज खत्म होता है ना खुद को सेव कर लेता है वो, अरे चार्ज खत्म हो रहा है रुको रुको रुको। टेक्निकल ब्रांच का फायदा है, सुनो यार अब समझना समझ चीज़ को। ये बेरोजगार सूर्य है जिसको कोई काम नहीं है, ये कौन है? ये सूर्य है, एनर्जी का भविष्य का एनर्जी, इससे हमको सोचते हैं हम लोग इससे प्राप्त करेंगे, है ना। और ये हरा भरा कौन अपना है इधर? इधर अपना धरती अर्थ सरफेस है, शांत रहो सब, अर्थ सरफेस है। जितना क्वेश्चन सोच रहे हो ना सारा लिखकर सुन ली, जितना तो सोच सकते हो उससे अधिक। इसीलिए अब यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे, ठीक है, रे आ रही है अर्थ पर आएगी, ऐसे अर्थ पर रे क्या होंगे आएंगे। और इधर है एटमॉस्फेयर, यहाँ पर है वायुमंडल, लाइक वैसे होते हैं समझो, ऐसे ही है एटमॉस्फेयर। जब पढ़ाएंगे तो क्या होती है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, ठीक है। अब है तो हम क्या करेंगे उसमें, रे आई, इसको कहा जाता है शॉर्ट वेव, इस रे को क्या कहा जाता है, शॉर्ट वेव कहा जाता है, छोटी तरंग, क्या कहा जाता है उसको, छोटी तरंग कहेगा, बड़ी तरंग कहें, छोटके तरंग धरती पहुंचता है जिसे यूवी रेज कहते हो। इसमें शॉर्ट वेव में कौन कौन होते हैं, शॉर्ट वेव में होते हैं पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये क्या होती है पढ़ा चुके हैं पहले तरंग चैप्टर में। सूर्य से जो धरती पर किरण आती है उसे शॉर्ट वेव कहा जाता है, SHORT, शॉर्ट वेव कहा जाता है। यानी शॉर्ट वेव क्या होती है, पराबैंगनी किरण प्लस अवरक्त किरण, उसमें कौन किरण धरती पाती है, पराबैंगनी किरण प्लस कौन किरण आती है, अवरक्त किरण, दोनों बात बताएगा, ठीक है ना। पोलन के बारे में बात करेंगे, अभी इतना हुआ, दो किरण आया कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखो इसमें से क्या होती है, इसमें से क्या होती है, अब तू बताएगा। हाँ सर, पराबैंगनी किरण में और अवरक्त किरण में वेवलेंथ किसका ज़्यादा होंगे, अवरक्त किरण का वेवलेंथ ज़्यादा, कैसे बुझा? हाँ, अवरक्त किरण जो है मतलब इसका सर, अवरक्त किरण को इसको मतलब देख नहीं सकते, एगो ट्रिक हम लोग दिए थे याद है किसी को, याद है ट्रिक? हाँ याद है, थोड़ा याद बताए थे, उस समय बनाए थे ट्रिक, याद है, रेडमी एम आई, हाँ रेडमी एम आई मोबाइल का, और रेडमी एम आई था ना, और रेडमी एम आई एक्स वाई अच्छी, हाँ था ना, इसी प्रकार से। तो उसमें ये तो शॉर्ट वेव आया, तो इन्फ्रा रेड का यानी कि इन्फ्रारेड कहते हो, अवरक्त किरण का वेवलेंथ क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो वेवलेंथ अधिक होने वजह से वो क्या होंगे, आर पार चले जाएंगे, अर्थ सरफेस के क्या होंगे मतलब एटमॉस्फेयर के पार चले जाते हैं, टकरा कर चले गए। तो लौटने वाले किरण कौन होंगे, इन्फ्रारेड, ये लॉन्ग वेव हैं, आएगा दोनों बापूत, पराबैंगनी कितना मात्रा आएगा सोचो भी, उससे बाद में बात करेंगे, लेकिन आएगा कौन कौन बता रहे, अवरक्त किरण आएगी और कौन आएगी, पराबैंगनी किरण, वेवलेंथ अधिक होने की वजह से, चर्चा सब हो चुका है, वेवलेंथ अधिक होने की वजह से ये क्या होंगे, अवरक्त किरण जो हो, अवरक्त किरण जो है अवरक्त रे वो लौट जाती है, लेकिन वेवलेंथ छोटी होने की वजह से पराबैंगनी किरण अर्थ सरफेस पर रह जाता है, कहाँ रह जाएगा, अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर में, नीचे में ही घूमते रहेंगे, पान दुकान पर, कभी चाय दुकान पर, कभी समोसा खाने के लिए, समझ रहे हो ना, इस प्रकार से हाँ यहीं पर रह जाएंगे। तो कौन किरण रहा धरती सरफेस पर, अल्ट्रावायलेट रे रहा ना, तो इसको हम लोग धरती का सरफेस आया ना घूमने के लिए, तो नाम बदल कर आएगा, इसका नाम यहाँ अलग होंगे, वहाँ पराबैंगनी पराबैंगनी सब कह रहा था, यहाँ लोग कह रहा है इसको टेरेस्ट्रियल वेव, टेरेस्ट्रियल वेव इसको कहेंगे, इसे कहते हैं खगोलीय तरंग, अलग पिंड से आए हैं ना इसलिए खगोलीय कह देंगे इसको, और वो खगोलीय पूछो नहीं है, यू भी रेज ही है, खगोलीय तरंग इसको यहाँ पुकारेंगे, कहेंगे खगोलीय तरंग आया, अलग से दुकान अलग जगह से आदमी आता है खगोलीय मिलता है, नहीं मिलता है खगोलीय तरंग, अलग नाम दे देंगे, बराती है नाम नहीं कहेगा, फलनामा बराती आया है, समझे हो ना,
अरे आया पराबैंगनी आया बरातिया बरातिया आया, कौन है औरत नाम है? अरे हकीकत में है औरत तो पराबैंगनी वो है। कहे ठहरा जी नहीं ठहरा, यहाँ से चला क्या आदमी पराबैंगनी और कौन चला? औरत, औरत तो भाग गया। औरत क्या हुआ? भाग गया। और यहाँ कौन रह गया? पराबैंगनी किरण रह गया और यहीं रह जाएंगे ये। और इसके नाम क्या होंगे? खगोलीय। इसको हम लोग धरती पर किस नाम जानेंगे? खगोलीय तरंग, टेरेस्ट्रियल वेव्स नाम जानेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कंसेप्ट वाला टॉपिक धीरे धीरे चलेंगे, एक बार चलेंगे तो बोनस मार जाएगा, ठीक है ना? इसलिए पहले मालूम ना दिया पहले, नहीं तो कहता ग्रीन ग्रीन हम कह रहे हैं इस बारे में तो बोले ग्रीन हाउस होता क्या है, इसलिए पहले समझा दिया। देखो ये चीज़ होती है, फिर टॉपिक बारे में पढ़ेंगे। अंकित तो खूब खुश होगा, कहती कहती सामान देते तो हम भी खूब खुश होते हैं। जैसे तू पढ़ के खुश हो ना, हम खुश कब होंगे? जब गेची मारेंगे तो चलो कहीं कब सकते हैं कि तुम्हारे नहीं कर आपने खुश तब आप ही समझ लिए हम छोड़ के। अरे पानी कहाँ है? आप पूरा पढ़ाई का अंतम आप समझ। हाँ बात सही है अंकित, मैं जाती सोचता ऐसा है मास्टर खुश हो गया, मास्टर खुश तभी होता जाती सक्सेस मिलता है। हकीकत यही है, समझ में आएगा ना? तुम्हारे सक्सेस पर ही हमारी सफलता है। कैसी यार पेन मार रहा, भविष्य में जी मिस्टेक हो जाता है छूट वाला में छूट जाता है तब। आप पूछ सकते हैं क्या सर? कभी आपको पेज नहीं। अरे इतना पेज भरा ले, वो भरा ले, अभी पूछेगा की पूछेगा, पूछो की पूछेगा तुम सर? अब बोलते हैं यूवी किरण कैसे सर धरती पे आएगा, जो कि ओजोन लेयर उसको ऊपरे में रख लेता है, जो कि बहुत खतरनाक कम मात्रा में आती है। कम मात्रा में पूरा थोड़ी ना, कम मात्रा में ओजोन लेयर हो उनके लिए भी अच्छा या जम मार जाते हैं। अरे यही अवरक्त किरण से हमको गर्मी महसूस होता है ना, यही अवरक्त किरण होती है ना उसी कारण। हाँ गर्मी महसूस होता है, आती है यूवी रेज भी आती है लेकिन कम मात्रा में आती है ना, वही तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पहले माहौल तो बनने दो, ओजोन लेयर का अच्छा अभी पढ़ाएंगे, ड्यूटी समझ लो पढ़ाएंगे, देखो ना कैसे माहौल धीरे धीरे बनता है, माहौल पहले बनने दो। इतना समझ में आ गया सबको? तो जिससे क्या होंगे ये जो टेरेस्ट्रियल वेव यहाँ रह गए हैं तो इससे क्या होंगे अर्थ सरफेस का मतलब एटमोसफेयर का टेम्परेचर क्या होंगे? टेम्परेचर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। अपर हो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझना क्या ना, जो तरंग है ना बहुत दूर शॉर्ट वेव आया, टेरेस्ट्रियल वेव रह गया, तो इस प्रकार से घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ये बला बात कहते हैं। देखो पृथ्वी की सतह, देखो हालांकि ये जो लॉन्ग वेव जा रहे हैं रास्ते में कुछ सोख लेते हैं उसको, कौन सोख लेते हैं? एटमॉस्फेयर, इसको भी सोख, अवरक्त किरण को भी सोख लेते हैं, तो उसके वजह से किसका चले भी जाते हैं पुराने सोख पाते हैं, तो उससे वायुमंडल टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, और इसी वजह से हम लोग गर्मी महसूस होता है, पता होगा यही किरण है ना, अवरक्त किरण गर्मी महसूस होंगे, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये लंबे वेवलेंथ है लंबा लंबा डेग मारेगा ना तो पार कर जाता है, पूरा पूरी नहीं रोक पाएंगे। अर्थ का टेम्परेचर किसी वजह से बढ़ेंगे? टेरेस्ट्रियल वेव की वजह से, धरती पर गर्मी लगता है इसकी वजह से। टेम्परेचर पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान खगोलीय तरंग, खगोलीय तरंग की तरंगों की वजह से, तरंगों की ये पूछेगा धरती पर रुकने वाला कौन वेव है? यूवी वेव, वेव क्या ये रुकते हैं? नहीं, इसको कौन धर लेगा? पुलिस बैठा है एटमॉस्फेयर वहाँ, चलो देखा पास कहाँ है, नहीं है तो कुछ माल पानी तो फिर जाओ, समझ रहे हो ना? हकीकत नहीं होती है, अब बुझा ना तू, और धरती पर कौन रुक गया? हाँ यही देखा, सोचा यहीं रह जाते हैं, इसका नाम हाँ आधार कार्ड, और एक था पराबैंगनी, चलो ना कहेगा नहीं जाओ ना, भेज दिया उसको, उसको पता है आगाम कौन ट्रैफिक पुलिस बैठे हुए हैं, अब बिना वो लिए लेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगा उसका, अब कुछ को जाने देंगे जाइए, सबको फिर रोक पाता था, रोक पाता तो आज हम लोग रहना पाते धरती पर, रहने लगे नहीं रहते धरती, जितना रोशनी आ रही है जितना एनर्जी आ रही है लाइट से धरती पर, यदि उतना रुक जाता तो हम लोग रह ही नहीं पाते धरती पर, तो मंगल ग्रह बन जाता, जैसे कितना टेम्परेचर अधिक मंगल ग्रह का, नहीं है टेम्परेचर अधिक, तो पृथ्वी की सतह का तापमान खगोलीय तरंगों की वजह से बढ़ता है। एक क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी का तापमान सतह पूछेगा तो ये, अवयवनर पूछेगा तो ये, ठीक है ना, से बढ़ता है, इतना बात हो गया। अब कौन कौन आदमी है कि वह गैस जो छोटी तरंगों को जन्म देती है परंतु लंबी तरंग अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ये ग्रीन हाउस इस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे,
तो चूंकि ये काम होती है, कोई काम होती है कोई करवाने वाला होगा, ये काम वायुमंडल तो करा है, गैस करवाया है, इस गैस ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाता होगा, नहीं तो पूछ कितना पूछेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, मीथेन मीथेन है, हम क्या पूछ रहे हैं ग्रीन हाउस गैस, वो उसका एग्जाम्पल बता रहा है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है उसका डिफिनेशन सुनो, ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं और फिर गैस का नाम क्या है, दोनों अलग अलग किसे कहते हैं अलग बात है और नाम क्या अलग बात है, वो तो एग्जाम्पल हो गया ग्रीन हाउस एग्जाम्पल कहेगा, मीथेन कहेगा, CO2 कहेगा, पूछे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, CO2 मीथेन है ग्रीन हाउस, हम थोड़े पूछे कौन है, हम पूछे होता क्या है, ग्रीन हाउस गैस तो क्यों बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, है ना, तो वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को, जैसे इसको अवशोषित किया है ना, लंबी तरंग क्या किया है अवशोषित, वह गैस छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित कर लेती है, लंबी तरंगों को क्या करेगी अवशोषित, पूरा पूरी नहीं करती है, ये ध्यान रखना हमेशा ध्यान में, 100% पूरा पूरी कभी नहीं करेगा, अवशोषित करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, है ना, इसमें देखो वह गैस जो छोटी तरंगों को क्या करती है जाने, जो बेदरा खदरा देने देगा और बड़का वाला पकड़ेगा, लंबी तरंगों क्या करेंगे अवशोषित कर लेंगे, क्योंकि यहाँ लंबे तरंग ही पहुँचेंगे ना, छोटी तरंग तो यहीं रह गया, वो तो बंदा जा ही नहीं पाएगा, तो छोटी तरंगों क्या करती है जाने देती है परंतु लंबी तरंग क्या करती है अवशोषित करती है, उस गैस को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, और ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, नेक्स्ट पे दिलाओ उसको लिखेंगे ऑर्डर में, एगो चीज़ यहाँ बोलो कहाँ पर सर अवशोषित करेगा, एटमॉस्फेयर में, जैसे इधर से आएगी तब अवशोषित करेगा, इधर जाएगी जाने के वक्त, जैसे मान लो लाइट्स आया ना यहाँ पर टकरा के फिर जाएगा ना, नहीं देखा जाने कहेगा तू पीछा चल फिर, जैसे यहाँ हुआ ना घटना, लाइट्स आ तो गई है और कुछ लाइट टकरा के चली भी गई लेकिन सब नहीं गई, कुछ आई जहाँ गया ना, यहाँ ट्रैफिक पुलिस था, मार डंडा दिया, उसके पास लाइसेंस नहीं था, फिर धरती घूर के चला आया, छोटा वेव को लौटा दिया है धरती पर, देखो ना वह गए छोटी तरंगों क्या कर जाने, छोटी तरंग पास कर जाएंगे चले जाएंगे वो, लेकिन लंबी तरंगों को क्या करेंगे वो ऑब्जर्व कर लेंगे, कहाँ कुछ और सर यहाँ बताए थे ना, मतलब छोटी ये जो आएगी यहाँ छोटी तरंग रुक जाएगी, यहाँ रुकेगा छोटी तरंग, यहाँ छोटी तरंग एटमॉस्फेयर को पार करेंगे, धरती पर छोटी तरंग लग गया परावैगनी किरण, तू कहा ना अभी दोनों में किसका, देखो ना इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या होते हैं, अधिक होते हैं ना, लैम्डा इंफ्रारेड ग्रेटर देन लैम्डा क्या होते हैं, यूवी कम मात्रा में आते हैं, इसमें यहाँ जो तरंग शॉर्ट में आ रही है परावैगनी किरण प्लस अवरक्त किरण, उसमें वेवलेंथ किसका ज्यादा है, इंफ्रारेड का है ना, अवरक्त किरण का ज्यादा है, यहाँ आएंगे तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना वो अधिक दूरी तय करते हैं, कम दूरी तय करते हैं वो, अधिक एक बार ज्यादा छलांग मारेगा, लेकिन उसके पास एनर्जी क्या होते हैं, कम होता है, कम होते हैं एनर्जी, और जिसका वेवलेंथ क्या होंगे, कम होता है वो एनर्जी ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा होते हम लोग, अब बच्चा दोनों तुलना करो, बताए थे हमने गुरुवार बच्चा का वेवलेंथ क्या है, पैर का डेग क्या है छोटा है, लेकिन एनर्जी उसका क्या है ज्यादा, हम लोग का वेवलेंथ क्या है अधिक, लेकिन एनर्जी क्या है कम है, हम लोग क्या करेंगे बच्चा फंसने वाला अधिक एनर्जी उतरा जाएगा वो, समझ रहे हो ना, अरे सूर्य के लाइट में तो कई प्रकार के रे होते हैं लेकिन सब धरती पर नहीं आते हैं, तो परावैगनी किरण और अवरक्त किरण इन दोनों किरण का जो है परावैग यहाँ से आएंगे और अवरक्त किरण लौटेंगे, अवरक्त किरण को कौन ट्रैप कर लेंगे, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, वायुमंडल
ऑब्जर्व कर लेते हैं अवरक्त किरण को, जाने नहीं देते हैं इसका, क्योंकि वेवलेंथ क्या है ज्यादा, ये ट्रैप हो जाएंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाते हैं अर्थ के, बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कर लेंगे, ऐसा ये भी नहीं छोटका बेको देना, छोटका को भी करते हैं लेकिन कुछ मात्रा में करेंगे, कम मात्रा में करेंगे, धीरे धीरे क्लियर कर देंगे स्टूडेंट से नहीं लो। चलो तो ये बात होती है, अच्छी ये करवाता को नेक्स्ट पेज लो ना, ऑर्डर देखो इसका, हटाओ इसको, हटाओ तो ना सर पूरी हम कंफ्यूज हो गए, आप समझ में आ गया ना, हाँ, भाई बढ़िया समझ आ गया। चलो ठीक है, ये देखिए क्या क्या कौन बात नहीं है, राहुल बीत क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग मतलब DCREASING डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो, आजकल ऑर्डर पूछता एक नंबर में वाटर वेपर जलवाष्प क्या है, वाटर वेपर जलवाष्प सबसे अधिक वो जो है मतलब ग्रीन हाउस करवाने वाला काम कौन करता है, वो बर्ड एब्जर्व कर लेगा। और तुमको पता होगा पानी के एक्टिविटी सबसे अधिक क्या है, लाइट्स को एनर्जी को स्टोर करने का, वो ग्राफ हीट चैप्टर पढ़ाए थे, हीट चैप्टर पढ़े हो ना, कि पानी में लेटेंट टू हीट होता है गुप्त उष्मा, चुपचाप रख लेगा अंदर में, वो गरम होगा तो बगल वाला गरम करेगा ना, पानी मान लो गरम हो रहा है तो बगल वाला गरम करेंगे ना, समझ रहे हो ना, समझ में आ गया ना, ठीक है खाके ही मारना शुरू कर देंगे आपको यहाँ से। दो नंबर में CO2 हाँ काफ़ी चीज़ है ना, ये वाटर वेपर है, ये जलवाष्प है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, घटते क्रम सबसे बड़का को पहले और उसके बाद सजाते जाएंगे, पूछेगा 100 से अधिक ग्रीन हाउस कौन करवाता है, जलवास ऊपर में रहते हैं, बारिश पड़ता है ना वो करवाता है, वो रोक लेता है, एनर्जी कहाँ जा रहे हो, लाओ एनर्जी इधर, हम पानी है, हम गर्म होंगे, समझ रहे हो ना। दूसरा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरा नंबर में चलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम में, मीथेन है, कौन है, मीथेन है, CH4 मीथेन है। चौथा नंबर में नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हो क्या, नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाले गैस कहते हो ना, इसको लाफिंग गैस भी कहते हो, LAUGHING, जहां आदमी टेंशन में रहता है ना लाफिंग गैस छोड़ दो, N2O क्या होता है फॉर्मूला इसका, N2O, ये वाला बात हो गया। उसके बाद है और ओजोन है, ओजोन भी है, ओजोन एक जहरीली गैस होती है, पता है ना, हाँ। ये कैसा गैस है, ओजोन पॉइजनस गैस है, पढ़ाएंगे ओजोन के बारे में, आगे ओजोन ही पढ़ना है, ये बात हो गया। उसके बाद छः नंबर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर और AC से पढ़ाएंगे, इसका अलग से सब बारे में अलग से पढ़ेंगे, फिर से हम लोग जितना चैप्टर लिखे हुए हैं ना सब हेडिंग हुआ, फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, समझ में आ गया ना। तो कहते हो CHLORO क्लोरो FLUORO क्लोरो CARBON कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC गैस है। तो सबसे एग्जाम पूछता है ग्रीन हाउस सबसे अधिक कौन करवाता है, उसके बाद CO2 और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीज करता है, नीचा में जो है उसका सबसे क्या होंगे और ऊपर वाला का सबसे क्या होंगे, अधिक होंगे। समझ में आ गया ना, अब बताओ नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर लेते हैं सीरियली, क्या छोड़ देंगे, सात नंबर लिख दीजिए, लगा रहे हो इसीलिए इंग्लिश एग्जाम में ऐसे लिखे होते कहीं जगह, तो तू वहाँ इंग्लिश नहीं रहेगा तो होगा कोनो भोज तो जगह, तो फिर उसमें देखेंगे अपना, समझ में आ गया ना। ये एक तो गैस भी है और सबसे अच्छी बात है क्रम में लिखा हुआ है, ये नहीं है। अब तू पूछ देगा तीसरा मीथेन का क्या स्थान होगा, तीसरा चौथा पांचवा, ये सब कुछ गैस से हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाते हैं, यानी ये सब गैस अगवा हुआ, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये सब क्या करते हैं, टिकट टिकट, वेवलेंथ अधिक है उसका करेगा, उसको चालान काट देगा,
चलन कर देगा नहीं देखते बड़ा बड़ा वो हाथ मारा चलो हम भी नहीं छोड़ेंगे एक्सीडेंट है सर छोड़ दीजिए हम लोग गए थे एक्सीडेंट जा रहे हैं कॉलेज छोड़ दीजिए ना समझ रहे हो ना तो खौफ देखेगा जैसे है ना वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को घेर लेगा अवशोषित करती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहलाती है और वो कौन कौन है समझ में आ गया होगा ये अगवा सब है ट्रैफिक पुलिस है वाटर वेपर कार्बन सबसे आगे वाटर वेपर है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज जलाते हो ना गरना उरना खाना बनाता है सरकार योजना क्या चला योजना बुर्वक मोदी है कि सबको गैस फ्री में देंगे इसी कारण से क्योंकि सी ओ टी बंद होगा इससे लकड़ी तकड़ी जलेगा तो सी ओ टी जलेगा तो सी ओ टी बंद लकड़ी जलेंगे सी ओ टी कम होंगे मान लो लकड़ी जलते थे पहले सी ओ टी काफ़ी बढ़ गया गैस वो क्या करेंगे वेव को अधिक रोकेंगे वेव को रोकेंगे अधिक अर्थ का टेम्परेचर क्या होंगे उससे बढ़ जाएंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो क्या होंगे ग्लोबल वार्मिंग होगा ग्लोबल वार्मिंग होंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या होगा ग्लेशियर पिघल जाएंगे उससे क्या होगा समुद्र का लेयर उससे क्या होगा ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगा समझ रहे हो ना कितना घटना समझ में आ गया ना बिल्डिंग खाना बनाओगे समझ रहे हो ना तो ये सब कुछ गैस है मीथेन है ये सब कुछ गैस है ये सब गैस आगे हैं करवाने में कौन चीज ग्रीन हाउस सरकार योजना चलाए क्वेश्चन एक निम्न में कौन ग्रीन हाउस डरो लग गया हमको तो इसका भाव करने लगा हल्ला बंद करो निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है ए नंबर में सी एफ सी शांत रहो बी नंबर में कौन नाइट्रोजन एन टू ओजोन ऑक्सीजन क्वेश्चन करवा सी नंबर में क्वेश्चन करवा रहे हैं ओजोन और डी नंबर में ऑक्सीजन बोले सर ओजोन अभी नहीं बोले चलो अंकित ही बताएगा हाँ ऑक्सीजन होगा सर नाइट्रोजन होगा शांत रहो क्वेश्चन पढ़ले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो राहुल बताएगा सब सुनना शांति से राहुल डिस्टर्ब होता है नाइट्रोजन कैसे बुझा कैसे बुझा ऊपर में लिखा है इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पर नहीं है वो तो है वाला चार्ट था ना जी तो फिर नाइट्रोजन कैसे कर दिया कलर ऑफ कलर था ओजोन देखे थे ऑक्सीजन तो नहीं उतना लेकिन नाइट्रोजन नहीं था नहीं था ओ थ्री है तो ऑक्सीजन है ही उसमें है ना क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ भी है ना नाइट्रोस ऑक्साइड अलग कंपाउंड इसीलिए तो ये क्वेश्चन कराया गया है तो गलती करोगा गलती करोगे इसीलिए क्या कराया गया नाइट्रस ऑक्साइड अलग चीज़ हो गया एक कंपाउंड हो गया अलग प्रकार का ऑक्सीजन एक कंपाउंड अलग प्रकार के हैं ऑक्सीजन तो है ना एटमोसफेयर में हाँ सर तो वो होंगे ओजोन में क्या होते हैं ऑक्सीजन ही होते हैं वो थ्री ऑक्सीजन का प्रूफ है वो पता होगा तुमको इलेक्ट्रॉन सब ऑक्सीजन है ओजोन तो फिर इसीलिए क्वेश्चन तो कराए हैं अब समझ में आ गया ना ऑप्शन क्या होंगे इसका ग्रीन हाउस गैस वो ट्रैफिक पुलिस वो काम ग्रीन हाउस नहीं करवाएगा कोनो गाद नहीं बेरोजगार है ना नहीं है नाइट्रोजन लगा दी ठीक उसके बाद है तो इसमें देखो एक चीज में ध्यान देने की बात है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है ए नंबर में सी एफ सी कौन बोलेगा ए नंबर में सी एफ सी बी नंबर में नाइट्रोजन सी नंबर में ओजोन डी नंबर में ऑक्सीजन जिससे पूछेंगे
वही बोलेगा। अंकित बताओ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ अंकित? ग्रीन हाउस। आंसर कोई एक होंगे, आंसर कोई वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन? ग्रीन हाउस गैस है। एक ऑप्शन करो टिक करना तुमको है, पहले का दो गुना टिक कर सकते हो। एक बहुत बताओ लोग मार देंगे रुकिए सर, दुनिया दिव्य अंत है देखो, यही तो क्वेश्चन फंसाता है लोग को, तो कभी देख लेते हैं क्या, बहुत नहीं देखा लेकिन हम तो देख लिखा चतुर रहते हैं, ऐसे खुद को धोखा दे रहे हैं, दे रहे हैं। अरे अपना दिमाग पढ़ने के बाद उसमें टिक लगा हुआ सर, आप दिख से जाता है वो तो उधर ध्यान नहीं देता, ध्यान का देता है कौन नाम है 10 को। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में कौन ग्रीन हाउस? देखो सीएफसी भी है इसमें है, नाइट्रोजन तो नहीं है, वो तो नहीं होंगे, ओजोन भी है, ऑक्सीजन भी है, और देखो सबसे ऊपर में कौन है, है ना ओजोन, इसीलिए आंसर क्या होंगे ओजोन। ओजोन ज्यादा मात्रा में, सीएफसी कम मात्रा में, इसीलिए आंसर क्या होंगे इसका? ओजोन। सीएफसी भी होंगे ओजोन भी होंगे, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है यहाँ चूज करना पड़ेगा तुमको, ओजोन होंगे ज्यादा मात्रा में, इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे इसका? ओजोन होंगे। आगे और कराएंगे क्वेश्चन, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन समझ में आएगा ना, ग्रीन हाउस समझ में आएगा ना। चलो उसके बाद नोट में कुछ बात लिखा है, एनेस्थेटिक एजेंट क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेटिक एजेंट क्या कहते हो? ठीक है, नोट में अल्लाह बंद करो ना, कौन कर रहा है, बंद करो उसको, शांत रहो। नोट में देखो एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको, फंस सकता था ना इसमें, दे था चांस फंसने का, यहाँ भी था फंसने का चांस, और जनरल एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एसी में पहले कौन यूज किया जाता था गैस? एसी में इनिशियली, एसी में पहले, एसी में पहले यूज किया जाता था इनिशियली फ्रियॉन्स, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इस पर बैन लग चुका है, क्या हो चुका है इस पर बैन, है ना, इस पर बैन लग चुका है, सीएफसी फ्री ऑन पर बैन लग चुका है, सरकार ने बैन लगा दिया है इस पर, अब तू यूज नहीं कर सकता है। बट नो, अभी हम लोग इसके जगह पर एचसीएफसी यूज कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म लिख चुके हैं ना, इसका फुल फॉर्म देखो, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ हाइड्रोजन क्लोरो क्लोरो कार्बन, समझ में आ गया ना। एसी में पहले क्या यूज करते थे? सीएफसी, अब क्या यूज करते हैं? एससीएफसी। क्वेश्चन एग्जाम आएंगे बुझेगा कैसे आएगा, कैसे टिकट लगाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, दोनों को किसको मारेंगे, ये रहेगा ये नहीं रहेगा तब इसको मारेंगे, दोनों रहो। एक सम्मेलन हुआ, मुख्यमंत्री भी है उप मुख्यमंत्री भी है, तो कौन उसमें सम्मेलन में भाग लेगा? मुख्यमंत्री। वो नहीं रहेगा तब मुख्यमंत्री, समझ रहे हो ना, मुख्यमंत्री ही लगा जिसका बड़ा पद है, तो तब दोनों को देगा तो दोनों तब आएगा मंच पर, इसमें तो समझने वाला बात है, तो ऐसे क्वेश्चन टिक लगाना है, सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना सर, यदि दोनों को देगा तो किसको टिक मारेंगे? मुख्यमंत्री। क्या लिखा यहाँ पर है? मुख्यमंत्री है, नहीं है मुख्यमंत्री है, कुछ जानकर सोचा तू क्वेश्चन एग्जाम हम कर लेंगे, लग रहा है अरे तुमको जो है पहचाना है, वो तो बहुत चतुर होते हैं सर, आज क्या था पढ़ने के लिए इसके पास नहीं देता है, नहीं पढ़ना है, पढ़ा रह जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं जाओ पढ़वाओ, कई दिन पढ़ाएगा, घिच घिच के पढ़ो, अजहा गलती पक तू तो धर लेते हो सब बात, वहाँ धर लेना गलती भड़का जाएगा ना, उसके बाद गलती पढ़ाता है, नहीं आएगा पढ़ने के लिए तो कहना हमारे पास जाओ, कैमरा लगे नहीं थी, चलो ठीक है, हल्ला नहीं करो नहीं दिक्कत हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर, हंसी लगा क्या इमोशन दिया यार, भले फ्रिज हुआ ना सर, रेफ्रिजरेटर हाँ, और या कोल्ड स्टोरेज जहाँ सामान रखते हो ठंडा करने के लिए, सर ने ही अति आया मतलब इसमें जो है ना, इनिशियली इसमें भी यूज होता था वही चीज़,
इसमें यूज होता था पहले इनिशियली, मतलब पहले इसमें फ्रियॉन यूज होते थे या सीएफसी यूज करते थे। फ्रियॉन्स या बैन लग चुका है इस पर, हानिकारक है। अब तू खुद समझ चुके बैन क्यों लगा है, यहाँ इस नंबर में उसका नंबर है, तो बुझे क्या होगा इसका योगदान क्या चीज़ करने में, आज कहते हैं बढ़ाना योगदान है तो बढ़ाएगा तो उसको हम लोग यूज करेंगे, नहीं करेंगे यूज तब है ना, है समझ गए ना, ठीक है ना, बहुत समझदार हो तू। अब इसके जगह पर अमोनिया यूज होता है, अमोनिया। अच्छा सर, फ्रिजों में यही इसी का यूज करते हैं, ये लिख रहे हैं देखो। हाँ वो तो बताए थे अभी, हो इससे पहले भी बताए थे, अमोनिया यूज करते हैं, समझ में आ गया ना। आप बैन कर दे तो बात सही, ये बैन कर चुका है पहले, फ्रिज जैसे सबसे निकलता था ना एसी वाला जितना यूज करता था अमेरिकन सब। इसके लिए क्रिप्टो प्रोटोकॉल हुआ, एक तो बढ़ाएंगे क्रिप्टो प्रोटोकॉल, थोड़ा जानकारी देंगे, हमारे सिलेबस नहीं है उसमें। सब शपथ खाया, आज से हम शपथ खाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कम पैदा करेंगे, कसमें वादे खाया सब वहाँ जा करके, कसमें वादे। क्योटो पता है कहाँ का राजधानी है, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था, हाँ प्रोटोकॉल उसको कहा जाता है। वहाँ सब क्या किया, अग्नि शपथ लिया, आज हम शपथ लेते हैं कि आज से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल पाएंगे और ग्रीन हाउस गैस पैदा सर नहीं करेंगे। छोड़ो ना, एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन तुम्हारे, क्या इतना किसी पूछना भी, इसमें डाउट भी है बोलो, किसी ने पूछना भी चाहते हो। यहाँ से बोला सर, अच्छी किरण प्रकाश से गुजरती है यहाँ पर, दिया होता है इसमें, अरे किरण होता है बहुत धरती को सबने आता है, ओजोन रोक लेता है सबको, इसमें पर हो जाता है तो सब बताएं का क्या किरण आता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में कितनी किरण होती है। अरे दूसरा कुछ, वो धरती पर सब आप सब पाता तो जिंदा रहता अभी, यदि सब किरण पराबैंगनी भी आ जाएंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज होते हैं, पराबैंगनी किरण भी नहीं रुकते हैं धरती पर ज्यादा समय तक, पता है ना। अरे वेवलेंथ उसका क्या है, वेवलेंथ कम है ना तो चले जाते हैं, पराबैंगनी किरण रुकते हैं लेकिन बहुत, कहाँ रुकेंगे पराबैंगनी किरण कहाँ रुकेंगे, ओजोन लेयर में उधरे वायुमंडल, उसको कहा जाता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षय होना, जहाँ ओजोन परत का लेयर कम होंगे ना, कम थिकनेस का, वहाँ से पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से अलग अलग हार्मफुल होते हैं, चरम रोग होते हैं, बड़ा खतरनाक खतरनाक, समझ रहे हो ना, लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका वेवलेंथ क्या है कम है, इसीलिए वो क्या होंगे चले, और वही पराबैंगनी यहाँ जो रे गया है ना, ये पराबैंगनी किरण ये चले गए हैं, रुकने वाला है कौन रे, इंफ्रारेड रे हैं वो, अवरक्त किरण के, जिसके कारण गर्मी लगता है, अरे गर्मी हमको किस तरह महसूस होता है, पर अवरक्त किरण के समझ में, ललका बोल जो होता है उसमें अवरक्त किरण निकलता है, दस्तकिया वाला उसमें कौन रे, इंफ्रारेड रे निकल रही है, जिसके कारण हमको क्या महसूस होता है गर्मी। ये जो पराबैंगनी किरण है ना, इसी को रुकने वाले वेव को पृथ्वी के सतह का तापमान खगोलीय तरंगों से बढ़ता है, वो खगोल टेरेस्ट्रियल वेव्स वही है जिसको यूवी रेज कहते हो, वो कुछ के कुछ के कारण उसको टेरेस्ट्रियल वेव कहा जाता है, धरती पर आती है उसको नाम दिया गया है, वो उतना मात्रा में नहीं आती है, यदि आएगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, आगे चर्चा करेंगे इसीलिए उतना नहीं होता इस बारे में। चलो आशा करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना, देखो यहाँ लिखे हैं भैया, देखो लिखाएंगे नहीं, सुनो यहाँ से कुछ बातें, ग्रीन हाउस नाम किसने दिया, क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रीन हाउस नाम किसने दिया, इसका डिस्कवर किसने किया, जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस नाम सेवांते आधे सेवांते, हाँ उसने इसका नाम दिया ग्रीन हाउस, क्या दिया सीधा कुछ सब नाम दिया, सुनो अब सुनो सब सब चीज सुनो, अबाउट 75% ऑफ सोलर एनर्जी, कितना परसेंट, 75% सोलर एनर्जी मतलब सूर्य का ऊर्जा को फ्रॉम सन इज एब्जॉर्ब्ड, अबाउट 75% ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम सन जो आती है इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, सूर्य से आने वाली 75% सोलर एनर्जी को अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड रेस्ट 25% इज रेडिएट्स बैक इनटू एटमॉस्फेयर, कुछ समझा, जितना आया सूर्य से एनर्जी 75% सोलर एनर्जी फ्रॉम सन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अर्थ सरफेस, धरती का सरफेस ही सोख लिया 75%, 25% क्या करेगा वो, जाइए जाइए 25% देने देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस, ग्रीन हाउस के कारण ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, यदि ग्रीन हाउस नहीं होंगे विदाउट इट -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा, माइनस में समझ, हाँ माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो ना माइनस में,
यदि ये गैस, हाँ यदि यदि हवलदार नहीं रहेगा टीटी जांच करने वाला तो सब क्या होंगे, भाग जाएंगे, रे आए और सब भाग रोकने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो वो बात ही है, यदि नहीं रहेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर -28 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे हैं, इसीलिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना होगा होता है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में भी है, कितना सबको समझ में आ गया ना। चलो वो जो तुमको समझाया था ना वही बात है, देखो यहाँ से समझाया गया उस चीज़ को, यहाँ से यू भी हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ, देखो लिखा है ना यहाँ से रे निकला है दो को, एगो रे ये एगो रे ये, सुनो यहाँ से क्या गोरे निकला है, इस फिगर में अच्छे तरह से उसे दिखाए गए हैं, यहाँ से दो गोरे निकले हुए हैं, एक वो कौन रे हैं, यू भी रे हैं, यू भी ये रे का वेवलेंथ क्या होते हैं, कम वेवलेंथ अभी लिखे थे ना, वेवलेंथ इंफ्रारेड से क्या होती है, लेकिन एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी है, ये आएंगे यहाँ से आएंगे, और देखो यहाँ से CO2 है और भी गैसें हैं जिसकी वजह से अब्जॉर्ब दोनों अब्जॉर्ब होते हैं, इंफ्रारेड रुकते भी हैं अब्जॉर्ब पास भी कर जाते हैं, टेम्परेचर इस अर्थ का क्या होंगे बढ़ जाएंगे, CO2 गैस एब्जॉर्ब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या लिखा है यहाँ पर, देखो एक सेकेंड यहाँ से गड़बड़ तुमको होता होगा, ये रे कौन है, यू भी हाई एनर्जी लो वेवलेंथ, इतने बीच में वेवलेंथ इसका कम है ना, इसे ऐसे आ रहे हैं ऐसे चले गए, एक रे ऐसे आई ऐसे चली गई, समझ आ गया ना, दो को रेज गया, यहाँ कौन यू भी है उन्हें दिखाया गया स्पष्ट तरीका से, यहाँ दिखाया गया एनर्जी आ रहा है, यहाँ समझो ना फिगर को स्पष्ट नहीं चलेगा पता, इसे यहाँ समझो जो लिखा बता रहे हो समझो, कि CO2 गैस एब्जॉर्ब इंफ्रारेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसको सोख लेगा, इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड का एनर्जी क्या है, हाई क्या है, वेवलेंथ, अब क्लियर कर देते हैं सब चीज, इंफ्रारेड का एनर्जी लॉ इनर्जी, लॉ इनर्जी हाई वेवलेंथ, यूवी का हाई इनर्जी लॉ वेवलेंथ, अच्छा हम लोग कौन वेव हैं, हम लोग मान चलो हम लोग इंफ्रारेड हैं, अब बच्चा क्योंकि हम लोग का एनर्जी क्या है, वापस जाओगे दौड़ो और भर दिन बच्चा दौड़ते रहता है तो हरण होता है नहीं होता, लेकिन हम लोग का डेग लंबा लंबा हुआ तो हम लोग का वेवलेंथ अधिक है, एनर्जी क्या हम लोग का है, कम है, बदरा यूवी रे समझ रहे ना, यूवी रे बड़ा खतरनाक हुआ है, समझ रहे हो ना, ऐसे मान के चलो समझ के, उसका एनर्जी क्या है लेकिन वेवलेंथ उसका क्या होंगे, अच्छा अब चलो तो कार्बन डाइऑक्साइड सुनो सुन दो सब बात को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब इंफ्रारेड, अवरक्तरण कारण सर क्या करेंगे, उसका एनर्जी क्या है, कम एनर्जी है ना, अरे रुको कहाँ जा रहा है, पावरफुल नहीं उतना है, रुक लेगा उसको बड़ा, तू स्पीड नब्बे दे गाड़ी हाँक रहा था, लंबा लंबा डेग भाग जाएंगे, भागने नहीं देगा, भागने वहाँ लगल है, ढाला गिरा के जाम किया हुआ है, देखिए लाइसेंस तब आगे जाइए। तो फ्रॉम अर्थ सरफेस ड्यू टू दिस एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, इसी के वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, क्या समझ में आएगा ना, वो यहाँ पर भी दिखाए गए, यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस लिखे हुए हैं और ये 60% मैक्सिमम क्या लिखा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं, ये जल वाष्प का नमून है सर, ये क्रम उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसीलिए उसमें क्रम से लिखे हुए हैं, है ना। एगो दो गैस और होते हैं एच एफ सी भी हैं, अच्छा चलो ये समझ आ दिए, हाँ बोलो क्या कहना है तुमको बोलो, जलवाष्प भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होते हैं बेसी, तो यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, हमको तो वही लग रहा है, अरे ये देखो ना तीर ऐसे लिखा हुआ है, इससे भी जास्ता होगा ना जलवाष्प, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सही है, ये जो रटा मैंने दिया अपडेट करके बताया ये मैंने, और परसेंटेज नहीं है जानकारी लेकिन ज्यादा करना, H2O वेपर मोस्ट इफेक्टिव, देखो ज्यादा है लेकिन दो बात होता है, CO2 60% मैक्सिमम है लेकिन H2O वेपर मोस्ट इफेक्टिव है, ये ज्यादा करवाते हैं ये, समझो बात को, यहाँ क्या लिखे हुए हैं, ज्यादा CO2 होते हैं लेकिन H2 है पर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा करवाता है सबसे अधिक, इसीलिए मैंने वहाँ बोला था ग्रीन हाउस ज्यादा कौन करवाएगा, ये वर्ड यूज किया था, और ऑप्शन क्या बोले थे वहाँ पर हमने, वाटर पेपर सबसे पहले बोला था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तो ये कॉपी भी लिया था कि तुमको क्वेश्चन फंस सकते हो, परसेंटेज होते हैं CO2 के ज्यादा बस ठीक है कोई बात, लेकिन करवाता ज्यादा कौन है, वाटर पेपर ही करवाता है, अरे इसका साइज नहीं देखते बराबर है ना, गैस पाया जाता ज्यादा करवाता ज्यादा है, करवाने वाला है, हम वहाँ करवाने वाला बात बोले थे, ये देखो ज्यादा करवाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ रहे हो ना बात को,
तो ये बात हो गई, समझ में आया इतना बात। बोलो क्वेश्चन भी है कोनो? अब बोलो अब क्वेश्चन, कौन रे को रोक लेता है एटमॉस्फेयर? इसको कौन रे को रोक लेता है जो शॉर्ट रे शॉर्ट रे शॉर्ट को देने देता है? यूवी को सर जीरो इंफ्रा रेड को रोकता नहीं, शॉर्ट तो अपने रुक जाता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब, CO2 गैस एब्जॉर्ब इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड लाइट जिसका वेवलेंथ क्या है, जेड एनर्जी क्या है, कम है, कम एनर्जी है। अरे दम देव दम नहीं लगा इतने ट्रैफिक पुलिस बचा करो पाएगा। लॉन्ग रेंज है सर, तो लॉन्ग रेंज को ही ले लेता, शॉर्ट रेंज तो छोड़ ही नहीं देता। शॉर्ट शॉर्ट रेंज नहीं रुक पाता है, मटके लोग कौन पकड़े थे छटका सर। हम कंफ्यूज है, उधर लिखे थे वही बात है, यहां भी तो वही बात लिखा, पेज लो दिखा देते हैं। हां सर, वही बात लिखा है, लिखा है पेज लो दानिश के। ये तुमने देखा अपना थी कहां? अबे देखो दो बात होती है, समझो देखो, पराग यहां पे लिखा था ना पराग, यहां मैंने हमने बोला होगा परागवनी किरण रुकती है, यहां यही बोला होगा ना। हां परागवनी नहीं बोला होगा, ज्यादा मतलब रुकती है परागवनी किरण, वहां रुकता है कम मात्रा में आती है। बहुत क्या होती है परागवनी किरण? कम मात्रा माती है अर्थ सर्फिस पर, और वहाँ ज्यादा मात्रा माती है जहाँ की ओजोन का डेप्थ कम है, जहाँ पर ओजोन का डेप्थ क्या है, कम है। और पढ़ाएंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कहते हैं ओजोन परत में छेद हो गया है, छेद फिर कुछ नहीं होता है, लेयर एक्चुअली क्या होती है, वो पतली हो जाती कम हो जाती है, तो लेयर पतली हो जाएगी तो लाइट वहाँ से परावैगनी किरण ज्यादा मात्रा में अर्थ पर आ जाएगी, और अर्थ पर आ जाती है चरम रोग होता है उस कंडीशन के लिए है, और उसको हम लोग उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल वेव्स बोलते हैं हम लोग। खगोलीय तो पृथ्वी की सतह का तापमान खगोलीय तरंग से बढ़ता है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर किस तरह किसके कारण से बढ़ेंगे, इंफ्रारेड लाइट्स की वजह से। चलो आगे बोलो, और कुछ पूछना है? चलो छोड़ देते हैं, आगे कल करेंगे काम हम लोग। उखाड़ लेता हूँ, उखाड़ लो एक घंटे। चलो कौन दावा है, छोड़ो इसको, आप चप्पल आप ले लीजिए अंदर से, ठीक है? अब बहुत बैठा ना, ठीक से इसीलिए बैठा है ना, आइए अब है ना, चल ठीक है ना, अब बैठा पड़े था। चलो अब हम लोग बात करते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीन हाउस। थोड़ा सा देखो रिवीजन मार देते हैं, वैसे तुमको पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन उतना डिस्कस नहीं हुआ है। पहले बताए थे डिटेल में चर्चा हो चुका है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, कमीशन लेवल तो पढ़ाइए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं जानकारी हुआ था उसमें। सुनो कल पवन गया नहीं आया था? नहीं सुनो एक मिनट छूट जाएगा, तो जो फैक्ट्स कल छूटे थे उसको बात करते हैं तुरंत तुरंत, उतना कुछ था नहीं तो फालतू तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको फालतू बात पता है पहले से। ग्रीन हाउस मतलब क्या होती है? ग्रीन हाउस मतलब होता है जब सूर्य की प्रकाश धरती पर आके अटक जाती है, तो उससे जो रेडिएशन मतलब निकलती है। ठीक है, जैसे देखो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम में क्या हो रही है, सूर्य का प्रकाश कहाँ, सूर्य का प्रकाश आएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, धरती पर आएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, टकरा करके क्या होती है वो गैस, आप मतलब ऐसे वैसे कर फंस जाती है, ऐसे कुछ होती है, ऐसे कुछ होती है इसमें। हालांकि ये टॉपिक कल पूरा नहीं होता, जो बात दो चार बात और बचा उसको लिखेंगे, आज हम आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक्स कल पूरा नहीं हो पाया था, समझा दिए थे लेकिन लिखाए नहीं थे कि, और ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना इस चीज़ों को। ये अपना क्या है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये अपना अर्थ सरफेस है। तो बात क्या होती है, यहाँ से यहाँ से वेव आएगी, कौन वेव आएगी यहाँ से, जो भी और अवरक्त किरण, लघु तरंग लघु शॉर्ट या सूक्ष्म, सूक्ष्म ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सूक्ष्म तरंग, इसमें अपना यू भी रहेंगे, इंफ्रारेड भी और विजिबल लाइट जिसे क्या कहते हो, दृश्य प्रकाश, मिले होते सब आपस में मिले होते हैं, तुमको पता है ना कि सूर्य के प्रकाश में जनरली बल्ब सब निकालते हो, किसी बल्ब से चार कलर किसी पांच कलर, लेकिन सूर्य के प्रकाश में पता नहीं कितने होते हैं, सूर्य के प्रकाश में तेरे चौदह देखे थे हम लोग, नहीं देखे थे, हालांकि उससे भी अधिक होते हैं, हम लोग कितना जानकारी लेना, इससे भी अधिक होते हैं सूर्य के प्रकाश में, कई प्रकार के रे होते हैं सूर्य के प्रकाश में, है ना। तो लघु तरंग शॉर्ट वेव आएंगे, कौन वेव आएंगे, शॉर्ट वेव आएंगे, और शॉर्ट वेव का एनर्जी काफ़ी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, एनर्जी काफ़ी क्या होते हैं, अर्थ पर आएंगे, अर्थ पर क्या है यहाँ पर देखो, अर्थ पर आएंगे तो अर्थ पर यहाँ क्या है, इसे करके ट्री है, अर्थ पर क्या है, ट्री है,
और अर्थ पर यहाँ क्या है रखा हुआ? अर्थ पर वैन है, इस प्रकार से गाड़ी है, और भी अर्थ पर क्या है? आदमी भी दे दीजिए। राहुल बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहा है प्लेट में लेकर के, समझ रहे हो ना? प्लेट, इस प्रकार से, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर हैं, और सबको क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए सबको ऊर्जा? तो सूर्य से क्या निकलेंगे? लघु तरंगे निकलेंगे, तुम्हें लेस में से बता रहे हैं, नहीं तो ऑब्सेंट मत रहना, नहीं तो फिर बताएंगे नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए डिस्कस भी नहीं करते हम। सूर्य से आएंगे लघु तरंगे, सूक्ष्म तरंगे आती हैं, हीट एनर्जी आएंगे, और अर्थ धरती क्या करेंगे उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और धरती पर जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब भी क्या करेंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी से एब्जॉर्ब कर ले, अपने पास एनर्जी रख लेंगे, और ये जो वेव आई थी इसका एनर्जी काफ़ी क्या थे, अधिक हाई एनर्जी थी, और वेवलेंथ कम होंगे उसका, दोनों में उल्टा रिलेशन पता है ना। अब क्या होंगे, धरती के पास एनर्जी आ चुका है, अब वो एनर्जी फिर क्या करते हैं, छोड़ देंगे, रेडिएट करेंगे, तो कौन रे छोड़ेगा, यहाँ से जो रे निकलेगा है ना, तो यहाँ पर हीट ट्रैप हो गया, हीट ट्रैप हो गया ना, हीट ट्रैप होने के बाद फिर यहाँ से रे क्या निकलेंगे, रे निकलेंगे, तो यहाँ पर एटमोसफेयर है ना, यहाँ पर एटमोसफेयर है, यहाँ पर एटमोसफेयर है, इस प्रकार से यहाँ भी रे आई थी, एटमॉस्फेयर से आर पार चली गई, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन तो नहीं होते, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, सीएफसी गैस, ओजोन और भी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स करवाते हैं, तो वो जलवाष्प भी हैं, तो वो जो होती है ये लघु तरंगों को रोक नहीं पाती है, क्योंकि इसके पास एनर्जी काफ़ी क्या है, इसको भी रोकते हैं, लेकिन उतना रोकते नहीं, बहुत कम मात्रा में, काफ़ी एनर्जी का दिया अधिक है ना, वेवलेंथ कम है, वो एकदम रेर देगा, रेर गियर वो है, टेरेगा नहीं, समझ रहे हो ना, चले जाएंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत। अच्छा आप बताओ, ऐसे जब होंगे आप धरती पर आएंगे, धरती इसको एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेंगे, अब जो अवशोषित कर लेते हैं, एनर्जी अवशोषित करने के बाद फिर क्या करेंगे, एनर्जी को रेडिएट करेंगे, एनर्जी क्या होंगे फिर ऐसे होकर के, एटमॉस्फेयर एनर्जी क्या होंगे, रेडिएट, एटमॉस्फेयर एनर्जी क्या होंगे, रेडिएट्स होंगे, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, तो इस CO2 गैस एनर्जी क्या करेंगे, CO2 गैस एनर्जी को ले लेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, ले लेंगे, रे को नहीं देगा जाने, खुद एनर्जी ले लेंगे, लाओ इधर एनर्जी लाओ, कमीशन दो, और कुछ को जाने, क्या सब को ले पाएंगे, नहीं, जितना कैपेसिटी उतना ही है ना, सब को ले पाएगा तो क्या अर्थ हम लोग रह पाते, नहीं रह पाते। अब मान लो यदि यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, सुनो एक मिनट, यदि यहाँ रोकने वाला कोई CO2 गैस मान लो नहीं होता, सपोज आज कुछ समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कुछ रोकने वाला गैस है ही नहीं, गैस को रोक पाएगा, मतलब रे को रोक पाएगा, मतलब बहुत रे अर्थ पर आएंगे, अर्थ का टेम्परेचर एकाएक काफ़ी क्या होंगे, बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, यदि एटमोसफेयर नहीं हो, ओजोन नहीं हो, जितना गैस है सब धरती पर पड़ जाए, सूर्य जितना नहीं कारक तानिकारक है, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, दिन में है 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर, बहुत तेज 400 से 500 हो जाएगा, और रात में खूब माइनस में होगा, क्योंकि रोकने वाला गैस है ही नहीं, समझ रहे हो ना, सब लौट जाएगा। यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो, ग्रीन हाउस घटना धरती पर नहीं होती है, तो गैस तो आ तो जाएगी, और फिर क्या होंगे, सब लौट जाएगा, तुरंत टेम्परेचर बढ़ेगा, और रात में तुरंत माइनस, खूब अधिक, खूब गर्म और खूब ठंडा रह नहीं पाओगे, दूसरे ग्रह तरह बंजर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बंजर, लेकिन जैसे देखते हो ना चंद्रमा अति चंद्र अति सब मंगल से बंजर, इसी कारण से ना टेम्परेचर रात में क्या होती है, बहुत नॉर्मल, दिन में क्या होता है, वैसे क्योंकि वहाँ एटमोसफेयर है ही नहीं, लेकिन वहाँ ग्रीन हाउस क्रिया होती नहीं है, इसी कारण से बात समझ रहे हो ना। अर्थ पर भी यदि ग्रीन हाउस क्रिया नहीं हो तो -18 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाएगा अर्थ का रात में, तो पते है दिन में काफ़ी अधिक हो जाएगा, और पते है 18 डिग्री क्या होती है, कौन रहेंगे राहुल भैया, -18 डिग्री में कौन जीव रहते हैं, पदार्थ रहेंगे, मतलब अति वाला भालू रहता है जिसे कौन कहते हो, अरे उजला भालू, क्या नाम उसका है, भालू पता नहीं, भूल गए नाम, बियर थ्री के कहा बियर कैसे, बियर मतलब भालू, बियर मतलब भालू होता है, नाम बियर कहते हैं उसको, एडी बियर से, नहीं पहाड़ी इलाका में जो भालू होता है ना, वो सिर्फ रह पाएंगे, वो काफी, हाँ वो काफी माइनस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाते हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर के बाद उनको गर्मी लगेगा, शरीर से पसीना छोड़ेगा, पेंगुइन सब भी रहेगा, ठीक कहा तूने, वो भी रहेंगे, मछली तछली सब हाई टेम्परेचर पर देखते नहीं हो, जम जाता है, रह पाएगा लो टेम्परेचर पर, मछली सबको एक सर्वाइवल टेम्परेचर चाहिए, सील देगा सर, सील वो जो मोस्ट टाइप से था मुंह अति करके आगे क्या तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत।
पते में पा जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे कुछ नहीं बताए हैं ये वाला बात होती है। तो सूर्य से कौन रे आ रही है? सूर्य से लघु तरंगे आ रही है, शॉर्ट वेव्स आ रही है, सूक्ष्म तरंगे आ रही है। उसका एनर्जी काफी क्या है? अधिक है, हाई एनर्जी है। और धरती तर सब क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे। तो छोड़ेंगे तो किस वेव के रूप में छोड़ेंगे? इंफ्रारेड लाइट के रूप में छोड़ते हैं, अवरक्त किरण के रूप में छोड़ती है। अब देखो अब यहाँ जो अर्थ पर जो ये पहुंच, उसको टेरिस्ट्रियल वेव हमने नाम दिया था, नाम नहीं दिया था। अर्थ को गर्म कौन करता है बताओ? अर्थ सरफेस को गर्म कौन किया? खगोलीय पिंड, अति तरंग, खगोलीय तरंग, टेरिस्ट्रियल वेव बोलो, कौन वेव? टेरिस्ट्रियल वेव। और वही है, सूर्य से आ रही है, अर्थ सरफेस गर्म हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करवाता है? ग्रीन हाउस CO2 CH4 वो सब करवाएंगे। दो बात यहाँ होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है, धरती का सरफेस गर्म होना अलग क्रिया है। वैसे किसी भी ग्रह का सरफेस भी गर्म होते हैं, ऐसा नहीं धरती का सरफेस गर्म होते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं है किसी ग्रह पर, लेकिन ये सब काम तो सब जगह हो रहा है। सूर्य की किरणें आती है, वो ग्रह उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है काफी अधिक मात्रा में, और फिर उसको क्या करती है? रेडिएट करती है। टेम्परेचर का अधिक बढ़ते हैं और अधिक क्या होते हैं? घटते हैं। अब जैसे रोशनी यहाँ से यहाँ पर आया, हाई एनर्जी लेवल, धरती उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो जितना अच्छा शोषक हो उतना अच्छा ही क्या होंगे? उत्सर्जक होते हैं, उत्सर्जक होते हैं। जो जितना अच्छा क्या हो, शोषक होते हैं, उतना अच्छा क्या होंगे? उत्सर्जक। क्या धरती तुरंत गर्म होता है? नहीं, तो धीरे धीरे को छोड़ेगा रेडिएशन, धीरे धीरे निकालेंगे। सूर्य से रे आ रही है तो उसको बोलेंगे सोलर रेडिएशन, अर्थ से जाएंगे तो उसका अलग नाम है, अर्थ का रेडिएशन तब हो गया वो। तो अर्थ से छोड़ती रेडिएशन रूप में वो इंफ्रारेड ही लाइट है, और इंफ्रारेड का एनर्जी क्या होंगे? कम होंगे एनर्जी, और वेवलेंथ एनर्जी क्या होंगे? अब वेवलेंथ क्या होंगे? अधिक होंगे। और ये कहाँ पहुँचेंगे? इसके पास ऊपर में CO2 है, वाटर वेपर है, मीथेन है, ओजोन लेयर है, वो उसको जाने देगा? नहीं, घुरा करके फिर क्या करेंगे? इसको भेज देगा अर्थ पर ही, फिर भेज देगा, जाइए फिर बनाना फिर से। और यहाँ तो गर्म हुआ ही था, यहाँ से फिर हीट धरती छोड़ा, और फिर हीट कहाँ रहा है? फिर धरती पर ही। इसी कारण से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होंगे? मेंटेन होंगे। शॉर्ट वेव आया, अर्थ ग्रहण किया, जितना मन है उतना लिया, अर्थ पर जितना ऑब्जेक्ट है सब लिया, फिर छोड़ेगा इंफ्रारेड रे, कम एनर्जी लेवल का छोड़ेंगे, हायर वेवलेंथ का। और छोड़ते हैं वो जो जाने वाली गैस है, रे है, उसको CO2 जो ओजोन गैसेस हैं उसको क्या करेंगे? वो ट्रैप कर लेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ घेर लेगा तरफ से, इसको जाने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सबको घेर लेगा, सबको घेर नहीं पाएगा। अरे सबको यदि घेर पाता तो तू अर्थ पर आ पाते, टेम्परेचर का क्या होता, काफ़ी इंक्रीज कर जाता, तो अर्थ पर नहीं रह पाते। कुछ क्रिया इसी प्रकार से जो कल मैंने डिस्कस किया था, है ना, अपना अर्थ ही है। कुछ को जाने दिया, शांत रहो, ये रे आ रही है ना, देखो कितना मोटा है, एनर्जी इसका क्या है? काफ़ी अधिक। सीधा बैठो, ये जो रे आ रही है इसका एनर्जी देखो, मोटका रहे ना, सूर्य से आ रही है ना, मोटा एनर्जी आ रही, मोटा है। अब अर्थ सरफेस पे क्या आएंगे? अर्थ सरफेस देखो, ये सब चला गया अंदर, अर्थ सरफेस ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपस में क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में ये रिलीज कर देते हैं। जिस डस्ट उसी प्रकार से जैसे कि तावा को गर्म करते हो गैस पर, जितना गैस देते हो क्या उतना एनर्जी फिर देते हैं तावा? नहीं देते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये क्रिया कुछ होती है। एट नाइट मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी एस्केप्स बैक इनटू स्पेस, मतलब रात में एस्केप कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सन एनर्जी को जो उसने अर्थ अपने पास रखा था, और धीरे धीरे करते हैं। और इसी कारण से जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है ठंडा हमको धीरे धीरे लगता है, सुबह ठंडा अधिक लगता है, क्योंकि सुबह तक में लगभग बहुत सारे क्या होते हैं, रे निकल जाते हैं, और टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस ही बचता है, एवरेज टेम्परेचर, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मैंने एवरेज टेम्परेचर बात किया है, कोई दिक्कत है ना, ये सब बात किए थे, ये सब बात हो चुका है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेज अर्थ एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ इट्स गोज राइट थ्रो सम बाउंसेस ऑफ बैक इनटू स्पेस, जो कहा उसी इंग्लिश में लिखा है। चलो तो मैंने बताया है ना, यहाँ से ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे? 18 डिग्री सेल्सियस, जो कल बचा हुआ था उसको हम लोग पूरा आप कर लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो फेंक सकते हो क्वेश्चन मेरे ऊपर, बोलो किसी को क्वेश्चन पूछना है, 10 डिग्री फेंको क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना, शांत रहो, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का औसत लिखो, पृथ्वी के तापमान में औसत में दोनों अंतर होता है,
एवरेज टेम्परेचर क्या होती है बताएगा कोई? बहुत सारे टेम्परेचर क्या करेंगे, नंबर ऑफ जितना टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, वही क्या होती है एवरेज टेम्परेचर। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना यदि नहीं रहेगा तब पृथ्वी का औसत तापमान -18। हाँ पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना बोला है, ये नहीं रहेगा तब बोला है, प्रभाव के बिना मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना नहीं होंगे ग्रीन हाउस घटना तब टेम्परेचर हो जाएंगे -18 डिग्री सेल्सियस होता है। सर इतनी कम होगा सर? यहाँ एगो क्वेश्चन है सर, मतलब मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे मतलब दिन का तापमान हो जाता है 300 कुछ ऐसे 300 से प्लस है ऐसे देखे, और रात का तापमान 400-500 हो जाता है, माइनस में हो जाता है, फिर यहाँ पे इतने का है होगा -18 ये का है होगा? यहाँ पर सिर्फ बोला ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा, और गैस तो है यहाँ पर, सुनो ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना एटमॉस्फेयर यदि हटा दो सब पूरा साफ कर दो तो वही धरती भी बन जाएंगे उसी प्रकार से, अब पहले धरती भी उसी प्रकार से थे, जब धरती का निर्माण हुआ धरती क्या था, आग का झलकता हुआ क्या था, गोला धरती था। अभी भी अर्थ का अंदर का टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, जितना ऊपर से शांत लगता उतना ऊपर से शांत अर्थ है नहीं, बहुत सारी घटना हुई जो ज्योग्राफी में पढ़ोगे, कई सारे थ्योरीज हैं, वो सब थ्योरी होने के बाद एटमॉस्फेयर निर्माण हुआ, यदि अर्थ पर से एटमॉस्फेयर क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे अर्थ भी कैसे बन जाएंगे मून के तरह, समझ रहे हो ना? वो सर्च पढ़े थे अभी तक जो है ना सर 3 किलोमीटर ही सिंपल धरती पे खोद पाया अंदर नीचे, वो तो है लेकिन एक जगह यदि बर्फ से लिया आया तो 12 किलोमीटर खुना, उसके बाद कोई भी यंत्र दिया जाता था तो वो गल जाता था, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता था। हाँ इसका चर्चा हम एक बार ये लोग दिखाए थे, आएगा वो चक्कर तब पढ़ाएंगे, ग्रेविटी पर पढ़ाते हैं ना तो दिखाते हैं, ये समझ में आ गया ना, शांत रहो। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज एवरेज, ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा? -14.5 डिग्री सेल्सियस, कोस्ट में लिखो 15 डिग्री सेल्सियस, एनसीईआरटी में लिखा ली है और बहुत एग्जाम में ये आ चुका है, दोनों जगह उसी टिक मारना, मैंने क्या कहा एनसीईआरटी में क्या लिखा है 14.5 एग्जाम में क्या एग्जामिनर 14 नहीं था तो 14.5 नहीं था क्या लिखा हुआ था, इसीलिए 15 भी होंगे, कहीं पढ़ते हो 15 कहीं 14 दुकान हुआ, दिन का हुआ, दिन का नहीं हुआ, ये एवरेज टेम्परेचर हुआ सीधा ग्रीन हाउस प्रभाव करेगा तब नहीं होगा, इसीलिए बिना में घेरा मार दिए हैं। ग्रीन हाउस होता तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अति गोजी क्या होते हैं, खराब होते हैं। अब तू कहेगा खूब ग्रीन हाउस कर देंगे, समझ रहे हो ना, खूब कार्बन डाइऑक्साइड जला रहे हो, सब चीज़ जला रहे हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है, जितना जितना फैक्ट्री है होता है ना, रोकेगा मान लो कार्बन खूब जनरेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में खूब रोक रहे हैं, तो मान लो पहले तो कुछ रेन निकल भी जा रही थी, जहाँ नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड रोकने वाले तो वहाँ से निकल भी, बीच से निकल भी गया, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड डेंसिटी काफ़ी हो हाई हो जाएंगे, ये जो रेडिएशन छोड़ रहे हैं कौन लोड दे रहा है, हटाओ पहले इधर करो, पवन वीर है, रेडिएशन जो छोड़ रही है अर्थ रेडिएशन छोड़ रही है, तो वो सब रेडिएशन को क्या करेगा, रोक लेगा, जलने देगा, एटमोसफेयर के टेम्परेचर ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे फिर क्या होगा कल बताओ, बढ़ेंगे तो क्या घटना होगा, इसी घटना क्या कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसी घटना क्या कहते हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे, अरे सुनते नहीं हो, फलना का जंगल आग लग गया, नहीं सुनता है अभी, फलना जंगल इसी सब कारण से होती है ना, टेम्परेचर काफी क्या हो जाते हैं, नहीं सुनते हो, टेम्परेचर क्या होते हैं काफी बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर जो काफी शांत रहो ना, सुनना नहीं चाहते, कैसे चला दें, हल्ला बंद करो ना तब ना पढ़ने मजा आता है, क्वेश्चन पुटअप करो काम वाला, हाँ अब शांत लग रहा है ना, अंकित हल्ला करा तभी समझ में आता है, देखो हल्ला करोगे ना शांत कराने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं क्या बता रहे थे, लिंक ही मेरा फेल मर जाएगा था, फिर तब देखेंगे क्या आगे पढ़ाना था, वो घिसते रहते हैं, लिंक बना रहता है ना कि इस प्रकार से दिमाग में सेट रहता है, क्या कह रहे थे, तो अर्थ का जो जब यही घटना औसत टेम्परेचर काफ़ी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, एक डिग्री भी बढ़ जाएगा ना, एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बहुत बहुत बवंडर हो सकता है, एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो मैंने बताया
कि यही जब ग्रीन हाउस क्या होती है बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस करवाएगा करवाने बहुत हो अर्थ का औसत टेम्परेचर काफ़ी क्या हो जाएंगे एको डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ गया ना एको डिग्री सेल्सियस तो उसी घटना को क्या कहते हो ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है एक लाइन बोलेंगे जब ग्रीन हाउस बहुत अधिक होने लगे ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक मात्रा में होने लगे तो अर्थ का टेम्परेचर औसत क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। इस घटना को क्या कहते हो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा बताओ ग्लेशियर पिघलेंगे। अच्छा देखो एक चीज देखने वाली बात है एक चीज देखने वाली बात है कि अभी भी जो अपना है पहाड़ है ग्लेशियर्स हैं सूरज का लाइट सभी भी वहाँ आ रहा है ना लेकिन कहाँ पिघल रहा है उस पे जब तक नहीं पड़ेगा तो लाइट से क्या होता है सूरज की लाइट नहीं आता है। हाँ आता है आता है लेकिन उसका सरफेस कैसा है कलर में नीला किसका ग्लेशियर नीला होता है कहाँ नीला पड़ा था तू तो बहुत तेज हो पढ़ने में लोग कह रहा था क्या पढ़ा रिफ्लेक्शन लाइट्स में लाइट्स क्या करते उजला सरफेस क्या करते लाइट्स को ज्यादा रिफ्लेक्शन अरे सब भेज देता जाइए सुरक्षा उगता अब ब्लैक क्या करेगा अवशोषित कर देगा तो उसका कलर व्हाइट से है तो लाइट को बहुत सारे एनर्जी क्या करते हैं रिफ्लेक्ट कर देंगे अपने ऊपर रखेगा तब ना गर्मी तब ना पिघलेगा वो तो भेज दिया है कम रखता है तो धीरे धीरे पिघलता है यदि ग्लेशियर सब पिघल जाए अनर्थ सब ताज होटल दिल्ली का जो घूमते हो ईच बीच है अथी मुंबई का अलाय वाला सब एक मंजिला क्या होगा सब डूब जाएगा समझ रहे हो ना अतिदा को रहने के लिए कह रहा ना दो मंजिला खाली है एक मंजिला नहीं है खाली कपड़ा उठा सबको चलना पड़ेगा ये स्थिति हो जाएंगे। बहुत सारे द्वीप जो हैं जो आइलैंड कंट्री हैं छोटे छोटे द्वीप्स हैं श्रीलंका सब हो गए हैं पापुआ न्यू गिनिया हो गए ऑस्ट्रेलिया कई सारे द्वीप्स हैं काफ़ी हैं ऐसे जो काफ़ी क्या हो जाएंगे वो सब जलमग्न हो जाएंगे ग्लेशियर सिर्फ पिघल गया इतना ग्लेशियर इतना बर्फ है धरती के सरफेस पर तुमको पता है ना नॉर्थ में ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नॉर्थन और साउथन पोल पर काफ़ी क्या जमे हुए हैं तो बर्फ है ना उसका टेम्परेचर काफ़ी क्या है वहाँ पर लो है ना क्योंकि वहाँ सूरज का लाइट्स पहुँच ही नहीं पाते हैं धरती जो कितना डिग्री टिल्ट धरती सरे 22 डिग्री कितने डिग्री है सरे 22 डिग्री है ना धरती ऐसे टिल्ट है ना सरे 22 डिग्री यहाँ वाला पोर्शन पर इधर वाला पोर्शन पर लाइट जा ही नहीं पाता है नहीं जा पाएगा तो क्या होगा टेम्परेचर वहाँ का काफ़ी लो होंगे और नॉर्थ और इधर में ही साउथ 6 महीना का दिन 6 महीना क्या होते हैं रात होते हैं ना 6 महीना का दिन 6 महीना का रात तो 6 महीने का दिन थोड़ा लगता होता था टेम्परेचर उसका क्या होंगे काफ़ी लो हो जाते हैं रोशनी कितना जगह पहुंच ही नहीं पाता है धरती का ही क्षेत्र पर तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएंगे तो वहाँ सब चीज़ किस में जमे होंगे बर्फ रूप में। अब मान लो अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो काफ़ी ग्लेशियर सब क्या हो जाएंगे पिघल जाएंगे तो ग्लेशियर पिघलेगा तो कलवत्ती में क्या होगा उसके बाद जलमग्न समुद्र का लेयर मतलब लेयर बढ़ेंगे और लेयर बढ़ेंगे तो बहुत सारे कंट्री तो ऐसे ही हो जाएंगे मतलब स्थिति खराब हो जाएगा समझ रहे हो ना कोई दिक्कत वो तो होगा जलमग्न होगा ही साथ साथ जो मान लो इतना कुछ धरती पर उगता भी है जिसे कहते हैं ना फेवरेबल टेम्परेचर पर ही कोई चीज़ उगते हैं यदि फेवरेबल टेम्परेचर नहीं हो यानी कि धान है तो इतना गर्मी ठीक है ज़्यादा गर्मी होगा तो नहीं कहते हो जल गया सब चीज़ क्या हो जाएंगे जल जाएंगे आदमी एक स्किन भी आदमी चमड़ा क्या हो जाएंगे धूप में जाने के बाद क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी क्या होंगे अधिक हो जाएंगे। जो बैन लगाया गया CFC पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन लगाया गया है इसी कारण से भी ना क्योंकि वो सब कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी अभी उज्ज्वला योजना चला है और भी कई योजना है फैक्ट्री सब में है तो ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था और भी कई अनेकार गैस निकलते थे जो कि ग्रीन हाउस करवाने में कब मदद करते थे पूरा पूरी मदद करेंगे तो सरकार इसी सबको क्या योजना चला दिया उज्ज्वला योजना बुर्बक था मोदी या साइंटिस्ट लगा देने वाला मोदी नहीं था उज्ज्वला योजना क्यों चला हुआ है वो गैस वाला जो आता है CO2 के अरे घर पहले खाना किसको बनता था पहले लकड़ी पर लकड़ी को बनता था क्या होगा उससे CO2 निकलेगा तो क्या होगा CO2 तब ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ना क्या हम लोग वो चाहते हैं नहीं चल इसीलिए कौन योजना चलाए LPG चलाए ना तो गैस से काम करो क्योंकि गैस नेचुरली गैस है हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं CH4 नेचर से मिलता है ना दलदली क्षेत्र में CH4 से मिलते हैं बढ़ाएंगे कहाँ मिलते हैं CH4 बढ़ाएंगे जो है ये तो अति से निकलता है ना ये तो पेट्रोलियम पदार्थ है ना सब धरती के अंदर से निकलता है शांत रहो ना सब सुनोगे सब धरती के अंदर से निकलता है चलो सब अंदर से मिलता है पेट्रोलियम से निकलता है शांत नहीं रहेगा ऊपर से निकालेगा क्या बता रहे थे
बता रहे थे एलपीजी है उसके बाद एक बार गाड़ी धर लेता है ना धरने रहेगा घंटा तू इतना टोक देगा तो फिर ब्रेक मार देंगे बहकम हो गया फिर नया सिरा गर्म करने फिर टाइम लगता है क्या बता रहे थे हम एलपीजी लिंक तू फेल कर दिया एलपीजी बतवे रे सर ओते से हम बतवे छी जते से चल रहे तब उसको बैंड किया गया तब एलपीजी का थी वो अब हुआ तो आगे पढ़ते हैं अब दिमाग में चला गया इसलिए कहते नहीं टका करो याद नहीं रहता है कोई चीज एक बार लिंक धर लेते हैं ना तो दिमाग अपने से जाता है ये चीज ये चीज ये चीज तो चलो आगे पढ़ाते हैं अब है सर उजाला योजना के बारे में मोदी जी लाए थे तो उजाला योजना जो लाए हैं तो किस लिए लाए हैं टेम्परेचर क्या करने के लिए कम करने के लिए ताकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं और भी गैसेस हैं जैसे एसी में पहले क्या यूज होता था सीएफसी और सबसे अधिक कार्बन कौन यूज करता था अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सबसे अधिक पूरा विश्व में अमेरिका जहाँ भी जिस कंट्री में फैक्ट्री काफ़ी अधिक है जिस देश में फैक्ट्री भी क्या है काफ़ी अधिक है वहाँ से हानिकारक गैसेस क्या होंगे काफ़ी अधिक मात्रा में निकलेंगे जिस देश में भी फैक्ट्री है उस देश से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो देश जैसे एसी यूज करता है एडवांस है वो उतना धरती के लिए खतरा है वो क्यों कि वायुमंडल उतना अधिक को क्या कर रहा है प्रदूषित कर रहा है जैसे भूटान हो गया बांग्लादेश हो गया श्रीलंका हो गया ये लोग के पास उतना पैसा नहीं है फैक्ट्री लगाने का ये लोग कम करता है कार्बन पैदा एक वर्ड होती है कार्बन क्रेडिट कार्बन डाइऑक्साइड बेच देगा जैसे मान लो कि नियम बनाया गया है पूरा सम्मेलन में कौन सम्मेलन कल बताए थे क्योटो प्रोटोकॉल बताए थे ना सब शपथ लिया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इतना से अधिक क्या करेंगे किसी भी साल में इससे अधिक हम लोग ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे अमेरिका बोला हम इतना करेंगे अमेरिका बहुत अधिक करता है ना क्योंकि काफ़ी वहाँ पर डेवलप कंट्री है अमेरिका फैक्ट्री सब क्या है वहाँ पर काफ़ी अधिक है जैसे बांग्लादेश श्रीलंका सब कम करता है ये कार्बन बेच देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या एक वर्ड होती है कार्बन क्रेडिट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बेचना कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बेचेगा नाप करके नहीं श्रीलंका पैसा लेगा अमेरिका से श्रीलंका किसे लेगा पैसा कहेगा हमको कितना सब नियम बना है सबको कि हर एक देश को कानून बना हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल में आप इतना से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट नहीं कर सकते हैं समझ में आ गया ना तो अमेरिका तो काफ़ी अधिक कर रहे हैं फैक्ट्री काफ़ी क्या है अधिक फैक्ट्री है बहुत अधिक मात्रा में फैक्ट्री है तो खरीद लेता है CO2 जिसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है कार्बन क्रेडिट मतलब CO2 खरीद लेना कैसे खरीदेंगे श्रीलंका ने उत्पन्न कर रहा था मान लो श्रीलंका को बोला है 100 टन डेली यूज मतलब साल में यूज करने के लिए श्रीलंका कर रहा है 20 टन यूज तो उसका 80 टन बच गया ना 80 टन यूज कर सकता है 80 टन दूसरे क्या करेंगे वो बेच देंगे आप मेरे हिसाब कर लीजिए आपको मतलब क्या करिए पैसा दे दीजिए अब कोई कंट्री मान लो जैसे नियम बना है 100 टन सपोज दैट कि एक कंट्री अमेरिकन है वो 100 टन एक साल में करेंगे मान लो अधिक कर रहे हैं इसके लिए क्या कहेंगे आजकल 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड 5G टेक्नोलॉजी के आधार पर 5G टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या करते हैं फैक्ट्री सब में एक इस प्रकार से लगा देते हैं फैक्ट्री के नोजल में इस प्रकार से लगा देते हैं डिवाइस सब कि जितना हानिकारक गैस है सबको वहीं क्या करेगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको सोक करके और हम लोग उसका करेंगे अर्थ के अंदर में उसको डाल देते हैं इस प्रकार से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यदि यूज होती है तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं किसी भी देश को कोई भी कंट्री है यदि वो आगे बढ़ना चाहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उठी करवे करेगा वो पैदा करवे करेगा जैसे इंडिया पर दबाव आ रहा है कि आप क्या करिए कार्बन डाइऑक्साइड कम करिए नहीं कर सकता है अभी इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री लेकिन कुछ दिन हालिया रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका माना था इंडिया को डेवलप्ड कंट्री जान लो ये बात विकसित मान लिया मान लिया था और क्या अंतर है विकसित विकासशील में क्या अंतर है पता है किसी को विकसित यदि कोई कंट्री है इसका मतलब वो हुआ किसी से व्यापार करेगा किसी से क्या करेगा विकसित है छूट नहीं मिलेगा उसको व्यापार में छूट नहीं मिलेगा टैक्स ज्यादा लेगा मान लो सुनो इंडिया कौन विकसित कंट्री है इंडिया गया अमेरिका व्यापार करने के लिए पहले इंडिया विकासशील था डेवलपिंग कंट्री था मतलब विकास कर रहे हैं प्रोग्रेस में है वर्क इन प्रोग्रेस पहले लेता था 10% टैक्स अब हम विकासशील है पैसा वाला आदमी है ना कहेगा 12% दो तो पैसा वाला व्यक्ति है समझ रहे हो ना इसीलिए कोई भी कंट्री चाहता है कि हम अपने आप को कागज कलम पर शो करें आई एम डेवलपिंग कंट्री चना भाई कहता आई एम लेकिन चना कैसा कंट्री है डेवलप कंट्री एक्चुअली में है वो क्या कहता हम कैसा कंट्री है डेवलपिंग विकासशील विकास अपना कर रहे हैं इससे क्या होती है व्यापार में सुविधा होगी टैक्सेस बचेंगे टैक्स बचा लेते हैं कंट्री ऐसे में दूसरे देश में जाओगे करने के लिए मान लो इंडिया व्यापार करेगा किससे अमेरिका से
तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका डेवलप कंट्री है, तो इंडिया का वहाँ टैक्स कम लगेंगे, वो आएगा हमारे यहाँ तो उससे टैक्स खूब दस लेंगे हम। अरे आप तो पैसा वाला व्यक्ति है, दीजिए टैक्स ना लगेगा, ये कारण है, समझ में आ गया ना। तो फायदा विकास नहीं है फायदा। तो हाँ, तो इंडिया क्या कर रही है अभी, काफ़ी मात्रा में इंडिया अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, क्योंकि मान लो हम लोग बिजली बनाते हैं तो कोयला से बिजली बनाते हैं, है ना, कोयला से क्या करते हैं, पानी को हम लोग गर्म करते हैं, पानी जब गर्म होंगे उससे क्या बनेंगे, वाष्प बनेंगे उससे प्रेशर बनेंगे, उसको क्या करते हैं पाइप के थ्रू टर्बाइन से क्या करते हैं घुमाते हैं, और टर्बाइन कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से बिजली बनते हैं। इस प्रकार से ये फेनोमिना किसका बनना है, बिजली बनने का फेनोमिना है। इस प्रक्रिया में जो हम लोग यूज करते हैं कोयला का पानी गर्म करने के लिए, तो कोयला जब जलेगा तो CO2 निकलेगा ना, CO भी निकलेगा, अदर गैस भी हानिकारक गैस निकलते हैं, जीवाश्म बनाने से गैस निकलती है ना, क्योंकि जीवाश्म के अंदर हानिकारक गैसें होती हैं, समझ रहे हो ना, इसी कारण से ना LPG लेना चलाए हैं कि जीवाश्म से बचाया जाए CO2 से और उसको सुरक्षित किया जाए। अब तुमको पता है कितना खतरनाक हो चुका है धरती पर, जितना भी पेड़ पौधे धरती पर उगे हुए हैं, जितना पेड़ पौधे देखते हो धीरे धीरे पेड़ पौधा क्या हो रहा है ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड खुद भी जनरेट कर रहे हैं, सांस भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। और दूसरा क्या है, और चीज़ को जला करके फैक्ट्री से केमिकल प्रोड्यूस करके और भी हानिकारक गैस उत्पन्न करते हैं, और वृक्ष का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को छोड़ना। अब वृक्ष क्या कर रहे हैं, वृक्ष को हम लोग काट रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला कोई है, हम लोग CO2 पैदा तो कर रहे हैं लेकिन CO2 लेने वाला कोई नहीं है, तो CO2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएंगे, और ऊपर क्या करेंगे, परत बना लेंगे काफ़ी मात्रा में। इससे कुछ दिन पहले, आज से 100 साल पहले क्या था, गाछ वृक्ष धरती पर क्या थे, काफ़ी मात्रा में थे, धरती का पोल्यूशन क्या थे, कम थे। अब पोल्यूशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो पेड़ का क्या होती है, ह्रास हो रहा है धीरे धीरे, तो पेड़ का जो ह्रास हो रहा है, CO2 लेने वाला कोई नहीं। हम CO2 काफ़ी दे रहे हैं, लेने वाला कोई ऊपर जाएंगे, एटमोसफेयर में जाएंगे, वहाँ एक लेयर बना लेंगे, गैस आ रहे हैं सूर्य से, रे आ रही है, जाने नहीं देगा, रोक लेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये इस प्रकार जानकारी दिया मैंने किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। बिहार में कितना परसेंट है सर पेड़ पौधा, ये हमको नया जानकारी भूल चुके हैं, खाली पता 7 को जिला, इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए बताओ, हम लोग क्या चाहिए, फैक्ट्री को हटाओ, यहाँ फैक्ट्री क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। अभी तुमको मैंने बताया, क्या बताया कि बिजली किससे पैदा करते हैं, कोयला से करते हैं ना, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कम पैसा हम लोग काम कर सकते हैं, तो बड़े बड़े सोलर पैनल लगाते हैं आजकल। इंडिया इस प्रकार से एक योजना बना रही है, इंडिया देखो बिजली को स्टोर करके रखा जा सकता है, बिजली जा सकता है कैसे, बैटरी जैसे रखते हैं, नहीं रख पाओगे उतना, जितना बिजली पैदा होता है बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता उतना मात्रा में, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बैटरी चाहिए, उसके लिए बहुत कभी पैसा खर्चा होंगे, इसलिए बिजली यूज होता है, पहले उसका बिजली पैदा होता है, पहले उसका यूज भी होता है बिजली का, समझ रहे हो ना। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े बड़े सोलर पैनल लगा रहे हैं काफ़ी क्षेत्र में। जैसे मान लो अभी यदि कोई सरकार कहती है स्टेट गवर्नमेंट, ये मेरे देश में कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ बना रहा है तुमको, ठक रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो बेवकूफ़ है ही, हमको बेवकूफ़ बना रहा है, राजस्थान में कुछ है, पानी सब है नहीं है, गाछ वृक्ष है, देखो बिहार से डेवलप है, बालू खाली सोचे हैं, क्या वो बहाना मारता है, मेरे पास बालू है, मारता है बहाना, है ना डेवलप बिहार से, बिहार के पास तो सब चीज़ है, कहाँ भी आप डेवलप बताओ, सोचो कभी इसके कारण क्या, सोचो दिमाग लगा उसके पास, वो क्या किया मरुस्थल जमीन पे सोलर प्लेन लगा दिया, बिजली क्या कर रहा है वो, अब बना बना बिजली क्या कर रहा है वो, बेच रहा है, उसमें कोई खर्चा है, एक बार खर्चा हो गया ना, अब बिजली बना रहे हैं, बिजली क्या कर रहे हैं वो, बेच रहे हैं। तो साइंटिस्ट धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक विकल्प निकाला, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था और भी सम्मेलन हुए, साइंटिस्ट सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अर्थ के टेम्परेचर को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने नहीं दें, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़े काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, बिजली में जो बनाने के लिए कोयला यूज़ करते हैं और भी हानिकारक गैसें यूज़ करते हैं, उससे हम लोग बचे जाएँ, इसके लिए क्या करते हैं, सोलर पैनल हम लोग खोज किए, सौर ऊर्जा, उससे बिजली बनाएंगे, यूज करेंगे। दूसरा बात, तुमको पता है जितना 1 टन कोयला बिजली बना सकता है उतना 1 किलो यूरेनियम बिजली बना सकता है, यूरेनियम से, समझ रहे हो ना, काफ़ी अधिक नाभिकीय संलयन विखंडन वो सब कर करके और उससे काफ़ी अधिक मात्रा में कम में ही बिजली बना लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से बिजली बनाएंगे। जितना फैक्ट्री है फैक्ट्री को हटाइए, फॉरेस्टेशन कीजिए,
डिफोरेस्टेशन को कम कीजिए, मतलब फॉरेस्ट मतलब वन लगाइए, डिफोरेस्टेशन मतलब कम कीजिए, मतलब वन को काटना धीरे धीरे क्या करिए, बंद करिए, इसको कहते हैं फॉरेस्टेशन करिए और डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब वन में वन को लगाना और डिफोरेस्टेशन मतलब वन को काटना। इसके लिए तुमको सुना होगा एक होता है वन वन विभाग में पुलिस होता है, क्या कहते हैं उसको, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड होती है, उसका क्या काम है, जंगल को सुरक्षा प्रदान करना। इसी कारण से अब बताओ जंगल को सुरक्षा प्रदान करेगा तो क्या होगा, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत, जंगल नहीं रहेगा मान लो तो बहुत दिक्कत है, समझ रहे हो ना, ये बात है। टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो कभी वर्षा शुरू हो जाएगा, कभी वर्षा, तो जो अभी कहते हो किसी महीना बारिश पड़ेगा, इस महीना धन उपजा लेते हैं, फिर मूंग उपजा गेहूँ उपजाएंगे, कोई रूल फैल मार जाएगा, सब रूल कोई रूल काम नहीं करेगा। और आने वाले समय जब ऐसे नहीं किया जाए तो मानव वैसे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी क्या हो जाएंगे, तो वैसे आदमी न रह पाएंगे। यदि आदमी आगे रहना चाहता है कि आप बताओ, आप बचाव बात करते हैं, कैसे बचा सकता है, सुनो, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है, वन लगा करके हानिकारक गैस को कम करके, तुम्हारा योगदान ही बहुत है धरती को गर्म करने में, हम उसके हमारे अपेक्षा कैसे, क्रीम लगाते हो ना, और भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री में क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो योगदान नहीं कर रहे हो, यदि तो यूज आदमी यूज कर रहे हैं, यदि कम कर देते धीरे धीरे बनना भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जब बिकेगा नहीं तो बनेगा कहे, बिकेगा नहीं तो बनेगा कहे, आदमी का खुद योगदान है सब चीज़ करने में, इसीलिए खुद के बारे में क्या कर रहे हैं, वो खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कोई ना दिक्कत, तब तक लो बेचारा अपना उठ जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ तो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, लोग कहता है तू नहीं समझता है, लोग कह रहा था सामने कह रहे हैं, कहिए ना आप कह रहे हैं, लोग कह रहा था, हम थोड़े कुछ कहते हैं, लोग आपको क्या ऐसे सुनते हैं किसी के मुंह से, लोग कह रहा था, समझ रहे हो, कैसे से हाथ से वो मार देता है, अरे देख रहे हो ना, नारा फैक्ट्री देख रहे हो ना, शांत रहो, अल्लाह बंद करो शिवम इंजीनियर, तू तो बहुत पढ़ल लिखल है, लोग को पता ही नहीं है कि तू इतना पढ़ल लिखल है, लोग बोल रहा था दूर दूर तक जानकारी नहीं है शिवम इतना पढ़ल है, बीटीएससी का जो लोग ने कह रहा था शिवम पढ़ल लिखल है, शिवम वाला पढ़ा लिखल है, सर इसे फिर आगे भी बोल सकते हैं सर, हाँ बदल सकते हो, निकाल लो, बदलने जानते हो ना, चलो तो अब हम लोग जानकारी लेते हैं किस चीज का, है ना, तो अच्छा इसके लगले पर लो ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना सर, ये वो चीज पूछे, पूछो सर, धरती गर्म होता तभी ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी धरती पहले से गर्म, अंदर काफी हाई टेम्परेचर है, जहाँ पे पर अंदर में क्या हो रहा है, धरती का जो कोर सेंट्रल पोर्शन है वो कई हजार डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कई हजार डिग्री सेल्सियस नहीं कई हजार है, और वहाँ पर जितना ओर है मेटल्स नॉन मेटल है सब वहाँ क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग द्रवित अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कह सकते हो लदबद दही के फॉर्म में कह सकते हो, समझ रहे हो ना, तो टेम्परेचर जब काफी बढ़ेंगे, टेम्परेचर वहाँ का क्या, सुनो वहाँ का टेम्परेचर काफी क्या है, अच्छा ठीक है, टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है तो वाष्प बन के उड़ेगा तो गैस बनेगा ना, वाष्प बन के गैस बनेंगे तो गैस का प्रेशर मारेगा धरती के कौन चीज पर, अर्थ क्रस्ट मारेगा, प्रेशर मारेगा, वो प्रेशर चाहेगा गैस रिलीज होने के लिए, जहाँ पतला होगा वही प्रेशर क्या करेंगे मारेंगे, अंदर से वही जो गरम गरम चीज निकलता है कहते हैं ज्वाला में की फटा, खास करके तो की कहता है तुम बोलो, ज्वालामुखी अब बुझा, ज्वालामुखी कुछ नहीं है, अच्छा यदि ऐसा नहीं होगा तब ऐसा होना जरूरी है, यदि ऐसा नहीं होगा तो सोचो फूकना फुलाते हो ना, एक बार पूरा हवा टाइट, एक बार क्या होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा, दो भाग बन जाएगा धरती, ज्वालामुखी होना जरूरी है ताकि अर्थ का प्रेशर क्या हो सके, रिलीज हो सके, जरूरी है अर्थ का प्रेशर क्या हो सके, रिलीज हो सके अंदर का अर्थ का काफी दाब है, गैस जो भरे हुए हैं वो ज्वालामुखी में होते हैं, प्रेशर क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, और इसी घटना के कारण पर्वत है जो है कई प्रकार के जोखिम पर हो गए, कई प्रकार के माउंटेन जो है बलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, कई प्रकार के माउंटेन्स का क्या होते हैं, ज्वाला हिमालय पर्वत सबका निर्माण हुआ इसी घटना से हुआ है, समझ रहे हो ना,
और वो जो अर्थ गैस पार्टिकल्स जो हैं ज्वालामुखी जिसमें होती है गैस पार्टिकल जो ऊपर ना चाहते अर्थ सरफेस से वो प्लेट को धक्का देगा फटेंगे तो कंपन होते हैं, उसी कारण क्या आते हैं भूकंप आते हैं। उसी कारण जब प्लेट क्या होती है आपस में टकराती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इसी कारण से प्रेशर मारेगा ना जी, तो प्रेशर में धक्का लगेगा अंदर से, तो प्रेशर मारा तो धरती में क्या जनरेट होगी कंपन होगी और वहाँ से जमीन फट करके और मटेरियल सब क्या आएंगे ऊपर आएंगे और वही चीज ठंडा हो करके हजारों साल लगता है ठंडा होने में, वही बनता है इग्नियस रॉक। कौन रॉक बनता है? इग्नियस। और उस पर टेम्परेचर हीट के फैक्टर कारण बनेगा सेडिमेंटरी रॉक, उस पर टेम्परेचर हीट पड़ेगा पड़ेगा मेटामॉर्फिक रॉक। नहीं सिलेबस मांगा सर, सात गो प्लेट है ना सर, पहले दो गो ही था। चलो हटाओ सिलेबस जो है ऊपर हो, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया ना, पर्वतों पर आ दिया तुमको तो मैंने इतने स्पीड में एको करा और टूटने वाला है। हां भगवान जी छीन रहा है भने टूटेगा तो और महादेव तू तो बहुत पहने दे अपस्कार कर देता क्या होने वाला है भविष्य ऐसा राहुल कहीं से आ गया हो सकता भगवान साइंटिस्ट बनने वाला है। आज लिविल बिल खूब कर रहा है तू, कौन सा अंकित कर रहा है सर कहां से है। देखो द एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेड कंटीन्यूअसली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, धरती का औसत तापमान धरती का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं इंक्रीज। हाँ धरती का औसत तापमान लगातार धीरे धीरे नहीं लगातार बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस के कारण क्वाकर रो नो। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक। जैसे यहाँ लिखे देखो ग्लोबल लिखे हुए हैं ना, मतलब हो गया वर्ल्ड, क्या हो गया वर्ल्ड मतलब वैश्विक, विश्व का, इंडिया का नहीं विश्व का। वैश्विक उष्णन या तापन, यदि कोई एक देश या कहीं मान लो तू लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी क्या कर रहे हो जला रहे, ई का है जलाया तू का, हमको तुझसे क्या मतलब, हम जला रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जलाओगे तो हानिकारक इफेक्ट सबको झेलना पड़ेगा, गर्मी लगेगा सूर्य का तो क्या कहेगा, ई CO2 पैदा करते सिर्फ इसी पर आएंगे इंफ्रारेड रे आकर के, इस पर नहीं आएगा, उस सब पर बराबर कृपा करते हैं, इसीलिए सब कंट्री मिल करके अथी सब बनाया गया है। उष्मन ना होता, उष्मन नहीं होता, उष्मन ही होते हैं, देखो लिखल है हम, लेकिन उष्मन पढ़े हैं, वैश्विक उष्मन होता है, पढ़ा होगा इसका हिंदी तू पढ़ा होगा, वैश्विक उष्मन होता है सर, देख लीजिए एक बार यहाँ तो न लिखा हुआ उष्णन लिखे हुए हैं या तब गलत है, पक्का गलत सर, हम नथी श्योर होके बोल रहे हैं उष्मन होता है। उष्मन तो हम भी पढ़े हैं, हम भी उष्मन भी पढ़े हैं, उष्णन भी होते हैं, उष्मन भी दोनों होते हैं, उष्मन भी होते हैं उष्णन भी होते हैं। उष्ण मतलब होता है हीट, गर्म महसूस, गर्मी महसूस होती है, उष्णन मतलब उष्मनो मतलब तो वही ना, तपन मतलब भी वही होती है, अब कहेगा तापन होता है, तपन भी होते हैं, तप रहे हो, नहीं समझ में आ गया। वैश्विक का मतलब बताया, ग्लोबल का मतलब बताया, और कोनो हिंदी वार्मिंग, नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हाँ। तब तो सर उष्मन ही होता है, इसके कारण क्या होती है ग्लोबल, सुनो इसके कारण क्या होती है, ग्लेशियर आइसबर्ग तो समझते हो ना, ग्लेशियर मतलब क्या होती है वही सर, बर्फ का पहाड़ होता है, ब्रूड की तरह कर रहा है आइसबर्ग, क्या हो रहे हैं पिघल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पिघल रहे हैं, इसके कारण बाढ़ भी आ सकता है, खूब बढ़िया आएगा ना, इसके कारण तो बाढ़ है, फ्लड्स आएगा, फ्लड्स, उसके बाद सी लेवल इंक्रीजेज, समुद्र का लेवल इंक्रीज, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, क्या होगा बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रजाति विलुप्त हो जाएंगे, प्रजाति क्या होंगे विलुप्त हो जाएंगे, आदमी भी विलुप्त हो जाएंगे, कुछ ऐसे जीव हैं
जैसे कि पहाड़ी भालू जिसे कहते हो, क्या नाम उसका है, भूल चुके हैं नाम क्या, अरे बड़ा बढ़िया नाम है। और भी ऐसे जीव हैं जो लो टेम्परेचर पर रहते हैं, हाई टेम्परेचर पर वो नहीं। 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पर भी वो हपसते हैं, गर्मी छूटेगा शरीर से। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ जाएगा सब जगह, क्या जानवर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, विलुप्त हो जाएगा प्रजाति। ठंडे मौसम में जो जीव रहते हैं उसका क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। पोलर बियर नाम है उसका, हिमालय व्याग्रा नाम है, पोलर बोल रहे थे ना, ये बोल रहा था वो कंची बोलता है उसका नाम क्या है, डेडी बियर बोला, पोलर बियर नाम है, पोलर बियर सारा साल हिमालयन हिमालयन व्याग्रा, ये तो जम्मू कश्मीर बोलते हैं बस। हाँ वहाँ भी होते हैं जहाँ ठंडा इलाका है ना हिमाचल, वहाँ होते हैं पोलर बियर, और वो एकदम ठंडे में रहते हैं। तू ठंडी कपते हो ना उसको, कोई दिख महीने में रहेगा तो कहेगा ठीक है बढ़िया है, बढ़िया है। बड़ा बड़ा कान वाला कुछ जीव होते हैं नेगो, पेंगुइन से कहते, पेंगुइन कहते हो, पेंगुइन हाँ, वो एक छोटा सा उसको पंख रहता है नहीं, इसलिए नहीं उजरा उजरा चमकते हैं सर, उजरा उजरा नहीं नीला टाइप का रहता होगा। हाँ तो समझवा गया ना, ये सब प्रजाति क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो, किसी के लिए विलुप्त होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, इसी बात पे क्लास का और बंद किया जाए, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, वो सब वाला गप सीधा वो देखो, जैसे मैंने बताया था कल, बताए थे क्वेश्चन अबाउट 75% ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम सन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड रेस्ट 25% इज रेडिएट्स बैक इनटू एटमॉस्फेयर। 75% सोलर एनर्जी क्या करता है वो, ग्रहण कर लेता है, छूट गया था फैक्ट्स, एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, बताए थे ऐसे बोले थे, लिखे नहीं थे आजकल, लिखलका वाला मैंने ना, कानून किसको मानता है, लिखा हुआ मुंह से बोला हुआ को नहीं मान, सबूत दिखाइए, इसीलिए दिखा रहे हैं। तो बाद में कहेगा नहीं पढ़ाए थे तो भूल गया, तो कहेगा नहीं पढ़ाए थे, लिखे देते हैं लिखन सामने बखन का कोई नहीं, लिखलका का मान दो। कहीं किसी को ऑफिसर को कहना होता है ना, कहीं जाओगे रिपोर्ट लिखने, क्या कहते हैं लिख कर लो, वहाँ वही वाला बात नहीं होता है, लिख कर लो, नहीं कहता है एप्लीकेशन लगाओ, कह देगा सर मुफ्त नहीं हुआ, नहीं नहीं लिख कर लाओ, इसलिए लिखलका कह दिया मैंने हल्का से। लेकिन क्लास में किसका मन ज्यादा होता है, लिखलका का, कि पढ़ल कि कहलका का, लिखल व्यक्ति लिखलका खोजता, शांत रहो, लिखलका खोजता आदमी, अंकित के लिए सारा अंकित हल्ला कर रहा है, लोग उसको मदद करेगा हल्ला करने में। सौर ऊर्जा का 75% भाग, कितना परसेंट भाग, 75 मतलब जितना आया उसका कितना परसेंट, मान लो आता है तो कोई 100 मन चलते हम लोग, जितना नंबर आया है जितना का एग्जाम है तो 100 मन चलते हो ना, जितना आया अलग बात है, इतना परसेंट आया उतना परसेंट आया, जितना आया उसका कितना परसेंट भाग, 75% भाग, सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पृथ्वी की सतह द्वारा क्या हुआ, लीड नहीं भोग सकते हो, यो कहना पड़ेगा हमको, तब यो से भी सिखाना पड़ेगा, बचपन में नहीं किया था ऐसे, क्या ये सब काम, ये सब बचपन में नहीं किया था, दूसरा क्लास में लीड भोग देगा सर, और पवन भोग रहा था उसको, थम करे तू भोग रहा कि कौन किसको भोग रहा है, पवन देव कर रहा है, अच्छा तू होने भोग ये उम्र में पवन कर लीड भोग करता है, यानी हम कर रहे थे, हमको पता चल गया आप मेरे बारे में बोले हैं लीड भोग कर लिया, तब पवन देव का नाम इसलिए हमको लगा कर लिया जाता है, जिससे हल्ला करो ना, जैसे समझने के बाद इससे हल्ला होता था, मुझे भी करते हो, जिससे इसके ताप में तुम लोग पढ़ना चाहते हो, हम सोचते हैं कि तुम्हारा पटना में टका बचा देंगे कमीशन फिर से, तो सोचता है हम फिर से पढ़ेंगे पैसा नोच रहा हमको देह में, इसके ताप में वृद्धि होती है, इसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, अशेष ऊष्मा वायुमंडल में पुनः विघटित हो जाती है, ये सब बात मैंने कह दिया है। आप सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, और सरफेस एंड रेस्ट 25% इज रेडिएट्स बैक इनटू अर्थ, बाकी परसेंट 25% बाकी 25% एटमॉस्फेयर में अवशोषित कर लेता, एटमॉस्फेयर में रेडिएट्स कर देती है, विकिरित कर देगी, रेडिएट्स कर देती है, और रेडिएशन जो होती है वो IR वेव के रूप में होती है, इंफ्रारेड WAVE होती है ना, टकरा कर जाएगा किस रे के रूप में, इंफ्रारेड रे के रूप में जाकर तो देखी कर जाती होकर है। कुछ बातें और सुनो, मैंने कहा था कि यहाँ इंटर भी मिक्सिंग है ना, बाद में कहना इंटर छोड़ दिए थे,
फ्लोरोक्लोरोकार्बन तथा ओजोन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अथी सॉरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तनी गो ऑक्सीजन रहेगा, जैसे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, भरपेट नहीं रहेगा, मैंने बताया था ऐसे होंगे उस कंडीशन में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं रहेंगे उस स्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है या पचाया अथवा सराया जाता है तब मेथेन गैस पैदा होता है। समझ में आ गया ना, क्या सुना? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब किसी चीज को हम मतलब सराया गलाया जाता है। और तुमको पता है क्या चीज पता है कि आज से लाखों साल पहले धरती पर क्या हुए थे? बहुत बड़ा भूकंप भूस्खलन हुआ था, बड़े बड़े पेड़ पौधे क्या हुए थे? बड़े बड़े जीव सब डायनो धरती के अंदर चले गए। उसी से ना हम लोग पेट्रोलियम सब, कोयला सब, गैस सब सब तो उसी से बना है ना। हाँ, है जो जितना देखो कम डेप्थ पर गया कोयला बन गया, अधिक डेप्थ पर गया पेट्रोल किरासन तेल और भी गैस है। ये होती है जितना गैस कहाँ मिलती है, ऊपर में कि नीचे में? काफी अधिक डेप्थ पर। कोयला सब थोड़ा ऊपर मिल जाती है, ये होती है दोनों बात। जो जिस पर अधिक प्रेशर लगा, अधिक प्रेशर कारण, अधिक दबाव कारण किसे बदल गया वो चीज़? अरे सर गया तो सरेगा तो महकेगा ना, तो महकला उला वही गैस हुआ। नहीं कहते हो महकला गैस छोड़ देगा इस प्रकार से, तो वही गैस है। वहाँ भी पेट में भी सरता है ना, भोजन पच कर निकलता है ना। समझाने के लिए समझो, हंसो मत, नहीं तो फिर बुझते हो। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पति को जलाया जाता है या पचा अथवा सराया जाता है तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के क्षेत्रों, कोयले की खानों और दलदली क्षेत्रों तथा जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। समझ में आ गया ना? मीथेन कहाँ कहाँ पैदा होगा? धान के क्षेत्रों, कोयले की खानों, दलदली क्षेत्रों। अब मैंने तभी कहा था कहा ना, उस वक्त कहा था ना, मैंने कहा था दलदली क्षेत्रों क्या पैदा होते हैं? मीथेन कहाँ होता है? अभी देखो लिखा लेने से तुमने लिए निकाले हैं ये दिखाने के लिए, बुझा? और मेथेन गाय माल जो पाज करता है उसके पाज से मेथेन निकलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ही वो था, बहुत सारे ऊँट को मार देगा इसी वजह से, ऊँट था ना तो मुंह से क्या निकला उसको? लार। लार में क्या होते हैं? वो कहाँ गया? जंगल में। और उसे क्या हो गए? आग लग गए। कोई दिक्कत? अब बढ़िया से लगा, भर पेटा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कई सर को भी निपटा दिए थे। समझ में आ गया ना, ये बात होती है, ये इतना बात मैंने कह दिया। चलो अब उसके बाद देखो, भूमंडलीय ताप वृद्धि कारण बहुत से संक्रामक रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वार, निद्रा रोग आदि में वृद्धि होती है। कहा है ना? और सब बात जितना मैंने कहा सब लिखल है धीरे धीरे है। देखो यदि इसी प्रकार ताप वृद्धि का क्रम बना रहे जिस प्रकार मैंने बताया था तो ध्रुवों पर स्थित हिमनद के पिघलने की दर अधिक होगी, जिससे समुद्र के जलस्तर वृद्धि कर फल पृथ्वी के निचले स्थानों में जल भर जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो सब बात कहा है ना, भूमंडलीय तापकरण, ताप वृद्धि, इसी कहते हो ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी क्या हो गया? भूमंडलीय ताप वृद्धि होती है ना, इसी घटना को ना ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। चलो आगे पढ़ो। जब तो क्या बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग में? हाई टेम्परेचर का अधिक टेम्परेचर बढ़, ग्लोबल वार्मिंग वजह से क्या क्या होगी हमने बता दिया है। ग्लेशियर क्या होंगे? आइसबर्ग सब पिघल जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, मोस्ट स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, बुलेट बियर हिमालय अभी आगरा खत्म हो जाएंगे। और हाई टेम्परेचर का वजह अधिक ताप के कारण भूमंडलीय, जितना मैंने कहा लिखना होगा एनसीईआरटी में, देखो यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज, जितना मैंने बताया ना काफी लैंग्वेज तुम काफी लिखना होगा ना, ये बड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ, एक चीज़ लिखे हुए हैं सुनो। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से अधिक होती हो जाती है, इससे परसेंटेज क्या होंगे? और तुमको पता है वायुमंडल में कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? होता है ना, इससे यदि क्या होंगे अधिक हो जाते हैं तो प्राकृतिक हरित गृह का संतुलन बिगड़ जाता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान, विशेष योगदान है। कोई लोग दिक्कत? परसेंटेज 0.03 पर है हो ना, ऐसे प्रतिशत क्या होंगे? बढ़ेंगे तो क्या होगा? हरित गृह का संतुलन क्या होंगे? बिगड़ जाएंगे। कोई दिक्कत? समझने में आसान है कि नहीं है बताओ? तो यहाँ मैंने लिख रहा था कि भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण, भूमंडलीय
भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोगों जैसे डेंगू, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, निद्रा रोग, अंकित को लगेगा ज्यादा, आदि में क्या होती है, निद्रा रोग समझते हो ना, आदि में क्या होंगे, वृद्धि होती है, ये सब में इंक्रीज करेंगे। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग का इंग्लिश क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस, और ये सीसी मक्खी काटने से होती है, टीएससी फ्लाई कहा जाता है इंग्लिश में, पर हिंदी में पढ़ेंगे सीसी मक्खी काटने से होती है, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग इंग्लिश में कहेंगे, समझ में आ गया ना, लिखाएंगे नहीं क्योंकि ये किस में पढ़ाए जाते हैं, प्रोटोकॉल कंपटीशन में, लेकिन कह देते हैं फोटो खींच के लिख लेना। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जापान में सब क्या किया, कॉपी कलम पर साइन किया 11 दिसंबर 1997 को, क्रिप्टो प्रोटोकॉल, जापान का राजधानी है ना, है ना, क्रिप्टो प्रोटोकॉल तू कल पूछ रहा था, अब समय आया तब न बताएंगे, उन्हें दिक्कत नहीं है, क्योटो जापान के शहर का नाम है, अरे क्योटो है ना जापान का धन, क्या है कन्फर्म हो ना, टोक्यो है जापान, क्योटो कहाँ है, जापान में स्थित है, जापान में हुआ लिखल है ना, तो क्योटो जापान में राजधानी ठीक है, शहर का कोई नाम है, तो वहाँ पर साइन हुआ जापान में, कि कब साइन हुआ, 1997 को, लागू कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को, इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये हमने पढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट में क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, लेकिन अब ग्रीन हाउस पढ़ाने से इतना पढ़ा देते हैं, कभी कोई एग्जाम इंटर लेवल के छूटेगा नहीं, लेकिन लिखाएंगे नहीं, पढ़ा देंगे, तू लिख लेना, वो काम इतना करना पड़ेगा, सब चीज़ फैला नहीं देंगे, हम लिखो देंगे सब चीज़, समझ रहे हो ना, बोल देते हैं तू लिख लेना, इससे लिखने वाला नहीं लिखेंगे, वही पूरे ये मेरा कॉपी कैसे भेजेंगे, सुनो ना, बाद में खींच देना। इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ किससे संबंधित है, ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए, द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस विल बी रिड्यूस्ड, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस नियम कानून बन दिया ग्रीन हाउस के, इससे क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन ग्रीन हाउस है, 6 ग्रीन हाउस ऐसे है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC है, PFC है, SF6 है, पूछता ये भी है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या ग्रीन हाउस परसेंट क्या गया है, अरे वाटर पेपर पर नहीं है, CO2 कम करोगे तो अपना वाटर पेपर कम हो जाएगा ना, समझने वाली बात है, CO2 कम करेंगे वाटर पेपर कैसे कम होगा, ऑलरेडी CO2 मान लो कम कर रहे हो तो हरितगृह प्रभाव मेंटेन हो जाएंगे, तो मेंटेन हो जाएंगे तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ेंगे, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ेंगे तो आवश्यकता से अधिक वर्षा भी नहीं होगी, वाष्प भी पानी बन के नहीं उड़ेंगे, नहीं उड़ेंगे ऊपर में पानी नहीं जमा होंगे, नहीं जमा होंगे तो भी कम रोकेंगे इंफ्रारेड लाइट्स को, जाने देंगे तो जितना होना चाहिए उतना ही होंगे, हैं क्या हुआ समझ में आ गया ना, सेंट मार्क आता है क्लास में, तू तो नेचर का दुश्मन हो गया, इसे इसलिए जितना हो नेचुरल बन सको, नहीं तो फिर देख रहे हो ना, कार्बन क्रेडिट क्या होती है, इट इज ट्रेडेबल सर्टिफिकेट, ये क्या है, कार्ड नहीं कहते हो, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सुनो एटीएम कार्ड में क्या होती है, पैसा होता है ना, कार्बन क्रेडिट में क्या होगा, कार्बन वो बेचेगा, तो कार्बन क्रेडिट, इट इज ट्रेडेबल सर्टिफिकेट व्हिच अलाउ टू इमिशन ऑफ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने 1 टन वो कहाँ था, 100 टन बोला था, हाँ। वो पूरे विश्व के लिए बोले होंगे तब, 1 टन होती है, तो कार्बन क्रेडिट में इट इज ट्रेड, वहाँ तो एक एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए, एग्जैक्ट डाटा यहाँ इसीलिए है, मैंने कहा एक मान लो एक ठो, तो इट इज यहाँ लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, कहाँ इट इज होंगे दो बार इज लिखा गया है, नहीं लिखा, आई एस इट इज ट्रेडेबल मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब क्या होती है, व्यापार सर्टिफिकेट हुआ, व्हिच अलाउ, जो अलाउ करता है टू इमिशन, मतलब उत्पन्न करो कौन चीज, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट या उसके समतुल्य, यानी ये वो देश को 1 टन से बेसी नहीं छोड़ सकता, देश छोड़ेगा तो ये ग्रीन हाउस
यदि बेसी छोड़ दिया गलती तब क्या होगा? बैन लग जाएगा। नहीं छोड़ता है तैयो मतलब मान चलिए सर बेसी छोड़ नहीं छोड़ेगा तो केस लगेगा समझ रहे हो तू खुद जानते हो नहीं छोड़ेगा तो कानून के नहीं करेगा पैदा तो क्या होगा आप सुनो मैंने क्या बताया ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एंट्रेंस में नहीं आएगा लेकिन हम तुम पर कृपा करते हुए क्या करते हैं बता दे और लिख लेना तुम ठीक है। कमिटेंट का पीरियड कमिटेंट पीरियड होते हैं फर्स्ट 2008 से 12 में कॉपी दे दूंगा मतलब कि कमिटेंट पीरियड मतलब हुआ कि ठीक है देखो ये देखो कार्बन मिश्र कंट्री देखो सबसे अधिक कार्बन कौन पैदा करता है चाइना कितना परसेंट है 33 उसके बाद और तीन नंबर में इंडिया विकासशील कर रहा है इसके बारे में भाषण दिया था मैंने ज्यादा जानकारी नहीं दिया था जान चुके हो ना इतना विकास अरे विकसित कंट्री है वो करवे करेगा नहीं करेगा तो मैं अभी इंडिया फैक्ट्री सब है तो रूस और कहाँ गया रूस और जापान और वो सब विकास कर चुका है जब तक इंडिया लिखना पढ़ने नहीं तो बम बना के तैयार था वही तो तब वो कहाँ छोड़ता है बेसिक हाँ? अब वो सुरक्षित उतना उसके पास टेक्नोलॉजी है वो उतना डेवलप हो गया है तो अपना विकास करना चाहोगे ना मान लो अभी हमारे पास घर नहीं घर बनाने हम क्या करेंगे पेड़ तेड़ काटेंगे ना सब्जी लाएंगे ना तो हम कार्बन पैदा कर रहे हैं इससे हाँ तो सर यूएसए भी तो विकसित है तो फालतू क्वेश्चन कर रहे हो सर जवाब दे चुके हैं मेरे सिलेबस में नहीं है मैंने उस समय क्या कहा था विकसित है लेकिन विकास कर चुका है पहले कानून कब बना है ये चीज तुझे नहीं देखता है कब बना है कानून ये आज से विकसित है यूएसए उसने 5G टेक्नोलॉजी के अनुसार से इस प्रकार से बना लिया मैंने ये भी कहा था कारण क्रेडिट है वो खरीद लेता है श्रीलंका से खरीद लेगा तो उस समय क्या कर रहा था जवाब नहीं दिया कुछ और है बोलो क्या कहना था मेरा कहना है सर ये विकसित होते हुए भी दो नंबर में आता है तो कहे ना आएगा दो नंबर कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। और रूस और जापान भी विकसित है हाँ। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की लिस्ट क्यों ना आता क्यों ना आता है की कोई जवाब ही नहीं है साधन जस्ते आप बताए जो विकसित है वहाँ पे ज्यादा मतलब अथी सब है फैक्ट्री सब तो ऑटोमेटिक छोड़ेगा ही ना छोड़ेगा सबसे अधिक यूएसए छोड़ता रहते ना सबसे अधिक पूरा विश्व में किसका सामान बिकता है यूएसए डॉलर किसका अधिक ताकतवर यूएसए का है ना ये सब इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हो गया और ये साइंस से क्वेश्चन नहीं है तो डॉलर से भी तो होता है बेसिक फालतू क्वेश्चन जवाब नहीं देंगे हम किसका है? क्लास के और बाद मैंने पूछना ये सब फालतू क्वेश्चन है ये करता है तो कर्तू खाते हो तो 5 किलो खाते हो इसमें कोई जवाब नहीं है बन जाएगा ना तो कार्बन मिशन कंट्री चाइना कितना परसेंट करते 3% फालतू क्वेश्चन जवाब नहीं मिलेगा टेक्निकल क्वेश्चन क्योंकि तू अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि चैप्टर ज्योग्राफी में भी होता है और वो किसका सिलेबस है ज्योग्राफी में सिलेबस होता है कि ये इतना कच्चा माल बनाया फैक्ट्री में इतना परसेंट करेगा ये उस सब जोरदार होता है इसीलिए हम जवाब नहीं दे सकते अभी क्लास के बाद पूछना फालतू क्वेश्चन काला के बाद यहाँ के तुम्हें जल्दी सब डिस्टर्ब होगा इतना सी रखना ध्यान में एकदम ध्यान होगा क्वेश्चन पूछेगा कारण कौन करता है पैदा चाइना एक नंबर में उसके बाद यूएस उसके बाद क्या है इंडिया इसमें क्या दिक्कत है कोई बात नहीं है कार्बन नेगेटिव कंट्री मतलब जनरेटिंग ओ टू इज मोर देन इमिशन जितना कार्बन नेगेटिव कंट्री उसको कहा जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करेगा यानी कि जितना करता है करता भी है कारण उससे अधिक ओ टू पैदा कर देता है वो उस ठीक उसको कहा जाता है कार्बन नेगेटिव कंट्री और रूस जापान जिसका नाम नया था वही काम करता है जवाब मिलेगा उतारेगा थोड़े जवाब मिलेगा मैं बुझा टेक्नोलॉजी बेस्ड है सबका टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं वो मशीन अथी के ऊपर क्या करता है वो चीज़ मशीन लगा दिया है ना 5G टेक्नोलॉजी से तो मशीन लगा तो कार्बन सब क्या क्या करेगा वो ट्रैप कर लेगा सब चीज़ हानिकारक गैस को ऊपरे में जाम कर देगा वो नोजले में ऊपर नोजले में लगा दिया जहाँ धुआं निकलते नोजले में लगा देगा सब चीज़ तो कैसे होगा कार्बन अमेरिका का इतना फैक्ट्री है इतना इतना देश में फैक्ट्री लगा हुआ है इतना वो शेयर खरीदा हुआ है सब कंट्री में जा करके ये बहुत पैदा करता है अमेरिका कार्बन नेगेटिव कंट्री जनरेटिंग ओ टू इज मोर देन सीमेशन सीओ टू कार्बन नेगेटिव कंट्री किसको कहा जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या ज़्यादा ज़्यादा पैदा करते हैं नहीं जितना पैदा करते हैं उससे अधिक कौन पैदा करेगा मान लो 5 किलो किया है सीओ टू पैदा तो 10 किलो क्या कर देगा वो 6 किलो मान लो कितना कर देगा ओ टू 6 किलो 5 किलो किया सीओ टू पैदा तो 6 किलो कर देगा वो टू तो उस यानी उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे हम लोग कार्बन नेगेटिव कंट्री जैसे भूटान है न्यूजीलैंड है समझ में आ गया ना कार्बन टैक्स कितना लगता है 0 कार्बन बिल ये बात ये होती है एक और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन हुआ ओ टू जो सर उत्पन्न करता होगा तो जंगल से वहाँ पर जंगल होगा ज़्यादा ओ टू जंगल से उत्पन्न होता है मतलब पेड़ पौधा होगा तब ना कहाँ ओ टू हाँ और भी कई तरीके हैं ओ टू पैदा करने का सीओ टू कंट्रोल पार लगे अपने ओ टू परसेंटेज बढ़ जाएगा
ओटू पे क्या करेंगे अपने ओटू, क्या पेड़ लगना जरूरी है उसके लिए? मान लो जितना जरूरी है लेकिन उतना जरूरी नहीं है, जरूरी भी है नहीं है जरूरी, दोनों बात हम कर रहे हैं। मान लो जितना पेड़ उतना रहने देते हैं, लेकिन हम जितना कर रहे हैं सीटू पर सब कंट्रोल पा लेते हैं, सब गाड़ी को सीएनजी कर देंगे, फैक्ट्री में ऐसा सिस्टम कर देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल करेगा, तो अपने तो मेंटेन हो गया लेवल। ये तो खुश हो सकते हैं इतना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन खुश हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में दम नहीं है, दमगर क्वेश्चन लाओ मेरे पास। क्या दमगर अलग वाला क्वेश्चन पूछ, बच्चा वाला क्वेश्चन ये सब है, कैसे कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, सीधा सीधी है जिसके कारण खतर पानी कम कर देगा तो अपने इंसानियत का लाओगे। कोई आदमी खतर है, खतर कैसे कम होगा, कम कर तक खतर पानी कम कर देगा अपने इंसानियत का लाएगा वो। ओटू तो उतने रहेगा जब तक पेड़ पौधा उसको CO2 को कन्वर्ट करता, मतलब करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन करेगा ओटू इंक्रीज, ओटू इंक्रीज कौन करेगा, पेड़ पौधा लगा कर तो करेंगे ही, CO2 जितना पैदा करें तो उसमें कटौती कटौती कर देंगे तो अपने ओटू के लेवल बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जितना मेरे पास पहले संसाधन था उसी से ओटू के लेवल बढ़ जाएगा। ये कोई समझने वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ रहे बात में सुनना, तुमको ऐसे 100 कन्फ्यूजन होता है। चलो नोबल गैस इसके बारे में है, क्योंकि फालतू क्वेश्चन उठता दिमाग में, नोबलो गैस क्यों इसका ये। चलो तो ये हम लोग पढ़ लिए, इसके बारे में बता दिया मैंने, जानकारी मिल चुका है। अच्छा ये फैक्ट लिख देते हैं इसमें, कार्बन एमिशन कंट्री कौन है, क्योंकि इससे चांस बनता है कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग पर है। एक दो पॉइंट लिख देते हैं इसमें, एक दो पॉइंट सस्पेंशन में है कि कहीं आ जाए भविष्य में, तो नहीं बात है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल कौन चीज, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ जापान में हुआ। ये साइन कब किया गया, हस्ताक्षर कब किया गया, 11 दिसंबर 1997, लेकिन लागू कब हुआ, लागू जैसे संविधान बना और संविधान लागू हुआ, साइन कर लिया बाद में लागू किया गया उस रूल रेगुलेशन को, 16 फरवरी, यानी 11 दिसंबर हो गया ना, लगभग कितना महीना हो गया, ये 2 महीना कह सकते हो, जनवरी फरवरी डेढ़ महीना, मतलब वही एस्पेक्ट डेढ़ महीना बाद लागू हुआ, नहीं वो कहाँ हुआ, 2005 में, बहुत साल बाद, तो 2005 में लागू हुआ, 5-3-8 ये बात हो गया है ना। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है यह ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, क्या है, रिलेटेड है। ये जो अपना है क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं 6 हैं, कितना ग्रीन हाउस गैसेस हैं, 6 हैं, बस इतना रखो ध्यान, नॉर्मली न लिखेंगे ना। और कार्बन एमिशन कंट्री क्या होती है लिख लेना, कॉपी फोटो खींच के भेज देंगे, फिर में उतार लेना तू, इतना ज़्यादा बता रहे हैं समझो बहुत कुछ कर रहे हैं। एक नंबर में कार्बन कौन करता है पैदा, चाइना करता है 33%, 2 नंबर में कौन करता है, USA करता है, 3 नंबर में कौन करता है, इंडिया करते हैं, समझ में आ गया ना, 3 नंबर में कौन करता है, इंडिया करता है, हाँ ये वाला बात हो गया। चलो जैसे कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन कौन है, भूटान न्यूजीलैंड, जैसे कौन कंट्री है, भूटान के पास कुछ भी नहीं है ना, भूटान के पास फैक्ट्री नहीं, दूसरे पास से कोई दे देगा तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे। और नियम है तू इतना कार्बन नुकसान कर सकते हो, वो इतना कर ही नहीं रहा है, नियम क्या बना ले, नियम बना हुआ है देखो जैसे कि आप इतना कार्बन पैदा कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उतना कर ही नहीं रहा है तो कार्बन नेगेटिव कंट्री कहलाएगा, समझ में आएगा ना। एक क्वेश्चन पूछे सर, पूछो सबको, कार्बन नीचे छोड़ने का क्षेत्रफल के हिसाब से दिया जाता होगा, क्योंकि भूटान तो छोटा देश है और ये सब जैसे मान के चलिए रूस बहुत बड़ा देश है, तो उसको बेसी दिया जाएगा ना, रूस को उसके मुकाबले में बेसी दिया जाएगा ना, उतनी रहेगा सर, तब उसके पास क्षेत्रफल वो भी है, ये भी बात है। देखो रूल कौन बनाता है, बताऊंगा रूल कौन बनाता है, USA रूल जो ताकत वर्ल्ड कर वो अपने विषय में सोच के बनाता है, सीधा समझो तू, रूल जो बनाता है ना वो अपना सोच के बनाएगा, वो सबसे अधिक ही करेगा USA, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है,
वो सबसे क्या करेंगे, अधिक करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होता है, शक्ति के हिसाब से होता है। आजकल जिसका शक्ति उसी के बलबला होता है, वो सब कोई रूल काम नहीं करता है। एक एक रूल है पावरफुल, जिसके लाके उसके पास हमेशा रहा है, और कोई रूल नहीं, एक एक रूल है सीधा सीधी, समझ लो सब बात। एक बात क्या हकीकत है, ये मजमे गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कदमों कोटो प्रोटोकॉल कोनो नियम बना ले, सब नियम फेल मार देगा। जिसका मन जितना सब उतना यूज कर रहा है, कोई रूल नहीं, जाओ जाने धरती को, बस मजा ना। यही रूल एक है, एक रूल होता है पावरफुल व्यक्ति का, हमेशा शासन चला है, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत तब चलो, बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग देवे करते हो, अलग अलग क्वेश्चन खोज कर लाओ, फालतू क्वेश्चन सोचते हो, अच्छा क्वेश्चन सोचो, किताब पढ़ो तब ना मिलेगा। अब इसे मन में हुआ तो पूछ लिए, हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा एग्जाम क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो फालतू, समझने के लिए नहीं समझना, समझने के लिए जाओ यूट्यूब से पढ़ो। ज्योग्राफी सिलेबस ही है ये, समझ में आ गया। साइंस उतना सोच रहे हो ना, ये सब चीज़ ज्योग्राफी सिलेबस है दोस्त, क्योंकि ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी है और ज्योग्राफी उसमें भी है। ज्योग्राफी तो दसवां पढ़े नहीं, क्या क्या पढ़ा है ज्योग्राफी दसवां में? ज्योग्राफी में पढ़े हैं सर, वहाँ भी तो वायु प्रदूषण दसवां सब है, सब चीज़ पढ़ने वायु प्रदूषण है सर, सब पढ़े हैं सर। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, वहाँ का क्वेश्चन पूछा मास्टर से, पागल कर देते हैं इसलिए। तो क्वेश्चन है तब अच्छा क्वेश्चन होगा तो नहीं बताएंगे, दांत का शांत कर देंगे, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन क्लास में हो क्या, जो जन्मिन क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, तो ये सब ऑक्सीजन कैसे करेगा पैदा, ये तो खुद सोच रहा है ऑक्सीजन कैसे पैदा करेंगे, बंद कर देंगे CO2 में, फाले ही भाषण देते सब्जी नहीं दिया था, देखो ये कर देंगे ऐसा हो जाते हैं, तो उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया, कल बोल दिया था पगला दे तो फायदा, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा या हाँ आप वही करेंगे, या ऑक्सीजन का प्रूफ है सर, आप कह दीजिए नहीं पूछो तो हम नहीं पूछेंगे सर। पूछने के लिए मना नहीं है, लेकिन तू बेदरा वाला क्वेश्चन पूछता है जो कि एगो तो मन में डिसाइड कर लो जो ई क्वेश्चन किस लेवल, हां लेवल क्वेश्चन का कोई एक क्वेश्चन लेवल लिखा दिखा दिया कि टेक्निकल टर्म ऐसे नहीं समझ में आया होगा, वो अपना डाउट पूछ रहा है, कोनो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का क्या है, ये सब तो सिंपल खुद से भी सोच सकते हो, नहीं सोच पाते हो इतना भी क्या, हम लोग तो इतना क्वेश्चन खुद से सोच पाते थे जब पढ़ते थे, तो इतना तो सर से नहीं पूछते थे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो खुद इतना लेवल हो गया कि सोच सकती हो कि कैसे करेंगे हम लोग, इतना बताने के बाद, क्योंकि सब टीचर बताना संभव नहीं है, कुछ खुद से सोचना पड़ेगा तुमको। ओजोन, यह ओजोन का अपरूप है, O3 क्या है ओजोन का अपरूप, इसका स्ट्रक्चर देखो, संरचना, इसका संरचना देखो, बुक पढ़ने का डालो, ज्यादा डाउट होता है ना, क्या पढ़ो उसके लिए, बुक पढ़ते हो जाकर केमिस्ट्री का, इसीलिए दिक्कत है। हम लोग बुक पढ़ सेल्फ रीडिंग करते थे, क्लास में जितना पढ़ा होता था ना, पढ़ने के बाद बुक का अध्ययन करते थे, बुक में काफ़ी चीज दिया हुआ है, डॉट हो रहे हैं क्लियर, बुक पढ़ो, ज्योग्राफी का बुक पढ़ा था टेंथ में, टेंथ पूरे पढ़े हैं सर, ये सब देवे नहीं किया है बुक में, सब ने दिया है, नहीं दिया है सर, ज्योग्राफी में है, अथी में साइंस में, टेंथ के साइंस में दिया हुआ है, आप बोले पढ़ाएंगे लेकिन हमारा पर्यावरण साइंस में है। चलो ठीक है, कोना बात नहीं है, यह ऑक्सीजन का प्रूफ है, संरचना इसका कैसा बनता है, ओ ई रहते हैं डबल बॉन्ड और ये रहेंगे सिंगल बॉन्ड, है ना, यहाँ पर जो इसके इसके बीच में बनता है, ये बनता है उपसा संयोजी बंध, बोलो उपसा संयोजी बंध क्या होती है, उपसा संयोजी बंध, उपसा संयोजी बंध जो हो जाए तुमको पता है, इंग्लिश में लिए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, नहीं याद है, याद है सर, रुके ना बोलो सर, और मतलब यहाँ जो बना है परमाणुओं के बीच बनता है बराबर साझेदारी से, समान परमाणु, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच बने, तो पोलर हो गया, देखा ना, बोलने याद नहीं होगा, क्या नहीं याद है सर, कंफ्यूज हो गया, काहे कंफ्यूज हुआ, पर हल्का याद नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड, कौन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उपसा संयोजी आ बंध, यह जो ओजोन है इसका जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तीन गो ऑक्सीजन इसमें है, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप सब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अपरूप क्या होते बता चुके हैं, ये तो समझना अपरूप, बाद में समझना अपरूप क्या होती है, इसका संरचना इसका स्ट्रक्चर जो है, तीन गो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इससे जुड़े हुए हैं और इससे जुड़े हुए हैं, इसके बीच में होते हैं डबल, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ यहाँ जो निर्माण होते हैं इसका ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसंयोजी आबंध होती है क्या बता चुके हैं, नहीं बताएंगे, इसके बीच में जो बॉन्ड डबल बॉन्ड ये है कोवैलेंट बॉन्ड, क्वेश्चन आएगा ओजोन के बीच में कौन कौन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट दोनों बंधन होते हैं, सह संयोजी आबंध, सह संयोजी क्या होते हैं, आबंध होते हैं,
इसी में लिख दें कि नेक्स्ट पेज दोगे? लिख दें नीचा में जगह, कुछ नीचा में लिखिए, कुछ जगह रूम बना लीजिए। हाँ ठीक है, कहा है तू ने कहा है अच्छा कर रूम बना दीजिए। हां तो चाहिए दो जो का चीज रखेंगे रूम बना ले। एक और बात बात दू दू, अब नहीं देगा पेज तो हम क्या करेंगे, अपना तो मैनेजमेंट करेंगे ना। रूम एक तो चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत अभी चला छुट्टी देंगे अभी ना, छुट्टी का क्या सोच रहे मनो, छुट्टी कुछ है ना, और बोले कितने घंटा पढ़ाएगा, आधा घंटा नहीं करेगा छुट्टी, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे। हाँ तो ठीक है बढ़िया, इसी प्रकार आपका टाइम बीतता हुआ है, तब पेज लगाने दीजिए। दस सुनिए, इसी प्रकार सर का टाइम बीतता हुआ है, अभी ये बीतता होगा है सर। की परत समताप मंडल में है, ओजोन की परत कौन मंडल में है? समताप मंडल। अभी कहना समताप मंडल क्या कहेंगे, तू पर कर आया है सतमा में, सतमा में ओजोन की परत समताप मंडल में है, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। अब क्या अगर डॉप्सन क्या है, कौन इंस्ट्रूमेंट है, कौन जरूरी नहीं है, किस में नापा जाता है, बात खत्म है, इतने का जरूरी है। ऐसे यदि करने तब तो संभव है, कमेटी पढ़ लेना ठीक, हर बार सेंसिबल नहीं है, संभव संभव ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो तुमके लिए वो चीज़ बताया जाएंगे अच्छे तरीके से, बाकी चीज़ रटना ही पड़ेगा ठीक है, क्योंकि एक एक विषय पर अब तू कहेगा बताइए हमको पहाड़ के बारे में, कहेंगे उस पर पीएचडी होता है पहाड़ पर, खाली करोगे एखा को तब तो उसे पीएचडी कहेगा, लोग कहेगा ना जैसे दसवां में पढ़े वो सब विषय, अलेवंथ में जाएगा कहेगा हमने साइंस पढ़ा है, ऑनर्स में रखता कहेगा हिस्ट्री से मैंने ऑनर्स किया, कहता है ना लोग तो स्पेशली पेपर हो जाते हैं, वहाँ जाकर तुमको सब ज्ञान मिलेगा, पूर्ण ज्ञान मिलेगा, समझ रहे हो ना। और फिर भी कभी अंत नहीं होगा, नया नया खोज होते रहता है, तो उतना ही व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें, कितना उतना पढ़ लो बाकी के छोड़ दो कमीशन में। हम डॉक्टर लगाएंगे पीछे में, बढ़िया है डॉक्टर हमको नहीं मानना सर। ओजोन परत समताप मंडल में है, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन की पहले यानी कि परत की मोटाई डॉब्सन में मापा जाता है, क्या होता है नहीं जानना है, होता है डॉब्सन ऐसे कुछ है, डॉब्सन में मापा जाता है, डॉब्सन में मापा जाता है, तू तो बहुत पढ़ल लिखल है तो ये तुमको डॉट होता है कहीं वहीं डॉट होता है वो मतलब है। अच्छा कल जो बताए थे ना ये क्वेश्चन में, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ऑक्सीजन पहले नंबर पर चला, ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन पहले नंबर पर है, नाइट्रोजन क्या होंगे इसका सही आंसर, सही आंसर होंगे। कल जो क्वेश्चन दिया था मैंने एक चीज मिस्टेक का सही कर लेना, सी एफ सी सुनो ना, नाइट्रोजन ओजोन और ऑक्सीजन ये था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन इन में कौन ग्रीन हाउस नहीं है, नहीं है तो नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी ग्रीन हाउस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन में पहले इसलिए आंसर कौन होंगे N2, ऑक्सीजन और बाद में इसलिए ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन में पहले है ना तो फर्स्ट प्रिफरेंस कहता है जो पहले होगा। हाँ, ऐसा एनटीपीसी में हो चुका है, वही ऑक्सीजन ऊपर रहता था और वही होता था, वही होता था आज नहीं रहता नाइट्रोजन रहता, एगो कौन ग्रीन हाउस ले लो CO2 ले लो आता मारते वो टू को ही, तो पढ़े हो लेकिन ठीक है ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या आंसर देंगे, घुमा समझ रहे हो ना। अब इस आधार पर कोई रट लेंगे, जैसे कल मैंने मिस्टेक किया था कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस मतलब इसमें क्या कहा नाइट्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है ऑक्सीजन है, मिस्टेक कर दिया था ना, तो अब मान लो किताब जो रटे पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा उस कंडीशन में, नाइट्रोजन भी नहीं है ग्रीन हाउस, ऑक्सीजन भी नहीं है ग्रीन हाउस, क्योंकि ऑप्शन में पहले कौन है नाइट्रोजन, इसीलिए फर्स्ट प्रिफरेंस ऑप्शन कौन होंगे नाइट्रोजन। NTPC रेलवे RRB ने ऐसा एक बार कर चुका है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है किसी से, NTPC में एंटर रेलवे बनना होता है फेसबुक व्हाट्सएप जाते नहीं मिलता है बड़े दिन, कभी न्यूज तू तो पढ़ो, ट्विटर चलाता चलाते हो द हिंदू अखबार पढ़ो डेली सब बात पता चल जाएगा, द हिंदू अखबार यानी। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, हम सभी नहीं चलाते हैं तो यू आप नाम बोल देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना, ओजोन का बनना, ओजोन का क्या करना, बनना बनना। अब देखो O2 लाइट्स हैं, कौन लाइट्स है समझना, दिख से ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन पाए जाते हैं ना, ऑक्सीजन पर पड़ेगा यूवी लाइट्स। कौन लाइट्स पड़ेंगे? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स दो पार्ट में तोड़ देगा, ये बन जाएंगे टू ओ टू ओ। हाँ, ओ टू पर कौन लाइट्स पड़ेंगे? अल्ट्रावायलेट। एनर्जी उसका क्या है? एनर्जी क्या है इसका? अधिक है अल्ट्रावायलेट का एनर्जी, अच्छा खासा है एनर्जी। ओ टू क्या करेंगे? वो तोड़ देंगे। क्या बना देंगे? टू ओ टू वो बन जाएंगे। यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा? ई बेरोजगार ऑक्सीजन ओ, ई ओ जो बना है ये ओ और ओ टू, ओ टू ये ओ और ओ टू दोनों बापूत मिलकर क्या बना लेता है? ओ थ्री बना लेगा। इस प्रकार से ओजोन का बनता है। अच्छा, ई जो ओ बना इसको क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है वही अणु, अणु मॉलिक्यूल वही तो इंग्लिश होता है। एटम कह सकते हो, एटम बोलो, ऑक्सीजन परमाणु बोलो, एक लगा है इसीलिए दूर आता तनु बोलते। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में कैसे रहेगा सर फिर? बोलते हैं एगो परमाणु, लेकिन होता है कई परमाणु, बोलने बोलते लिखा उसको कहीं कहा जाता है, समझ में आ गया ना। तो ओ टू को यू वैलेंट क्या ब्रेक कर दिया, क्या बना दिया? ओ बना दिया। अब ये ओ किससे रिएक्शन करेंगे? ओ टू से क्या बन जाएंगे? इसी प्रक्रिया से ओजोन परत का निर्माण हुआ है। तो ओजोन परत कहते, ओजोन परत में होल होता है, ओजोन परत में एक्चुअली में होल तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेयर कहीं पतले होते हैं तो क्या कहते हैं? होल हुए हैं, क्योंकि उससे और भी हानिकारक गैसेस क्या होते हैं? पास कर जाते हैं, रोक नहीं पाते उतना, इसलिए वहाँ क्या कहते हैं? ओजोन परत में होल हो गया, होल तोल कहीं होता नहीं, सब जगह तो ऐसे होल हो गया, खाली तो गैसे है, दिखता नहीं आँख से है, छत मीटर लगता तो हेलीकॉप्टर सब उड़ मिसाइल सब ऊपर चले जाता। सोचो सोचने वाली बात है, तुमको क्वेश्चन उठता मन में ऐसा? नहीं सर नहीं उठा है। उठ सकता है, हो सकता है, इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है ना। अरे सब जगह तो होले न है, गैस है, एनर्जी उसको ट्रैप करते हैं जहाँ। अभी मान लो ऐसे पढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर बारे में, उन दिनों पर इतना मोटा है, आसानी से हानिकारक गैस लौटा रहा है, इस पर हानिकारक गैस पर है उसकी लौटा रहा है, कहीं इतना मोटा है, इसी जगह क्या कर देंगे? परत का बोलेंगे क्षय होना, ओजोन परत का ह्रास होना, ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन में कहेंगे छेद हो गया। क्यों? क्योंकि हानिकारक लाइट जो पहले इतना था लौट रहा था, अब वो इतना परत होने के कारण आर पार हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं छेद हो गया है उसमें, छेद फेद कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया ना। अल्लाह बंद करो। अब देखो, ओजोन का बनना परावैगनी किरण पर निर्भर करता है। कैसे? यूवी लाइट्स परा ओ टू पर ब्रेक किया तब ना ओ बना, ओ फिर ओ टू में तब ना ओ थ्री बनाया। तो ओजोन का बनना, ओजोन का बनना, ओजोन का बनना परावैगनी किरण, परावैगनी किरण पर निर्भर करता है। किस पर करेगा निर्भर? यूवी रेज के कारण ही ये ओ थ्री बने हैं, और ये एक दो दिन का काम नहीं है, सालों लग जाते हैं बनने में। ये बनने में कितना लग जाते हैं? सालों का काम है, एक दो दिन का काम नहीं है। आप पढ़ेंगे ओजोन समझ गया कैसे बना, ओजोन बना लिया है ना, अब ओजोन को नष्ट करो, डिप्ले ओजोन का ह्रास, ओजोन का ह्रास कोई हयास भी कहते हैं, या ह्रास कस करने दावा सर भोग देता है पैनून, भोगता तो नहीं रहता अभी, कम भोका होगा तब ना अभी हो मिला लगभग में भोका या कोई दिक्कत लगभग ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत का ह्रास होना, जैसे अंकित के ज्ञान धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ह्रास हो रहे हैं। अरे ह्रास हो रहे हैं, बदलाव वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, लगता नहीं है मैट्रिक फाइनल 80% विद्यार्थी है ये, विश्वास तुम पर नहीं हो रहा है। 86% क्या बोलिएगा सर, सब नहीं पढ़े थे, दसवों में था नहीं पढ़े। चलो ठीक है, ओजोन का ह्रास या ओजोन का ह्रास, ओजोन डिप्लेशन क्या होती है? ओजोन ह्रास करने वाले पदार्थ कौन कौन करता है फिर देखेंगे कैसे करते हैं। ओजोन ह्रास, ह्रास कराने वाले पदार्थ कौन कौन पदार्थ हैं जो ओजोन ह्रास कराते हैं? एक नंबर में काका है अपना CFC, इसीलिए बैन लगा दिया इस पर, रेफ्रिजरेटर एसी यूज किया जाता है ना, इसीलिए इस पर क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। दूसरे नंबर में है नाइट्रोजन के यौगिक, किसके यौगिक?
नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक। सुपरसोनिक के जेट विमान होते हैं ना, और सुपरसोनिक क्या होता है पर आए कितना स्पीड इतना मैक्स अधिक है, इतना मैक्स कम है, किस विमान का, तो विमान का नाम सुपरसोनिक विमान है। तो वो जब उड़ता है तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड छोड़ते हैं और जिससे ओजोन का ह्रास होता है। कैसे होते हैं देखो, तो ओजोन का ह्रास करने वाले कौन कौन पदार्थ है, CFC और नाइट्रोजन के यौगिक, ये दोनों वापस ऑक्सीजन ओजोन का क्या करते हैं, ह्रास कर देते हैं। अच्छा कैसे होते हैं, चलो और भी ऐसा नहीं है जरूरी है ये दोनों एग्जाम मात्र इसलिए जरूरी है, और भी गैसेस हैं जो कराते हैं लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में, इसीलिए ना रेफ्रिजरेटर एग्जाम यही आती है। इसलिए रेफ्रिजरेटर किस चीज़ में, रेफ्रिजरेटर किसे बताया थे बताओ, उसी में इस किसका यूज होता है, CFC का ना, CFC का यूज होता है। ठीक है, यहाँ ओजोन लिखे हुए हैं ना, यहाँ ओजोन लिखे हुए उसकी जगह क्या है पता है ना। हाँ, ओजोन का जो लेयर है 17 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक ओजोन का हाइट से, और इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन अधिक मोटाई 22.5 किलोमीटर पर है, समझ में आ गया ना। O3 का जो मोलिकूल है वो ट्राएटोमिक ऑक्सीजन मोलिकूल है, मतलब त्रिक परमाणु है वो, एटोमिसिटी परमाणु का, जैसे O3 का इसका भी 2 है, इसका भी 2 ही, इसका भी 2 है, जैसे हीलियम यूनियन आयरन की ओरिजिन किसका बोलेंगे, इसका एक है मोनो एटोमिक है। O3 इज वेरी पॉइजनस ब्लू कलर एंड स्मेल लाइक रोटेन विष, आगे पढ़ाएंगे। अब देखो होती क्या है, जहरीला भी होता है। हाँ, फॉर्मेशन, ये तो फॉर्मेशन बनाया है, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब आगे क्या होंगे, अब आगे क्या होंगी, ये क्रिया भी होता है यूवी रे की उपस्थिति में, ये क्रिया भी हुआ है ना, ये हुआ है यूवी रेज की उपस्थिति में होता है, रेख रेख में होता है, निगरानी में होगा। अब देखो क्या होती है, यहाँ थोड़ा सा देख लो, इसमें नहीं दिखाए गए हैं, इस फिगर को चलो बना देते हैं, यहाँ जो हमने जो पढ़ा है इस रिएक्शन में थोड़ा सा और स्पष्ट करके, जैसे O2 है तो O2 पर पड़ेंगे यूवी रेज, इस पर क्या पड़ेंगे, यूवी रेज, इससे बनेंगे O, इसका बाउंड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। O2 जैसे बनता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, 2, 6, मतलब 6, 2 चाहिए उसको, अष्टक पूरा होने 2 चाहिए, कोई दिक्कत, तो साधारण कितना देगा, 2 ही बनेगा। तो फ्री रेडिकल्स O2 पर यूवी राइट पड़ेंगे, ओ बिंदा बनेगा, ओ बिंदा एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक, इसका बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल, हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव, ये है फ्री रेडिकल, ये क्या है, फ्री रेडिकल है, मतलब ये काफ़ी अनस्टेबल और रिएक्टिव है, अस्थाई और क्या होते हैं, मारो कस करके, ये काफ़ी क्या होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, लड़बे नहीं करता है, खाली कह कर आ जाता है, तो लोग बहुत दिन लड़ा धड़ा नहीं देखे हैं, ये अस्थाई और रिएक्टिव, मतलब क्या हो, रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव रिएक्शन अभिक्रिया सक्रिय, ये जो O2 पर यूवी रेज पड़ा, ऑक्सीजन का जो जन्म हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, जन्म हुआ, और ये काफ़ी फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री है, अलग हो चुका है, अब फिर O के साथ नहीं मिलेंगे, O सिंगल O के साथ नहीं मिलेंगे, और ये काफ़ी अस्थाई और सक्रिय है, हमसे करो रिएक्शन हल्ला हल्ला कर रहा है, पूरा तोड़ पहुँचा रहा है, वातावरण में प्रदूषण सबको फैला रहा है, सब गैस को शांत से सब बैठा था। अब क्या होंगे, ये ऑक्सीजन जाएगा फिर किसको, खुदरी करने के लिए O2 को, और किसकी निगरानी में, यूवी रेज की निगरानी में, और ये क्या बना लेते हैं, O3, यहाँ वही बात है, यहाँ स्पष्ट नहीं चल रहा है पता, इस प्रकार से होती है। अब देखो अब क्या होगा आगे, अब क्या, इसका साइकिल भी पढ़ाएंगे, अब क्या होता है आगे, तो ओजोन का ये तो पढ़ा दिए, ओजोन का निर्माण हुआ, और डिप्लेशन ऑफ ओजोन भी पढ़ाएंगे, डिप्लेशन ओजोन भी पढ़ाएंगे। अब देखो कल से घड़ी खोल घटा दे रहे हैं, तो सुनते रहो, कहने को पड़ता है, जाएंगे घड़ी आता है, कोई घड़ी नहीं जाता है, तू उधर ताकबे नहीं करो, होता क्या, सीधे बैठा लेते, वो बात नहीं है, आज गर्मी थोड़ा ज्यादा घंटा हो गया, हुआ तो हम क्या करेंगे, पढ़ो बैठ करके, मन है पढ़ने का, इसका मन है तो माना कि सबका मन है, सबका मन है ना, मन लग रहा है पढ़ने में, अरे लिंक ब्रेक कर जाता है, इसे टॉपिक क्या 3 घंटा लगातार पढ़ने का, तब मजा आता है पढ़ने में भी पढ़ाने में भी, लगले सब है ना, ये ऐसा हुआ। आप चाहते हैं सर थिनने आए, हैं नहीं कोई बात नहीं है सर, डबल चीज कॉपी पर, अब कॉपी ले लेंगे इसका, उसी पर सबको पढ़ा देंगे, सब फोटो खींच लेना।
वैसे थोड़ी पन्ने लेंगे एक गो फाड़ के उसी पे कार्बन आज कहते आठ गो नहीं होता पन्ना तीन तक अरे पन्ना देखेगा नुगे नहीं तक में छप शांत रहो ना तू छह पन्ना देंगे ना इतने उन्होंने क्या का पन्ना नहीं दिया सर अपना तक खत्म हो जाएगा शांत रहो मोबाइल किसको किस करना है गेस्ट आता है तो क्या करते हो कपड़ा कौन देता है लोग ने क्या का नहीं दिया है पेपर लगा चलो शांत रहो ना हमको भी नहीं हल्ला बंद करो हल्ला बंद करो रामलाल अब देखो जरूर दिया अब क्या होती है जैसे ओ थ्री का निर्माण हुआ ओजोन डिप्लेशन ओजोन का ह्रास ने 50 लिख दिया अब ये सीएफसी अब ये सीएफसी बाबा क्या करेंगे इसको तो बैंड कर दिए तो फिर नाम नहीं लिख दिया ऊपर में है ना सुनो ना ये ओ थ्री को कहेगा वहाँ ओ थ्री है ऊपर में कौन है ओ थ्री ऐसी सबसे कौन गैस निकलती है सीएफसी और भी कई चीज से निकलती है ये कहाँ पहुंच जाएगा धीरे धीरे घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा वातावरण में ओजोन के पास पहुंच जाएगा धीरे धीरे घूमते ओजोन के पास पहुंच जाएगा ओजोन कहेगा कौन है ओजोन है कहेगा हाँ कक्का हम ही है मारेगा एक लपर उसमें सीएफसी मारा उस पर हथौड़ा और दो हम क्या किया उसको ब्रेक तोड़ दिया लो बहुत खतरनाक है पहले पूछ लिया ओजोन ने है कहेगा हाँ हम ही है कहेगा तब दे रहे हैं पकड़ के पूछ करके समझ रहे हो ना हाँ। उसको क्या किया फिर वो टू में ऑक्सीजन अलग वो टू अलग समझ रहे हो ना अब ये जो बंदा वो है अब वातावरण में एक और रहेगा उपस्थित वो यहाँ जो छोरा था एगो कहाँ गया कहेगा आओ ना हमसे कर ना रिएक्शन देंगे ठीक है क्या ना लगा वो टू बना देगा ओजोन परत खत्म हो चुका है ऑक्सीजन ओजोन परत नहीं है खत्म हो चुका है ओजोन परत तो क्या हो गया तब बताओ किरण घुस जाएगा अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा विषैली गैस भी आ जाएंगे और क्या होंगे यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होंगे लाइव टेलीकास्ट बुकिंग होंगे स्पेशल अभी देखते हो ना कोरोना में फेफड़े को खा रहा है तब चमड़ियों को खाएगा अंदरों से बाहरों से सबको खा जाएगा वो कैंसर हो जाएंगे स्किन कैंसर हो जाएगा दबा दबा देखते हो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर में निकलेगा बीमारी शरीर में कलरफुल डिजीज होंगे समझ में आ गया ना कोनो दिक्कत तुमको नहीं होगा बचा लेंगे तुमको ऑनलाइन नहीं बोला हम लाइव जाएंगे शांत रहो अब देखो सीएफसी कितना खतरनाक है अब दिखाते हैं तुमको देखो सीएफसी का एक अणु सर सीएफसी सी लिख दिए सीएफसी का एक अणु सीएफसी का एक अणु ओजोन के 1,00,000 से भी ज्यादा एक लाख से भी ज्यादा अणुओं को तोड़ता है सुना अणुओं को तोड़ता है यहाँ पर कहा गया सीएफसी का एक अणु रहेगा सीएफसी का ओजोन के 1,00,000 से भी ज्यादा अणु को तोड़ देगा सोच सकते हो कितना खतरनाक है एगो अकेला सीएफसी कितना को 1,00,000 से भी अधिक को जैसे कि चुट्टा का ढेर है और तू गया एक लाठी मारा उसे पकड़ के बहुत चुट्टा था कितना लगभग बहुत मर जाएंगे ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है ऐसी करते हो नहीं शारदा में नहीं करते हो जो ऐसी यूज करते हैं पहले इसलिए सरकार बैन लगाया बुझा क्यों बैन लगाया उस दिन तू पूछ रहा था ना बैन क्यों लगाया दवा मिला अब बुझा सीएफसी कौन बैन के उसमें क्वेश्चन पुट क्या था ना नहीं बताते मुझे कारण है क्योंकि आगे बताएंगे वो आगे अब कारण समझ में आ गया ना तू लिबिड लिबिड करता है बीचे में अरे शांत तो सारा रहो टॉपिक कंप्लीट होने दो सीएफसी का बैन क्यों हुआ क्योंकि वो एक अणु सीएफसी का ओजोन के 1,00,000 से भी ज्यादा अणु क्या करते हैं तोड़ देते जिसके कारण से सरकार ने सीएफसी को बैन कर दिया नहीं यूज करेगा सीएफसी जवाब मिल चुका है तुमको सब जवाब लिखल है समय से पहले उम्र से अधिक ज्ञान नहीं होना चाहिए समय आएंगे तभी अरे भागताग कोई भागताग नहीं होता है भाग लिखो खुद हाथ से अपना हाथ से लिखते हैं रोज कलम पर लिखाते हैं जो अब नवनिकल का बनाया फिजिक्स का कहाँ बनाया फिजिक्स का नहीं भाग लिखा कहाँ भाग लिखा है तू चलो शांत रहो भाग लिख रहे बहुत हल्ला करता है कल जाबी तक आएगा तू क्या सर जाबी कल सेम टू यू चलो आगा ओजोन हरास करने वाली अपने में बोल रहे पेस्टिसाइड्स कुछ पेस्टिसाइड्स में कीटनाशी से भी कीटनाशी भी हैं जैसे तुम अपने बोल रहे ओ टू ओ है इसका निर्माण हुआ अभी हुआ था ना ओ टू ओ कहाँ गया ओ टू ओ है ना इससे क्या बनेंगे ओ थ्री बने ओ थ्री ये इसको
सुनो O3 बना, O3 फिर कौन लाइट पड़ेगा, हानिकारक गैसेस वो भी, और फिर किसमें टूट जाएंगे ये। इस साइकिल को क्या कहा जाता है, चैपमैन साइकिल एग्जाम आता है, बाय सिडनी चैपमैन, इन 1930 में दिया गया था साइकिल, 32 बार बताए थे, समझ में आ गया ना, ये वाला बात है। ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज 98%, 98% हानिकारक गैस से, कितना परसेंट, 98% हानिकारक गैस से ओजोन हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बात समझ में आ गया ना, कितना परसेंट, 98%। अब बोलो और क्रीम यूज करेगा, यही यूज करोगे, अरे दे मारता है, कबरा सेंट मारेगा, छत घर बनेगा, फॉग मारेगा, फॉग कहते हैं नहीं मारो तो कहता है मारेंगे, तो खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, शांत रहो, साथ में सबको घसीट रहा है, तो घसीट आराम हो गया, घसीट रहे का खून बना लिया सर, चुनैयो मारता है, बराते जाता है तो उसमें जाते मार लेगा, मारता है, हम तो नहीं मारते सर, सुनो कहीं बराते जाते हो ना, भाषण होता है ना, और वहाँ जाओ उसके बारे में पढ़ाओ, ओजोन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाओ, समझ में ना, तब लोग समझेगा, शांत रहेगा, कोई दिक्कत देंगे, रुकिए सर यही बात में नॉलेज नहीं, कोई चीज पढ़ना चाहिए लोग को, फालतू का क्या भाषण करते हो, ये सुनो, अरे छोड़ो मंगल तंगल, ये मंगल कराओ, मंगल भवन मंगल हारी, ठीक है अपना है वो भी जरूरी है, उसके बाद अरे पहले यूज होगा ना तो वहाँ पूर्वक बना दिया जाएगा सब, एक बोतल है और उसी में पूरे अर्थ समाये हुए हैं, उसी में उसको उसका कंसेप्ट हमसे कई गुना अधिक क्लियर है, क्या बेबा कर रहा है, उसका कंसेप्ट क्या हमसे कई गुना अधिक क्लियर है, ज्ञान सुनो, ज्ञान और पैसा देख कर देना चाहिए, जो उस योग है उसी को देना चाहिए, अयोग को नहीं देना चाहिए, अयोग मजाक उड़ाएगा, समझ में आ गया ना, आए हैं एंजॉय और थी लेने हैं आगे, चलो ओजोन, इसलिए टिपू आने देते हैं, अंकित जाएगा तो कर सकते, ओजोन का ह्रास, ओजोन का ह्रास, अच्छे तो बता दिए कराने, ओजोन का ह्रास कराने वाली कीटनाशी, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो खेत में यूज करते हो, हम काहे कहते हैं, हम कभी बोले होंगे कि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, नेचुरल बनो, नेचुरल बनो, लोग सोचता है पैसा कमाने के चक्कर में बहुत कुछ कर देते हैं, हाँ आप हॉर्लिक्स गाय पीते हैं, घास खाइए ना और हॉर्लिक्स कौन सी बना हुआ है, हॉर्लिक्स सर उसमें केमिकल दिया हुआ बना हुआ है, परफ्यूम कहेंगे तो परफ्यूम पेड़ पौधा, लेकिन परफ्यूम ज्यादा है, हॉर्लिक्स क्या है कम है, परफ्यूम क्या है ज्यादा है, ये बात ध्यान रखो, किंतु परंतु किंतु समझ रहे हो ना, आप कंट्रोल में करो, कंट्रोल में कीटनाशी पेस्टिसाइड्स, अरे से लाभ होता, अरे हॉर्लिक्स जरूरी है पीना, वो एनर्जी है, लेकिन सेल्फ जरूरी नहीं है, शांत रहो, हॉर्लिक्स कैसे बनता है पता है, हाँ सर कैसे बनता है, में अति उसमें अति सब मिला जाता है, हमको पता है केमिकल पर मिला जाता है, उसमें केमिकल नहीं देता होगा सर, ऐसा हो ही नहीं सकता बिन केमिकल का, देगा हम तो पीस के पक्का नाइट्रोजन गैस होगा उसमें सर जी, गेहूं में, अरे हल्ला बंद करो, चुप हो, शांत रहो, ज्ञान दे दिया, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशक पेस्टी लिमिट में कुछ ही करना चाहिए, समझ में आ गया ना, हां सर नहीं पेस्टिसाइड्स मेरे कहने मतलब ये मिथाइल ब्रोमाइड निकलता है, तुम लोग को ज्ञान उम्र से अधिक हो गया, समझ में इसीलिए मैट्रिक इंटर वाला विद्यार्थी कौन से नहीं पढ़ना चाहिए, भूल कर भी बहुत उछल कूद करता है, नहीं करना चाहिए, अभी इंटर में होना इसीलिए उछल कूद ज्यादा कर रहे हो, यही उसको पढ़ाया जाए जो 5 साल तक बौखा है और कुछ नहीं मिला, वो शांत से सुनेगा, बुझता है कि अभी नहीं पढ़ेगा तो फिर बहुत बौखना पड़ेगा, पटना में लेके जाओगे गुजरिया हुजूर हुजूर खूब दोगेगा, अब पता चला कि विद्यार्थी आ गया पहले पीछे हम बैठे किस पते नहीं चला, सर जी लिख क्या रहे हैं बोल क्या रहे हैं, पते नहीं चलेगा, आगे समझ रहे हो ना, बहुत दिक्कत, आधा गलती लिख रहा है, यहाँ तो कमी पे हाथ से लिख रहे हैं हम, तो चुपचाप भागे सुनवा रहे हैं तुमको, जो पीछे बैठता है उसको कुछ हो न, अरे तू कहेगा ना पढ़ेगा, तुमको पढ़ने नहीं देगा बगल वाला, छोड़ो ना वैसे मास्टर बक रहा है, करता है ना मास्टर अपना धुन में लगा ले, विद्यार्थी अपना धुन में लगा ले, कोई मतलब नहीं है, माहौल बना देता है पीछा का, 2 घंटा अंकित अजय कुमार सपोर्ट नहीं कर सकता, अरे हम नहीं करेंगे सर, दूसरा करे कि नहीं करे हम, अरे माहौल में अपने बन जाते, बन जाओगे माहौल में, नहीं नहीं कहता लत लग गया, शांत रहो, फालतू क्वेश्चन करता है, ओजोन का ह्रास कराने वाले, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी मिथाइल ब्रोमाइड है, ये भी
कीटनाशक का जो हम लोग कीटनाशक यूज करते हैं ना पौधा से मारने के लिए, तो वो भी वजन क्या करते हैं हरास करते हैं। इसका फार्मूला ब्रोमाइड है, तो फ्लोरोक्लोरोब्रोमीन इस ग्रुप के हैं। सी एस थ्री क्या होंगे, बी आर होंगे। अभी कहाँ है, एक घंटा और है। अभी कहाँ पढ़ेगा वो, जो ना कहेगा आधा घंटा में पढ़ा, वजन आधा घंटा में होता है। तीन घंटा बताते हैं वजन के बारे में खाली, दो घंटा हो गया। अब एक घंटा और, तू खो समझदार हो, कुछ बता दे घंटा और, पता चलेगा 50-100%। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब समझ में आएगा। शांति बना के रखो। अभी टॉपिक जब तक नहीं होगा यहाँ तक क्लियर, तब तक नहीं छोड़ेंगे, शांत रहो। आपका इच्छा है सुपरसोनिक जेट, सुपर तब कहेगा सिलेबस, तब तू कहेगा कि खाली केमिस्ट्री पढ़ाइए, आ दे रहे हैं तो उल्टी हो रहा है। हमारा मन नहीं भरा, हमारा पेट नहीं भरा और पढ़ाएंगे हम, और कोई बात लिख दीजिए आप, बात उतने सुपरसोनिक जेट जेट जहाज, सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के। हमको पता है दांत में कल से पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर भी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है इसी कारण से। कल से ज़्यादा करें जैसे मिस्टेक कर दिए, नहीं मिस्टेक जल्दी नहीं होता है, कल से हो रहा है। दवाई लेने से नहीं लेते, नेचुरल से ठीक हो। सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन, और तुमको फिर भी पढ़ने वास्त लगता है। नाइट्रोजन के यौगिक दिमाग दांत में यदि गले से ऊपर है ना, डायरेक्ट फायर कहाँ पड़ता है उसका, सोचने शक्ति कमजोर कर देता है, सोच नहीं पाओगे, दिमाग खराब कर देता है। इसीलिए तुरंत हल्ला मत करो, सांस तक पढ़ो, भूल जाते हैं तो फिर स्टेप हम दिमाग, क्योंकि पेन उधर से मार रहा है, तुम उधर से पेन कर रहे हो, समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन होगा ना, मॉलिक्यूल गर्म हो जाएंगे इसी में। सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, नाइट्रोजन क्या छोड़ते हैं, यौगिक छोड़ते हैं जिससे ओजोन तो पूरा कर लो, जिससे ओजोन का ह्रास होता है, जिससे ओजोन का क्या होता है, ओजोन का ह्रास होता है, ओजोन का क्या होता है, ह्रास होता है। जैसे सूरज भगवान अपना है, ये कौन भगवान है, सूरज भगवान है, और हरे हरे एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, अर्थ का क्या है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर है, अर्थ का क्या है, वायुमंडल है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ का एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, तो ऊपरी लेयर में ओजन होते हैं, ओजन यहाँ होंगे ना, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये इतना तो दूर में क्या कहोगे, एटमॉस्फेयर, ये कौन अर्थ सरफेस हो गया, इसके ऊपर कौन होते हैं, मान लो ओजन है, ओजन कहाँ होता है पता है ना, समताप मंडल में ओजन होते हैं, मंडल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था पढ़ाएंगे उस बारे में हम। यहाँ है ओजोन गैस, यहाँ कौन बैठल है, ओजोन गैस। आप देखो सूरज भगवान से कौन रे आएंगे, यूवी रे जाएंगे, ऐसे यूवी रे जाएंगे। तीन प्रकार के यूवी रे होते हैं आएंगे, इसमें क्या होते हैं, एक यूवी ए है ये वाला, एक यूवी बी है ये वाला, और ये है यूवी सी, अल्ट्रा वायलेट ए अल्ट्रा वायलेट बी अल्ट्रा वायलेट सी। अल्ट्रा वायलेट ए क्या होती है, ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, ये कौन लेयर है, ओजोन लेयर है। अल्ट्रा वायलेट ए क्या होती है, अपने अर्थ तक आ जाती है, धरती तक आ जाएगा, लेकिन बी और सी अर्थ तक नहीं आ पाती है। अल्ट्रा वायलेट में भी टाइप होते हैं, मन में आ गया ना, अल्ट्रा वायलेट ए अल्ट्रा वायलेट बी अल्ट्रा वायलेट सी, ए धरती पर आ जाते हैं, बी और सी नहीं आते हैं। अब यहाँ देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यहाँ जो है जानकारी मिले सब बारे में जानकारी देंगे अभी, सभी यू वी बी यू वी सी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या करे, धीरे धीरे डिक्रीजिंग वेवलेंथ किसका अधिक होगा, यू वी ए। अब मैंने कहा था जिसका वेवलेंथ अधिक होता है वही यहाँ तक आ पाता है, मैंने पहले भी कहा था, याद है प्रकाश का परावर्तन समय पढ़ाएंगे वहाँ पर। अरे वेवलेंथ अधिक ही बुलाता है ना, लाल कलर का वेवलेंथ सबसे क्या होती है, ये कम होती है, इसमें धरती तक आ पाती है वो। तो यूवी का वेवलेंथ क्या होते हैं,
बोलो न जी वेवलेंथ यूवी के क्या होंगे? ज्यादा होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं। इसका यानी कि इसका वेवलेंथ यहां कम है, इनर्जी इसका क्या होंगे? काफी अधिक। इसकी एनर्जी काफी कम, उसी अपेक्षा इसकी एनर्जी क्या होंगे? अधिक होगी। इसकी एनर्जी कम होगा ना, एनर्जी कम होगा। अब वेवलेंथ क्या होंगे? अधिक होंगे। तो वेवलेंथ अधिक होने की वजह से धरती तक क्या होंगे? ये पहुंच जाएंगे। अब देखो यहां से त्वचा का कैंसर और ओजोन का ह्रास पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। ये उतना हानिकारक नहीं है। अब उस समय जब हम बात किए होंगे ना, उस समय जब तुमको कल कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने वहाँ दो बात कहा था। एक बार बोला था यू बी आदमी, फिर चला गया, कहा था नहीं सिवट। वहाँ मेरे दिमाग में तीन डे चल रहे थे, यू बी ए, यू बी बी और यू बी सी। उसका हमको उस समय बता रहे थे, तुमको जानकारी दे रहे थे, इसलिए स्किप उस चीज़ कर दी थी उस समय। अब मैंने बाद में कन्फ्यूजन दूर किया। यू बी रेज आया है ना, और अवरक्त किरण सब आएगा, तो उस समय दृश्य प्रकाश भी होती है, हाई एनर्जी लेवल जो ने पढ़ाए थे। यहाँ यू बी ए, यू बी बी, यू बी सी, यू बी बी और सी का एनर्जी काफ़ी क्या है? अधिक है। वेवलेंथ क्या है? कम है। तो हानिकारक भी हैं। क्या है ये दोनों? हानिकारक भी हैं। इसको ओजोन क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देगा, भागो यहाँ से, घुरा देगा रास्ते से। लेकिन यू बी ए क्या होंगे? यहाँ तक आ जाते हैं। अब देखो त्वचा का कैंसर पता हमको कहाँ गर्म हो रहा है, अंकित क्या कहेंगे? थोड़ा तो ठंडे लगेगा अभी। त्वचा का कैंसर और पढ़ाई बहुत ही पढ़ाई पढ़ने का मन कर रहा कर रहा है ना, तब लोग कह रहा है अंकित पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तू कह रहा पढ़ने का मन कर रहा है। चतुर्थ चतुर्थ सूर्यश है। त्वचा का कैंसर और ओजोन का ह्रास पराबैंगनी बी पराबैंगनी बी किरणों की वजह से। पवन है, हमको तो पवन एक टेंशन है, पवन टेम देख रहा है, किरणों की वजह से होता है। एक घंटा 40 वीडियो बन गया है, अभी दो घंटा में पूरा है। हल्ला बंद करो, की लिखा है यहाँ पर पढ़ो। क्या कहा है? त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर, ओजोन का ह्रास पराबैंगनी किस कारण होता है? अच्छा, क्या धरती भी पराबैंगनी भी आती है? आएगा तो क्या होगा, समझ रहे हो ना? ऑनलाइन बुकिंग होगा। आएगा कब? शांत रहो, आएगा कब? जब ओजोन लेयर का क्षय होगा, डिप्लेशन होगा, परत कब पतले होंगे? अच्छा, पतले कब होंगे? जब CO बढ़ेंगे, जब CO बेसी होगा, ई कब बढ़ेंगे? उससे नहीं होता है, जब एसी या ये सब उन्होंने बता रहे हैं क्रम क्रम, ये कब बढ़ेंगे? जब ज्यादा एसी हो जाएगा, एसी भी होगा। तब बुझा बात कहाँ गया आखिर? एसी कहाँ की यूज क्या करेंगे? सीएफसी कहाँ जाएगा? ओजोन उसको क्या करेंगे? छह करेंगे, छह करेंगे तो यू भी क्या होंगे? बी नीचा में आएंगे, आएंगे तो क्या होंगे? त्वचा कैंसर होगा और ओजोन का ह्रास पराबैंगनी बी की वजह होती है। 98% जो है, 98% यू भी से क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है। 98 में यही है, बी और सी है, ए आने जाती है, 2% नहीं ये आता है, कम से बहुत कम मात्रा, ये भी आती है पूरा नहीं, कम मात्रा में आती है। कितना हुआ सबका क्लियर? अब फर्स्ट ओजोन होल कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ में आ गया ना? ओजोन होल देखा गया था। हाँ, बोले तब नहीं होता है, कहते हैं लेकिन ओजोन होल ही, लेकिन एक्चुअली कुछ होता है ऐसा नहीं है। सारी चीज बोलते क्या है समझने के लिए, ओजोन चीज बोले। हाँ, इधर इंडिया में भी हुआ था एक जगह, ब्रह्मपुत्र नदी में, देखे उसी का, बाद में आता है बड़के की छटके, पहले की अंतिम है। तो पहला क्वेश्चन आएगा ये, फर्स्ट ओजोन होल और सेकंड ओजोन होल। चलिए, आपके अनुकूल ठीक है जा रहा है सर। फर्स्ट ओजोन होल कहाँ देखा गया था? अब बहुत अधिक मैक्सिमम वहाँ ओजोन होल था। क्या था? तुम क्या उठक बैठक कर रहे हो? ए उने सर, बैठो, टाइम देख रहा है। सर ये 10 कम से कम, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ देखा गया था? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। और सेकंड तिब्बत में, तिब्बत, चाइना, चाइना। एक्चुअली तिब्बत में ये विवादपूर्ण स्थिति है, तो हम लोग को नहीं पढ़ना, सीधा रखना है। सेकंड ओजोन होल कहाँ देखा गया था? तिब्बत में, तिब्बत।
फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्या काम है? यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज लिख दिए हैं, 10% यूवी से प्रोटेक्ट करता हमको। हो गया नहीं, अभी एक और हाफ रहा है पवन, हाफ रहा है और पेज दी। लोग कहता है पवन का 5 घंटा में कोई दिक्कत नहीं है, सठियार पढ़ना है जल्दी और काम बाद में। अभी वजन कहाँ पूरा, वजन पूरा कर दें और शाम में कर दीजिए, मानते हैं आपका भी छोड़ने का नहीं दीजिए। सीएफसी का है, शांत रहो, सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरो लाने को पेज देखते हो कैसे छोड़ते हैं मन होते हैं। सीएफसी फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियोन, नॉन पॉइजनस, नॉन रिएक्टिव एंड नॉन फ्लेमेबल, यूजेज एज ए कूलिंग एजेंट। कूलिंग जहरीली नहीं है लेकिन खतरनाक किसके लिए है? उसके लिए है। फ्रिज रेफ्रिजरेटर, एसी, डीओ, परफ्यूम। ए इधर देखो क्या लिखल है, डीओ और यूज नहीं करते हैं, कोनो क्या निकलता है उसमें, कोनो दिक्कत नहीं, कूलिंग वाला चीज से निकलता है सर। अब बोलते हैं और हॉर्लिक्स से निकलेगा और बेवकू बना रहे तू, हॉर्लिक्स से निकलेगा हाँ? अरे वो तो नेचुरल हुआ, वो तो गेहूं का अथी सब का बनता है, उसमें ज्यादा केमिकल यूज होगा, क्या यूज होगा, केमिकल नहीं होगा ज्यादा केमिकल यूज। अरे खोल संतरो, डीओ मारता है, डीओ मारेंगे संतरो, संतरो फायर एक्सटिंग अग्निशामक यंत्र क्लीनिंग पर्पस, वो सब सीएफसी के यूज करते हैं। नो लिक्विड एनास्थिर अमोनिया यूजेज इन फ्रिज, मैंने कहा भी था, अब किसका यूज करते हैं, समझ में आ गया ना, उसमें शॉर्ट था इसमें थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैंने बता देते हैं। है रुको ना, मन है पढ़ने का, कौन छोड़ दे। क्लोरीन भी खतरनाक है, जो यूज करते हो ना साफ करने के लिए क्लोरीन, वो भी काफी खतरनाक है क्लोरीन। कोई क्वेश्चन उठा था लेकिन कुछ आगे मिलेगा हम ये सोचे, ये है ना Cl2 क्लोरीन भी रेज पड़ेंगे ना, इस प्रकार क्लोरीन ब्रेक कर देते रखो तुम ध्यान में, जाने रखना ध्यान में। अब उससे बताइए कि फर्स्ट ओजन लेयर वाज डिटेक्टेड बाय जोसेफ जोसेफ फॉरमैन, ब्रिटिश है इन 1984 इन साउथर्न, इस सब वाला बात है दक्षिणी पूरा पश्चिम उत्तर छोड़ो ना। फर्स्ट ओहल ओवर अंटार्कटिका साउथ पोल में लार्जेस्ट देखा गया था, सेकंड होल उसका क्या कह रहा है कंटेंट देखो ना खाली, सेकंड होल कहाँ देखा गया था, आर्कटिक में, और सेकंड वो लास्ट था नॉर्थ पोल बाय नासा यूएसए के थ्रू। क्वेश्चन देखते हो नहीं हो तू, उसके लिए एक भी है ना कमेंट में, तब कौन तिब्बत में लास्ट हुआ था, सेकंड तिब्बत में ही है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकेंड होल में आर्कटिक, तो तिब्बत किस अथी में आते हैं आर्कटिक में, अंटार्कटिक और क्या होते हैं आर्कटिक, नॉर्थ पोल है सर, यहाँ क्वेश्चन सेकेंड है वहाँ लास्ट है, सबसे लास्ट नहीं, तिब्बत सेकेंड लिखे लास्ट नहीं, नहीं सेकेंड ओजन होल लिखा है तिब्बत में, सेकेंड सेकेंड है कहाँ, पढ़ा लिखल व्यक्ति नहीं है तुम, वहाँ सोचता इसमें तो सेकेंड लिखा हुआ है, तू पढ़ा चुके हैं कल आया था इसलिए छूटा, कोई दिक्कत आपको अमोनिया मिलेगा, मतलब फ्रीज रेसी में आप अमोनिया की यूज है सीएफसी के बदले, वह लिखा। अरे ये नासा थ्रू देखा गया है, इसमें देखो सेकंड होल दो क्वेश्चन बनती है, अब सेकंड होल वहाँ भी तिब्बत में भी देखा गया, आर्कटिक में भी देखा गया, आर्कटिक में कौन देखा, नॉर्थ पोल में नासा, क्वेश्चन ऐसे आती है नासा के वहाँ कौन देखा, सेकंड हॉल वहाँ कौन देखा है, और कोई व्यक्ति देखा होगा, नाम नहीं जानना, कोई देखा होगा व्यक्ति, बाबा भी दूर। फर्स्ट होल ओवर में पूरा ऑल ओवर में देखो एक साथ कई जगह देखा जाता है, ऐसे नहीं है होते हैं लेकिन एक साथ कई जगह देखे जाते हैं ओजोन होल, ऐसा खोजने पर मिल जाते हैं, जैसे तूने कहा कहाँ पर मिलता है, ब्रह्मपुत्र में मिला ना एक साथ कई जगह, तिब्बत में भी देखा गया एट ए टाइम और वहाँ में भी देखा गया, तो आर्कटिक में नॉर्थ पोल में नासा थ्रू यूएसए थ्रू देखा गया। देखो सुनो ना, एक वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हुआ, कौन कन्वेंशन, वियना, हाँ वियना सम्मेलन, तो लोग लोग हल्ला कहे करता है, इसका मन पढ़ने का, हाँ पता है तू लाइन सुनो ना खत्म हो रहा है सर, हमको लीजिए ना हमको अंकित तो पढ़ने का मन है, माना सबको पढ़ने का मन है, वोट डालिए साइन वियना कन्वेंशन साइन किया गया 1985 में 22 मार्च को, यूजेज ऑफ सीएफसी विल बी रिड्यूस्ड, उसमें क्या कहा गया सीएफसी का यूज हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे वियना कन्वेंशन, ये हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कनाडा में, साइन हुआ 16 सितंबर 1987 को, वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्ट डे उस दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 थीम में नहीं जरूरी लागू किया गया 1 जनवरी 1989 को, इमिशन ऑफ सीएफसी विल बी बैंड कर दिया गया, तू कहा था ना देखो सारी भविष्यवाणी कर लेता पहले लगेगा, तो हम वही बताएंगे जब समय आएगा तब। इंडिया कब साइन किया 1992 में,
उस पर हस्ताक्षर किया। सीएफसी बैंड बाय डेवलप कंट्री 2000 में और डेवलपिंग कंट्री 2010 में, डेवलपिंग कंट्री को मौका दिया गया, डेवलप कंट्री को थोड़ा टाइम आपका, आप तो डेवलप विकास हो चुके हैं आप नहीं करिए यूज का, ठीक है 2000 में बैन कर दिया गया डेवलप कंट्री के लिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा मौका दिया क्योंकि उसका विकास रुक जाएगा ना इसी में यदि नहीं यूज करेगा तो, 10 साल टाइम दिया गया उसको प्रिफरेंस। कौन कौन ओजोन डी के गैसेस हैं, शांत रहो, रुको ना, जैसे सी एफ सी है, हेलोन्स में सी एस थ्री बी आर, सी सी एल फोर, सी टी सी पायरिन है, एच सी एफ सी, एच बी एफ सी, सी एस थ्री, सी सी एल थ्री, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये सब कुछ गैसेस हैं जो कि ओजोन को क्या करते हैं, ओजोन परत को क्षय कर देते हैं। एक टॉक्सिन बराबर होता है 10 माइक्रो मीटर, बता चुके हैं कि थिकनेस ओजोन लेयर किसी मेजरमेंट क्या जाता है, डॉप्सन यूनिट में, क्या हुआ दस माइक्रोमीटर। हुआ बात क्या होता है थे, जैसे इस कॉपी में जो लिखा हुआ था ना यहाँ पर कि ओजोन का जो है फर्स्ट ओजोन होल कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में, वो मैक्सिमम है, उसके बाद जो है ना अधिकतम होल है सेकेंड तिब्बत में। देखो यहाँ समझना थोड़ा सा पेज है, चलो नहीं है किसी बता देते हैं, फर्स्ट जो था इसमें ओजोन होल मैक्सिमम सबसे अधिक होल कहाँ है, होल होता नहीं मतलब लेयर क्या होंगे उसका, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका में, आ उसके बाद यानी कि मान लो वो है इतना मीटर, उससे कम, उससे थोड़ा सा और मोटे, मोटे की कम कैसे होंगे, मोटे होंगे ना, पतला है तो बड़ा है, हाँ छोटा समझ रहे हो ना, मान लो इतना मोटा होता है, इतना सब होता है, इतना है, होता कितना है, इतना है, इतना है, तो वो हो गया अंटार्कटिका, थोड़ा उससे होंगे कम यानी कि मोटे, ये समझ रहे, उल्टा बंद होता है इसमें, सबसे अधिक थिकनेस का मैक्सिमम ओजोन होल कहाँ है, और उसके बाद कौन है, तिब्बत है, लेकिन फर्स्ट खोजा गया था वही अंटार्कटिका ही, और सेकेंड खोजने वाला पूछेगा, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला गप यहाँ है, मैक्सिमम ये होते हैं, दूसरा मैक्सिमम ये हुआ, सेकेंड ओजन होल मतलब यहाँ जो तिब्बत लिखा था ना वो दूसरा मैक्सिमम हुआ वो, यदि दूसरा ओजन होल पूछेगा कहाँ खोजा गया था, तो वो जो कल उस इसका भी बताए थे वो है दूसरा ओजन होल, वो कहाँ था, वो नासा खोजा था ना, वो कहाँ पर आर ओजोन पढ़ा रहे थे ना, ओजोन पढ़ा रहे थे, ओजोन इधर होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इधर तो था ओजोन, तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बाद ग्लोबल, ओह इधर है ओजोन लेयर, यहाँ है ओजोन, तो इसमें क्या है देखो, है ना, फर्स्ट ओजोन होल अंटार्कटिका, साउथ पोल, दक्षिणी को लार्ज सबसे बड़े, दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तब तिब्बत का, दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तब क्या कहेंगे, पहला सबसे बड़ा और फर्स्ट खोजा गया और अंटार्कटिका सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े भी हैं और सबसे पहले भी हैं वो अंटार्कटिका, दक्षिणी गोला साउथ पोल में लार्जेस्ट है, समझ में आ गया ना, और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तिब्बत में है, और सेकेंड कौन खोजा गया था, दोनों मंदिर देखो है, दोनों वर्ड में थोड़ा थोड़ा हल्का फर्क है, और सेकेंड होल कहाँ पर खोजा गया था, फर्स्ट बार यहाँ खोजा गया ना, सेकेंड बार यहाँ खोजा गया, वो आर्कटिक में है, नॉर्थ पोल में है, ये साउथ पोल में है, बाय नासा यूएसए खोजा गया था, वो सेकेंड होल हो गया, और वहाँ क्या लिखा था, सेकेंड ओजोन होल, दोनों जगह लिखे हुए हैं, तो मतलब इसका ये उसका मतलब वन मैगन या डॉट भी कुछ बोलो, है ना, आगे चलते हैं, ये कन्वेंशन तन्वेंशन तुम्हारे थे एकाध क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने कहा था इंटर बीस में इंक्लूड है, इसे मैंने काफ़ी चीज़ डिस्कस किया था, तो ओजोन ख़त्म था और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे थे, है ना, ग्लोबल वार्मिंग ही पढ़ रहे थे ना, हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग पर है, ग्लेशियर ये सब तो पियर बोलर्स ये सब तो अच्छे समझाए थे, क्योटो प्रोटोकॉल भी बता दिए थे, कार्बन क्रेडिट भी बता दिए थे, मतलब कार्बन बेचना, कार्बन क्रेडिट समझ रहे हो ना, कोई देश को बताया गया कि आप इतना कर सकते हैं, उतना भी नहीं कर पाता है, दूसरे को कहेगा हमें बदलाव कर लीजिए, उस बदलाव का कर दीजिए, उस बदलाव में आप पैसा दीजिए, ना होगा उसी देश का कि श्रीलंके ने पैदा किया, समझ रहे हो ना, तो होती है इसे वो बेचा जाता है, तो चलो कमिटमेंट नहीं है, उसके बाद जो है जरूरी तुमको, हाँ, तो कार्बन सबसे अधिक कार्बन ये दलित जो थे ना
कार्बन नेगेटिव कंटेनर लिखे थे शायद, लिखे हमने लिखे ने समझाए थे, लिख देते हैं। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस में उतना है भी नहीं। कार्बन नेगेटिव कंट्री, TRY, कार्बन नेगेटिव कंट्री यानी कि जनरेटिंग O2। कार्बन नेगेटिव कंट्री मतलब है ऑक्सीजन जनरेटिंग O2 इज मोर देन इमिशन CO2। ऑक्सीजन ज़्यादा उत्पन्न करता है CO2 से, किससे? CO2 से। सीधा मान लो 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया तो 15 किलो ऑक्सीजन पैदा कर देगा वो, समझ रहे हो ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन नेगेटिव कंट्री है, कार्बन फ्री कंट्री है, स्वच्छ है तब उसको। और एक इन ग्लोबल एक हैंगर इंडेक्स आता है, करंट रेटिंग पढ़ोगे, और उसमें मतलब किस देश व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है, भूटान का नहीं है, वहाँ का टेंशन उतना कोई टेंशन जैसे अपना देश में हाय 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 करता है ना, वहाँ का हाय 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 कोई नहीं करते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से स्वस्थ हैं। गरीब भी है लेकिन मतलब वो टेंशन मुक्त है, फ्री है, उसको कौन चैन से खाता, उच्चैन से खाता है उसको मतलब नहीं। हाँ वहाँ तो ऐसे घूमने दे देगा, वैन लगा दिया है, उसमें नियम कानून है, इतना से फिक्स किया हुआ है कि इतना से अधिक ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड का मतलब जिसे कहते घूमने जाए उसको क्या कहा जाता है, टूरिस्ट, उससे अधिक नहीं आएंगे। वो आएगा तो नियम कानून है, कचरा तथा तो कहीं थूक कूक नहीं सकते हो, सब नियम कानून का पालन, स्वच्छ है मतलब तरह समझो। कार्बन पैदा कर ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना? तो जैसे पहला नंबर में कौन है, कार्बन नेगेटिव कंट्री भूटान है, फैक्ट्री उक्ट्री रहेगा तभी ना आदमी टेंशन नहीं, बिंदास जिंदगी जी रहा है वो लोग। और उसके बाद है न्यूजीलैंड, ये भी छोटे कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है ना, न्यूजीलैंड है। नेगेटिव कार्बन टैक्स मतलब इस पर कार्बन कोई टैक्स नहीं निकलता है, कार्बन टैक्स कौन देगा? ऑक्सीजन जितना है ना उससे अधिक करेगा पैदा कार्बन, मान लो ऑक्सीजन करता है 20 किलो पैदा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना करेगा 20 किलो मान लो, तो टैक्स नहीं लगेगा, बराबर हो गया ना। और ज़्यादा करेगा पैदा कार्बन डाइऑक्साइड किससे? ऑक्सीजन से, जैसे भारत करता है, चाइना करता है, काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं ना, जिससे वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा वो टैक्स जाएगा रुपया कहाँ, वो टैक्स जाएगा बदले में उतना कहीं पेड़ लगाया गया या ऐसा कुछ करेगा जिसे कार्बन कंट्रोल किया जा सके बदले में, वही हुआ कार्बन टैक्स का मतलब। कहता है ना पेड़ कटेगा टैक्स लगेगा, वो क्यों टैक्स लेता है? इसी कारण से जितना वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करे थे ना, उसके बदले में कहीं और पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गया, पता होगा कि केवल लगाएगा उठा उस जगह, नहीं देखे यूट्यूब सब में गाछ को धर देता है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी, लेकिन कितना करोगे, कितना उठा कर, दो चार को रहेगा तभी ना। अब पूरा बन का कटा हो रहा है पूरे जंगल को, तो जरूर नहीं है। तो जीरो कार्बन बिल फंड में ना आगा चलो यूएन एफसीसी जरूरी। अब कोप तो भिन्न है जरूरी। चलो तो इतना ही बात हम लोग किए थे, किस चीज़ में वो अभी किस में बताए थे, मेलालिन पढ़ाए थे कहीं पर ना, मेलालिन बताए, इसीलिए तो घिसते गए सुबह। मेलालिन कहाँ था लिखल, किस टॉपिक मेलालिन पढ़ाए थे? अंतिम लगभग वही था टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ाए थे, वजन में पढ़ाए थे, वजन में पढ़ाए थे। अच्छा मेलालिन जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, हाँ यहाँ है, ठीक है चलो ठीक है। तो ओजोन डिके गैस लागू इंडिया साइंड डेवलप्ड कंट्री 2020 CFC बैंड बाय, हाँ ठीक है, हाँ तो इमिशन CFC विल बी बैंड ड्यूज ऑफ वियना कन्वेंशन, चलो ठीक है। हाँ हाँ ये लिख देते हैं, ये पॉइंट देखो, इसको लिख देते हैं फरिया करके। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट ओजोन होल, नहीं तो तू बाद में भूल जाओगे, अभी तो बाद में भूल जाओगे। चलो यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट ओजोन होल अधिकतम वो है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। मैप सब पता होगा सबको, गोलार्ध गोलार्ध कहाँ है नहीं पता है तो तू कायन पढ़ा, अभी तो इंटर पास ही
करबो नहीं किया तो तू ज्योग्राफी कैसे सीखोगे? ज्योग्राफी आर्ट सब कर सकता। अरे मैप में कुछ नहीं, इधर है ना, इधर ईस्ट है, इधर क्या है ऊपर नीचा वो एगो आवर्तीय सारणी है। हाँ अच्छा किसी दिन मौका मिलेगा तो 2 घंटा में घिंच देंगे पूरे मैप को, वर्ल्ड मैप सहित सब कंटी टंटी लेके निपटा देंगे, समझ रहे हो ना? मौका लगा तो अब ईस्ट है ना, उसे भी पढ़ सकते हो। ये ईस्ट है तो ये कौन गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध, वेस्ट है तो पश्चिमी, नॉर्थ है तो उत्तरी, साउथ है तो दक्षिणी। थोड़ा बहुत जानकारी दी थी लुक वर्ल्ड मैप का, कुछ दिन ही पढ़ाई थी, बाद में फिर छोड़ दिए थे। अंटार्कटिका कौन गोलार्ध में है? ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस गोलार्ध में अंटार्कटिका है, साउथ पोल में होंगे, समझ रहे हो ना? फिर उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, तो पढ़ोगे बहुत ही, बहुत ही बंधी है। अरे सब छठा किताब में है, छठा ज्योग्राफी में सब चीज़ दिया, देखे हो ना? मैंने कहा था देखा जा करके, वहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ को जानकारी। चलो ठीक है, तो अधिकतम अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में है, आ दूसरा अधिकतम, अब तो नहीं होगा दिक्कत, स्पष्टी कर दिए न, दूसरा अधिकतम ये पूछेगा तब होंगे, दूसरा अधिकतम सेकेंड ओजोन होल, दूसरा अधिकतम ऐसे लिखो ना ओजोन होल, थोड़ा ओजोन होल किताब में ठीक लिख लेना, गड़बड़ हो गया लिखा मेरा, लिख लेना लिखना, दूसरा अधिकतम ओजोन होल, और वो कहाँ पर है? तिब्बत में, पता है तिब्बत किधर है? तिब्बत राजधानी, तिब्बत तो पहले इंडिया का ही पार्ट था, पता है ना, धोखे से चाइना धोखा दे करके वही रहे ना, वही कहना चलता है ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ तुमसे कोई जीके पूछ नहीं करते, इतना जानकार लोग जीके के है ना। सेकेंड होल ओजोन होल, ओ जेड ओ एन ई, ओजोन होल खोज खोजा गया, अब नहीं होगा कन्फ्यूजन, खोजा गया बुझ जाना। अधिकतम फर्स्ट वाला तो दिक्कत नहीं है, दूसरा अधिकतम पूछेगा ये कहना, और सेकेंड होल खोजा गया वो है आर्कटिक, नहीं कहते हो आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल, कहते हो ना ज्योग्राफी में आर्कटिक अंटार्कटिक, आर्कटिक ये होती है, ये कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में है, आर्कटिक ब्रीत जो होती है ना वहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल में है, नॉर्थ पोल में है। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? नासा के द्वारा, नासा कौन है? यूएसए का स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जैसे अपना इसरो है ना इंडिया का, उसी प्रकार नासा उसका नाम है, जापान का जाक्सा है ना। चलो तो ये बात हो गया, सेकंड हो खोल दिया मैंने, चलो कन्वेंशन लिख देते हैं, एक वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, वियना समझौता, वियना समझौता, ये हस्ताक्षर कब किया गया? 1985 22 मार्च 1985 को एक वियना समझौता हुआ है ना, मतलब जिस देश में समझौता हुआ ना उसी के नाम पर खारता होगा, खारता समझौता, वियना मत वियना समझौता, ठीक है ना। यूज ऑफ सीएफसी विल बी रिड्यूस्ड, इस समझौता में क्या किया गया? सीएफसी का उपयोग कम करना, सीएफसी का उपयोग कम करना, ये बात हो गया किस समझौता में? वियना समझौता में इस बात का निर्णय लिया गया कि यूज ऑफ सीएफसी हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे सीएफसी का यूज, ये बात वियना समझौता में हुआ। उसके बाद एक और हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब क्या हो गया, ये भी एक समझौते ही हैं, और ये कहाँ पर हुआ? कनाडा में हुआ, मॉन्ट्रियल जगह का नाम है कनाडा के, कनाडा पता है ना कहाँ है, कहाँ है कनाडा? नहीं है पता, पता है कहाँ पर है, पता है तुमको? यूएसए है ना, देखो मैप जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पर ऐसे करके इधर कौन, इधर हो गया एशिया, इधर कौन है? एशिया है, यहाँ कौन है? ऐसे भारत अपना लगा हुआ है इस प्रकार से, तो भारत ऐसे लटके हुए हैं इस प्रकार से, ऐसे भारत यहाँ पर भारत है, तो यहाँ पर फिर समुद्र मुद्र है इस प्रकार से, समुद्र मुद्र
और एशिया है तो यहाँ से क्या चरवा सब है, यहाँ यूरोप है और यहाँ पर कौन है, अफ्रीका है ना, अफ्रीका बीच में फिर कौन हो गया, समुद्र हो गया, और यहाँ पर ऐसे करके कंट्री है, फिर कुछ छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर है और फिर यहाँ पर कंट्री है, और यहाँ पर है यूएसए जिसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहते हो, यहाँ पर कनाडा हो गया दूसरा क्षेत्रफल वाला देश, पहला क्षेत्रफल वाला कौन है देश, रूस, दूसरा कौन है, कनाडा ही है, पता है ना, पहला कौन है, रूस है ना, पहला रूस है ना, और दूसरा कौन है, तीसरा बोलो, तीसरा नहीं सर, तीसरा चाइना होगा, नहीं चाइना से कनाडा का है, कन्फर्म हो है, एक बार देख लेना, एक दो तीन चार इधर आता है पाँच, ऐसे जाते हैं नंबर पर, चलो ठीक है देख लेना एक बार, ऐसे हम तो उधर याद ध्यान में हमको ऐसे ही है, चलो जरूर नहीं, मतलब यूएसए सुपर है कनाडा, और कनाडा अंदर चार इतना कनाडा का स्थान दूसरा में होगा, ये तो याद नहीं, हम भूल चुके हैं, अभी एक महीना से पढ़ना बंद करें केडी जी के, इसलिए तो काफ़ी याद था केडी जी के, जो भी होंगे तो ये इधर इस पूरा को अमेरिका कहते हो, ये नॉर्थ में इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ में तो कौन अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और यूएसए जो यहाँ है ना इसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इधर जितना कंट्रीज़ है सब को अमेरिका कहेंगे, सब का नाम क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ में तो साउथ, अमेरिका जो जो समझते हैं ना लोग वो है एक्चुअल में यूएसए, वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त वही है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हुआ, वो सबका बाप है, समझ रहे हो ना, वो अमेरिका एक्चुअली में है, समझ में आ गया ना, तो ये बात होती है, तो कनाडा समझ गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल COL कनाडा में हुआ, और ये हस्ताक्षर कब हुआ, हस्ताक्षर कब हुआ, ये 16 सितंबर 16 सितंबर 1987 को वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, इस 16 सितंबर को वन दिवस मनाया जाता है, थीम तो नहीं है जरूरी, लागू कब हुआ, ये जनरल प्रोटेक्शन में थीम से हम पूछता है, लागू हुआ 1 जनवरी 1989 को, इसमें क्या क्या गया, वही चीज़ CFC का क्या करना, CFC विल बी बैन, बैने कर दिया गया, इमिशन ऑफ CFC विल बी बैन, CFC का उत्सर्जन गलत लिख दिया है, ऐसे लिखना चाहिए हमको उत्सर्जन, अब लिखा गया तो घिचिए दिए, समझ रहे हो ना, CFC का उत्सर्जन क्या क्या गया, CFC का उत्सर्जन बैन किया गया, कि CFC आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से तुमको पता है ना, इसी समय धीरे धीरे क्या किया गया, सब चीज़ में काम करके, और उसके जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, अमोनिया को यूज किया जाता है उस सब, ताकि पता होगा किस तरीके से बात होती है, इंडिया साइन किया 1992 CFC बैंड बाय डेवलप, ये सब चीज़ नहीं जरूरी, अब कौन कौन सा ओजोन गैस है जिसके कारण डीके होते हैं, मोबाइल रखो ना यहाँ पर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ ओजोन गैसें हैं जो कि अथी कर रहा है, ओजोन डीके गैस, ओजोन ओजोन डीके मतलब क्षय गैस, कि ओजोन परत का जो क्षय होते हैं इसमें किस किस गैस का योगदान है ओजोन परत को क्षय करने में, नष्ट करने में, और वो गैस हैं, पहला है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना, उसके बाद है हेलोन्स, हेलोन्स में 4-5 गैस आता है, नाम नहीं रखता है याद, और भी गैसेस हैं, SCFC HV कमीशन में जाओगे तो सब पढ़ना, NO2 बारे में बतेबे किए थे, NO नाइट्रस ऑक्साइड है, जेट विमान से एयरक्राफ्ट जो होती हैं सुपरसोनिक छोड़ देते हैं तो वहाँ भी होंगे, और एक डॉप्सन मैंने एक डॉप्सन बराबर देख लो क्या होती है, कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर किससे नापा जाता है, डॉप्सन में, और एक एक DU एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर और 10 मीटर, सोच लो कितना कम हो गई, ठीक है ना, इससे करते हैं मेजरमेंट, यहाँ एक चीज़ सुन लो खाली, 300 डॉप्सन इज एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, 300 डॉप्सन बोलेंगे तो ओजोन लेयर का क्या होगा, एवरेज थिकनेस, और लेस देन 220 डॉप्सन द होल्स इन ओजोन लेयर, यदि 220 से कम हो गया समझ गया इसमें होल हो गया, एवरेज कितना होता है 300, और 220 से कम होगा तब क्या बुझेंगे, होल हो चुका है, छेद दो तीन हो, कुछ होता नहीं समझने के लिए छेद, ताकि समझ में आए, वो बड़ा बात हो गया, हाँ नेक्स्ट पेज लो, अब UV रेज के बारे में बताते हैं,
अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के बारे में, अलग अलग लाइट्स के बारे में पढ़ाएंगे, मेलानिन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज कितना पढ़ेगा? जितना सर दिन पूरा देते हैं कष्ट करके खराब हो जाएगा ना। तो बस अगली बार क्या होगा, तू नहीं रहेगा तो वो कहेगा, तुमको तब क्या कहेंगे अंकित का, इसीलिए पवन कहेगा तब कुछ सोच सकते है। चलो आज काम नहीं ना कोनो, कल कहाँ जाओगे सर? भोरे कह रहे हैं भोरे सर, मैथे पढ़ा दीजिए। भोरे यो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री को छोड़ेंगे और बक्सेंगे नहीं जल्दी। चलो अब यूवी लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किस बारे में पढ़ेंगे? यूवी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा ULTRA सूर्य के प्रकाश को लाइट होता है पता है, रेडमी MI भीवगोर, उसके बाद एक्स इसे कुछ एक्स किरण होंगे, गामा किरण होंगे, उसके बाद क्या था, इंफ्रारेड होंगे और भी ऐसे कुछ किरण थे, नाम बताए थे, पढ़ा चुके हैं, ध्यान नहीं अभी। अल्ट्रा वायलेट लाइट एक बार देख लेंगे फिर दिमाग में चला जाएगा। पराबैंगनी किरण और ये सब का सब कौन वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स पराबैंगनी किरण क्या होता है? पराबैंगनी किरण का अधिक हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, हाई होती है, ऊर्जा काफ़ी अधिक होंगे तो ऊर्जा अधिक होंगे तो वेवलेंथ क्या होंगे, कम होंगे, कम तरंग धैर्य, हिंदी में ठीक है ना, कम तरंग धैर्य। कितना होता है तरंग धैर्य? तरंग धैर्य क्या जाता है लैम्डा से, यानी कि इसका होंगे 10 से 400 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और ये तीन प्रकार के अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होते हैं। पहला है अल्ट्रा वायलेट ए, UVA, UVB, UVC से पहले के उसे ना अल्ट्रा वायलेट मतलब क्या होता है, हो सकता है कल कन्फ्यूजन होगा क्योंकि कल तो तीनों दिमाग लेकर हम चल रहे थे, UVA भी आते हैं, बी भी है और सी भी है। देखो सुबह की छूट चुका था थोड़ा सा, UV मोबाइल निकालो, एक डायग्राम दिखाते हैं। UVA जो है ना ये पृथ्वी पर आते हैं लेकिन स्किन में छेद नहीं कर पाते हैं, UVA समझ रहे हो ना, स्किन के लिए उतना हानिकारक नहीं है। UVA आ तो गए हैं लेकिन स्किन के लिए उतना हानिकारक नहीं है। UVB पृथ्वी पर आता है, UVA हाँ पृथ्वी पर जाता है। UVB जो है, UVB डायग्राम तो डाले थे ग्रुप में हम, हाँ देखो तो सब ही भेजे हुए हैं, डायग्राम पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ बिंदा दिखाया हुआ वही वाला बात, अब देखो इसमें ये UVA है उजरका वाला, उजरका वाला कौन है UVA, अब पीलका वाला कौन है ये कौन है UVC। अब यहाँ से देख रहे हो पृथ्वी में प्रवेश कर रहा है, बहुत ही अधिक आया यहाँ कम गया, पूरा तो जीवन आता है लेकिन नहीं कि खूब आ जाएंगे, खूब नहीं आता है, कम आते हैं लेकिन आते हैं। और सबसे कम कौन आते हैं? UVB। ये देखो लाल है, समझ रहे हो लाल मतलब क्या होता है, डेंजर हुआ, आते हैं नहीं है ये बहुत, हाँ UVB आते हैं लेकिन कम मात्रा में आते हैं। और ये जो कम मात्रा में आते हैं UVB त्वचा का कैंसर, ओजोन का छह, इसी पराबैंगनी बी की वजह से ही होता है, सुबह हम लिखे वो किए थे यही पराबैंगनी बी के वजह से, यही जो इसमें घुसा है ओजोन में, ओजोन को एकदम से नष्ट कर देता है, धरती आ जाएगा तो समझ में करते हो क्या होगा, ओजोन नष्ट होंगे परत अपने पहुंच जाएगा ना, तब वो रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता साफ हो गया, समझ रहे हो ना, ट्रैफिक जाम को तोड़ के निकल जाता है, रास्ता बना लिया उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हो गाड़ी जाएगा गा, ये वाला बात होती है। अच्छा UVC के बारे में लिखा है इसमें,
ठीक है, अभी तो हम सब चीज़ लिखेंगे, लिखा जरूर होगा यूबीसी के बारे में कहीं पर, वो काफ़ी खतरनाक होते हैं यूबीसी एक्चुअली में। यूबीसी भी आ जाता है पृथ्वी पर? नहीं, यूबीसी नहीं आएगा, यूबीसी नहीं आता पृथ्वी पर। मोस्ट डेंजरस है, बहुत अधिक डेंजरस है यूबीसी। यूबीसी समझ रहे हो ना, बहुत अधिक डेंजरस नहीं आता, इसमें नहीं दिख रहा है ना, यूबीसी नहीं आता, काफ़ी अधिक डेंजरस है। ये ओजोन लेयर ही है ना, ओजोन लेयर, ये वाला ओजोन लेयर है ना, इसके अंदर यूवीए आ रहे हैं, लेकिन वो भी उतना नहीं है जितना सूर्य में, उतना नहीं है, कम मात्रा में, लेकिन आते हैं। और सबसे कम कौन आते हैं? यूवीबी, असी आते नहीं है। तो अब सबके बारे में पढ़ लेते हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं। है तो अल्ट्रा वायलेट ही, हाई एनर्जी सबका अधिक, लेकिन इसमें अभी तीन पार्ट्स हैं, तो इसमें भी क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाँ, यूवीए जो हैं इसका लो एनर्जी है। अब देखो, मैंने कहा कोई भी चीज़ ठंडा होता नहीं है, टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर क्या होते हैं? जैसे मान लो, जैसे सुबह मैंने समझाया था, अर्थ हैं और धरती हैं, एक गिलास में पानी है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, एक गिलास में पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 वाला क्या बोलेंगे, ठंडा है ना बोलेंगे, इसकी तुलना में तुलना करते हैं हमेशा, क्या क्या जाता है तुलना करेंगे, तुलना में जिसका कम होगा तो बोलेंगे ठंडा है, और जिसका अपेक्षा ज़्यादा उसको क्या बोलेंगे, गर्म है वो। धरती और बात करेंगे सूर्य में, तो धरती क्या कहते हैं, ठंडा है, और सूर्य क्या कहते हो, काफ़ी गर्म है। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, समझ रहे हो ना। तो हाँ, उसका कोर का ऊपरी सरफेस का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। पवन तभी प्रयास कर रहा है जी के कहने का हमको याद है क्या चलो ठीक है। तो आप बताओ, यूवी का सब एनर्जी अधिक है, लेकिन अब यूवी ए पढ़ रहे हो, इन दोनों क्या करेंगे, इसका तुलना करें, इन दोनों की तुलना में कम है, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, यूवी ए का बोलेंगे लॉ एनर्जी। लॉ एनर्जी मतलब अदर से मैंने तुलना, अपने जाति में तुलना, ये बुझना, इन्हें कि अदर से तुलना कर रहे हैं, इंफ्रारेड से तुलना, उससे नहीं तुलना कर रहे हैं, उसकी तुलना मतलब काफ़ी अधिक है। यहाँ तुलना क्या जाता है, कौन है उसकी तुलना हम लोग बात करें, फील करना। हाँ, यूवी ए बी सी से तुलना के इसके में इसका क्या एनर्जी है, लॉ एनर्जी है। तो कहेगा यहाँ फिर हाई लिखे हैं, फिर यहाँ लॉ लिखे हैं, इसीलिए तो इसका कम ऊर्जा होते हैं, कम ऊर्जा होंगे। अब देखो, ऊर्जा कम है ना, स्किन डिजीजेज के कारण होते हैं, स्किन डिजीजेज मतलब चर्म रोग होते हैं, लेकिन उतना हानिकारक नहीं है ये, मतलब एनर्जी उसके इसके पास एनर्जी उतना है ही नहीं, उतना हानिकारक पहुंचाएगा, ज्यादा एनर्जी रहता ना ज्यादा हानिकारक। अतः एनर्जी इसका क्या है, कम है, तो वेवलेंथ इससे तो तुलना में थोड़ा सा क्या होंगे, वेवलेंथ ज़्यादा होगा है ना, ये बात होती है, हम लोग अच्छे से उसी कर चुके हैं, इसमें नहीं होने चाहिए कन्फ्यूजन हम एनर्जी सब। अच्छा, अब आगे बताओ, इसकी तुलना में इसका एनर्जी क्या होगा, अधिक एनर्जी। इसमें इंग्लिश टर्म बड़ा योगदान रखता है, इसमें लिखो इसको मोर एनर्जी, क्या लिखो इसको, इससे अधिक, मोर एनर्जी, लेकिन इससे कम, मोर एनर्जी। और यहाँ तो स्किन रोग हुआ, दोनों में अंतर है, यहाँ स्किन कैंसर होता है, दोनों में अंतर है। देखो, बुक्स में लिखे होते हैं ना, सबको फेंट के लिखा होता है, यूवी कारण क्या होते हैं, स्किन रोग होते हैं, स्किन कैंसर होते हैं, और बीमारी होते हैं, फेंट के लिखा हुआ। यहाँ हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसके कारण अलग होती है, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम में फेंट कर देगा तो जनरली इतना डिवाइड करके नहीं पूछता एग्जाम में, लोगों को पता नहीं होता है यूवी तीन प्रकार के होते हैं, क्या क्या यूवी होता है, समझ रहे हो ना। तो स्किन कैंसर इसके कारण होगा, स्किन कैंसर समझते हो, चमड़ा वाला कैंसर, त्वचा कैंसर, गल गल गिर जाएगा, समझ रहे हो ना, कौन चाहता है त्वचा कैंसर हो। सिंपल कैंसर का इलाज कर, गंगा जी बहुत तेरा ताने का, तो देखते बैठे मांगने वाला, सब तो वही रहता है, अब तो ही जानेगा, हम तो नहीं देखते हैं उसको, भरा रहता है ना, त्वचा कैंसर उसको होंगे, स्किन कैंसर होंगे, किसके वजह से कैंसर होते हैं, यूवी कारण होते हैं। अब चलो, कॉन्ट्रैक्ट मोतियाबिंद और क्या होते हैं, मोतियाबिंद में क्या होता है, आग संबंध बीमारी है ना, मोतियाबिंद है, पढ़ाई थी फिजिक्स में, लाइट अभी हिमल थी में, सनबर्न होगा, सनबर्न में क्या होती है, सनबर्न, अरे पढ़े थे सनबर्न का मतलब, अब भूल चुके हैं, बड़ा बढ़िया इसका हिंदी होता है सनबर्न का, सनबर्न बीमारी का नाम है, ये भी होती है, चलो बता देते हैं बाद में बता देंगे सनबर्न। और विटामिन डी कहते हो ना, सूर्य मिलती है सन विटामिन, ये यूवी बी की वजह से ही पहुँचाता ना, विटामिन मिला नहीं, विटामिन नहीं मिलता, कम मात्रा में ठीक है, अधिक मात्रा में हानिकारक हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। इंग्लैंड के लोग आता है यहाँ से घूमने के लिए, आता है, मिला था तुमसे, नहीं कहा हमको जी कि आपके बारे में सब चीज़ पता है, उसको कह देना चाहिए ना।
और उसके बाद आएगा तो मिला देना विटामिन डी, जिसे क्या कहते हो सन विटामिन कहते हो, फ्री वाला है सन विटामिन, वो जो भी इसमें रहते हैं फॉर्मेशन, विटामिन डी का क्या होते हैं फॉर्मेशन होते हैं, वो अपना जो भी डी ही है। अच्छा अब पढ़ते हैं हम लोग यू भी सी के बारे में जानकारी लेते, इसमें नहीं लिखा हुआ है, और कोई सोचेगा सर इसी से पढ़ाते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत जगह कहीं से लेकर उठा कर हम पढ़ा देंगे, समझ रहे हो ना, नहीं जानते हो कोनो बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते हो तो कोनो दिक्कत नहीं, जानते मतलब नहीं कि जानना नहीं चाहिए, तब जानो और जानो उसको, ये चीज़ होना चाहिए। यू भी सी बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, इसका एनर्जी काफ़ी क्या होंगे हाई एनर्जी होंगे, जिससे हमको पढ़े थे वो अभी रेलवे में इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर, क्या हुआ बड़का पद है कोनो क्या, ऐसे उससे बराबर ऑफिसर पढ़ने आता है तो कोई हम लोग भयभीत नहीं होते हैं, एसडीएम पढ़ाने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, इंस्पेक्टर आया तो कौन बड़का पहाड़ तोड़ दिए हैं, एसडीएम समझते हो ना लाल बत्ती वाला, पहले था लाल बत्ती चार चक्का, स्पेशल पुलिस गार्ड रहते हैं उसको, समझ रहे हो ना, हाँ हाई एनर्जी और मोस्ट डेंजरस होते हैं ये, मोस्ट डेंजरस अधिक खतरनाक और इसके इससे हमको प्रोटेक्ट कौन करता है, ओजोन ही करते हैं, ओजोन लेयर आने नहीं देते हैं उसको, जाइए उधर समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत ये बात होती है। और उसके बाद O3 प्रोटेक्ट इट टू इंटर ऑन अर्थ सरफेस, O3 क्या करता है, O3 इसे आने से रोक देता है, प्रोटेक्ट कर देता है, O3 इसे क्या करता है आ नहीं पाएगा धरती तक, और नहीं आ पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे जीवित रहेंगे, नहीं तो फिर जानवे करते हो क्या होंगे, हाँ ठीक है फ्लाइट मोड में रहना ही चाहिए मोबाइल पढ़ाने वक्त में, अच्छा रहता है ना, वो कल जो उस दिन पढ़ा रहे थे एक फ़ोटो खूब खोजे लेकिन नहीं मिला फोटो, अगली बार भी तुम लोग दिखाए थे इस फोटो में देखो जो सितमत बताए थे ना हमने, इसमें सब बात लिखा हुआ है, ये सन है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे तो ऐसे होंगे, आ देखो कितना मैंने धरती है ना बढ़िया, ये नेचुरल में क्या हो रहा है सोलर रेडिएशन आ रही है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस CO2 है N2SH4N यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर कौन एटमोसफेयर है, ये ग्रीन हाउस का अपना वायुमंडल है ना जहाँ वास्तविक घटना सब होती है, रेडियो सोलर रेडिएशन आएंगे आने देंगे क्योंकि इसका एनर्जी समय क्या काफ़ी धरती क्या करेंगे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर हीट क्या करेंगे रेडिएटेड हीट करेंगे, तो आई तो उसमें सब यूवी भी रहेंगे, कौन रहेंगे यूवी भी रहेंगे और कौन रहेंगे हैं इंफ्रारेड विजिबल लाइट्स भी रहेंगे, और धरती एब्जॉर्ब करेंगे, धरती इसको किस रूप में छोड़ेंगे इंफ्रारेड ग्रुप में, देखो जो जितना अधिक गर्म है जो जितना अधिक क्या है वो उतना अधिक सूक्ष्म तरंग थोड़ेगा और एनर्जी काफ़ी अधिक रहेगा, और उसकी तुलना में जो ठंडा रहेगा मतलब वो अपोजिट लो वो क्या करेंगे लंबी तरंग को छोड़ेंगे, एनर्जी उसका क्या होंगे कम वाला छोड़ेगा, ये बात होती है, तो इसका गर्म बहुत है तो एनर्जी बहुत अधिक छोड़ेंगे सूक्ष्म तरंग होंगे, धरती इसके तुलना में क्या है ठंडा है तो नहीं लेकिन इसकी तुलना करेंगे तो कुछ नहीं है ठंडा है, तो एनर्जी कैसा छोड़ेंगे ये कम वाला वेवलेंथ ज़्यादा वाला, ये बात होती है, तो इंफ्रारेड छोड़ेंगे तो इंफ्रारेड से गया इंफ्रारेड गया, और देखो ज़्यादा मात्रा में इंफ्रारेड क्या आर पार चली गई कुछ इंफ्रारेड देखो लौट कराया ना इंफ्रारेड इमिट कर दिया तो धरती का सब गर्मी थोड़े है कि रोक ही लेता है CO2 सब नहीं रोक पाएगा, यदि धरती की जितना गर्मी छोड़ती है उतना रोक लेगा तो बुझबे करते हो तब क्या होंगे सब ने रोकते हैं जितना आवश्यकता है उतना ही, अब बाकी क्या करते हैं जाइए देखो बाकी चला गया है ना, मोस्ट हीट एस्केप टू स्पेस, ज़्यादातर हीट क्या करते हैं निकाल रहे कम लेस री इमिटेड हीट, बोलो अब तो और क्लियर हो गया, इस डायग्राम को कल खुद रहे थे मिल भी किया था लेकिन वो कन्फ्यूजन बहुत हुआ था हमको लग रहा होगा, अब देखो ये तो नेचुरल वाला बात हो गया लेकिन ये कैसा है ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, कोबरा सेंट मार मार कितना सेफ्टी कर दिया है वातावरण में और भी गैसेस का हालत ख़राब है, देखो अभी ये ललका देखते हो अभी इतने ललका है ना, हम लोग क्या किए हैं योगदान किए हैं ललका देखो है यहाँ तक पहुँच गया है देख रहे हो ना कितने ललका पहुँच गया है, अब ललका ये सब बापूत क्या करेगा रोकेगा, मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन है नाइट्रोजन ऑक्साइड है मोर ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी ग्रीन हाउस देखते हैं ललका वाला यहाँ कम ललका वाला ज्यादा है, तो सोलर रेडिएशन आ रही है सोलर रेडिएशन क्या हो रही है सोलर रेडिएशन आ रही है धरती उसको क्या करेगी ऑब्जर्व करेगी फिर क्या करेगी री इंटर करेगी छोड़ेगी तो अब की बार देखो उल्टा डाटा पलट गया है कम गया अब बहुत को लौटा दिया
तो इसका टेम्परेचर क्या होंगे, कलर देखो चेंज कर गया धीरे धीरे इसका, ये कर गया चेंज। ये घटना होती है एक्चुअली में, यही ग्रीन हाउस है। यही जो अधिक अधिक ग्रीन हाउस हो जाएंगे किरण, क्या घटना होती है ग्लोबल वार्मिंग, आज जो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आएगा ना। फिगर से अच्छा समझ आता है, यही इसलिए तो फिगर लाते हैं। और कल ही फिगर मिलने रहा था सर, परेशान थे, फिगर भेजे ग्रुप में, आखिर फिगर कहाँ गया। आज देखो ओजोन लेयर वाला, इसलिए तो हम फिगर से कोशिश होते हैं पढ़ाते हैं, उसमें होता फिगर से क्या कम टाइम में अजय कुछ पढ़ा देते हैं फिगर से। अब इसमें देखो अभी पढ़ा है ना ओजोन लेयर का छः हो ना, अभी देखो यहाँ लाइट पड़ेगा रे, यहाँ लाइट पड़ा, यहाँ ओजोन होल नहीं है तो आया टकरा के वापस चल गया। आज जैसे देखो यहाँ होल है नहीं है, थिकनेस क्या हुआ है, पियर का देखो थिकनेस क्या है, कम है। ये एकदम कनी को देखते हो एरकन देगा छोटका मरोरा तो उसको नहीं चढ़ा देते हैं गाड़ी सीधे, अब बड़का दे देगा ढेंग तब की करेगा, रोकना पड़ेगा ना। ये बड़का ढेंग हुआ समझ लो ना, छोटका रोड़ा दिया जिसको के कहो देख लेंगे, चलो फंगा दो पकड़ के और चला गया धरती के अंदर। और यदि मिस्टेक से कहें ये आ गया तो जनरेट करते हो कि मोस्ट हाई एनर्जी लेवल है, समझ रहे हो ना, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। तो वही सब बात होंगे, काफ़ी खतरनाक हो जाएंगी, तब तो लगेगा कि न्यूक्लियर बम धरती पर गिर रहा है। यदि जितना रेडिएशन निकलता है सूर्य से सब पहुंच जाए तो खाली विस्फोट ही होंगे धरती पर, वो बन जाएंगे आग का गोला धधकता हुआ जैसे मंगल ग्रह सब, वो सब है पूरा है सूर्य दिखाई। हाँ तब घोपरा सेंट मारते रह जाओगे, कौन सेंट मारता है फॉग, कौन मतलब आज तो हम आज तक हम फॉग देखे नहीं, होता क्या है फॉग, सेंट का प्रकार है क्या, क्या चल रहा है बॉडी स्प्रे, अच्छा बॉडी स्प्रे है सर, इसका हिंदी क्रिकेट है ना, पांच फोटोन मारे है इसका हिंदी सन बर्न, हिंदी अच्छा बता देंगे सन बर्न का, अरे बड़ा बढ़िया हिंदी सन बर्न का है, इतना तक समझ में आएगा ना सबको। अच्छा अब देखो अब जिसमें जो है इतना सी बता देंगे सन बर्न का हिंदी क्या होता है, अच्छा बड़ा हिंदी और यहाँ भूल चुके हैं सन बर्न का, तो बता देंगे राखो ना लास्ट में पढ़ना हिंदी। अब जो है क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहाँ पढ़े थे हम लोग, किस चीज़ में पढ़े थे क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ओजोन में पढ़े थे ना, अच्छा हाँ यहाँ पर क्लोरो फ्लोरो कार्बन पढ़े थे। इसका रिएक्शन देखो जो उस क्लोरीन बताए थे ना, देखो क्लोरो फ्लोरो कार्बन में रिएक्शन नहीं है जरूरी, जो सी एफ सी में ही सी एफ सी का फार्मूले होता है सी एफ टू सी एल टू, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, उस पर कौन रे आएंगे यूवी रेज, उससे क्लोरीन क्या होंगे अलग होंगे, ये क्लोरीन किसे करेगा यू चलेगा, क्लोरीन किसे करेगा रिएक्शन ओजोन से, किसकी उपस्थिति में यूवी रेज की देख रेख में, यूवी क्या ये क्या करेगा क्लोरीन ओजोन रिएक्शन कर करके ऑक्सीजन से को छीन लगाए इसका, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया ओजोन टूट गया ना। अब देखो फिर ये सी एल ओ क्या करेगा, वहाँ ऑक्सीजन और रहेंगे उपस्थित, उससे ऑक्सीजन कर लेगा, उससे अपना अलग हो जाएंगे ऑक्सीजन बाहर कर देगा, इसीलिए कहते हो एक क्लोरीन कैन स्प्लिट 1,03,000 मॉलिक्यूल, वहाँ बढ़ो किए थे क्लोरीन मतलब सी एफ सी ही हुआ एक तरह से समझो, क्योंकि क्लोरीन में सी एफ सी गैस में क्या पाए जाते हैं क्लोरीन, बोले कल सुबह बोले थे कि सी एफ सी गैस क्या करता है एगो मॉलिक्यूल अतिरिक्त 1,00,000 को तोड़ता है, मतलब क्लोरीन तोड़ता है ऐसे बुझो, क्योंकि सी एफ सी के अंदर कौन गैस होते हैं क्लोरीन, कैसे तोड़ते हैं देखो जैसे देखो सी एफ सी है, इस सी एफ सी पे कौन लाइट यूवीरेज पड़ रही है, देखो यहाँ सी एफ सी पड़ा है यूवीरेज, तो इस क्लोरीन को बॉन्ड को क्या करेगा, तीन को क्लोरीन है एगो तोड़ेगा, एगो हट गया क्लोरीन एगो बाहर हो जाएंगे, तो अब यही बाहर एगो जहर का पुड़िया बन जाएगा, अब टूट गया ये टूट अलग हो जाएंगे, टूट के क्या होंगे अलग हो जाएंगे, तो ये बन गए और क्लोरीन बन गया, अब यही अपना क्या करेंगे चमत्कार को दिखाएंगे, तो सी एफ सी गैस में है ना क्लोरीन, इसीलिए ऐसा उसके कारण आप देखो हटा दिया पकड़ के ओजोन को ही तोड़ दिया है उसने, समझना ना ये घटना होती है, बॉन्डे को तोड़ देता है सी एफ सी, यूवी रेज वहाँ रहबे करते हैं ऊपर जाएगा घूमने के लिए, चलो घूम फिर करते हैं सी एफ सी, उसमें सी एफ टू सी एल टू उसका फार्मूला होता है, उसमें क्लोरीन है और क्लोरीन का बॉन्ड को यूवी रेज तोड़ देगा, और जैसे क्लोरीन को टूटा के बस अपना हमला करना, हमला पकड़ के तुरंत एक अकेला 1,00,000 को जन को धरपेट देता है पकड़ करके, जैसे कौन प्रभास एगो जो मूवी बाहुबली हो गया वो समझो, क्लोरीन क्या बन जाता है बाहुबली, समझ रहे हो ना, पकड़ के सबको समेट लिया आज करे, और जानवे करते हो कितना अधिक मात्रा में आजकल सब डेवलप कंट्री सब ऐसी तेजी यूज़ कर रहे हैं, इसी कारण से बैन किया सी एफ सी में सिर्फ क्लोरीन ही था, और भी है सी एफ क्लोरीन भी कार्बन भी है क्लोरीन भी है क्लोरीन भी है, सब योगदान करता है तोड़ने में, वो सब भी गैस है, वो सब कम करता है लेकिन किसका है क्लोरीन, इसीलिए इसका नाम हम लोग कहते हैं क्लोरीन का योगदान सबसे अधिक है, एक से अकेले 1,00,000 एक क्लोरीन 1,00,000 वजन पर भारी ऐसे समझो, मन में आ गया ना, और भी गैसेस करते हैं
कार्बन भी तो कराएंगे ना, कार्बन मान लो कार्बन है, फ्लोरीन है, ये सब तो ग्रीन हाउस गैस तो है, तो वो तो कम करवा सकते हैं, वो चीज़ कराने में मदद करेंगे, ये बात होती है। रिएक्शन लिखना होगा सीरियली, जितना रिएक्शन लिखे हैं तो केलेवंथ ने भी है, हमने सब बता दिया, देखो एक बार विजिट कर देते हैं। O2 पड़ा, O2 पर कौन लाइट्स पड़ा, अल्ट्रा वायलेट, ऑक्सीजन में टूट गया है ना, ऑक्सीजन गैसेस मॉलिक्यूल में टूट गए हैं ना, ये भी कुछ स्थिति में, फिर ये ओ किसे रिएक्शन O2 से क्या बना लेंगे, ओजोन, और फिर ओजोन किसे टूट जाएंगे, O+ O2 में, ऐसे कीड़ा होते हैं, नेचुरली हो गया, ये कैसा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, O3 टूटेंगे नेचुरली, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई तोड़ेगा तो दिक्कत है, ओजोन परत नेचुरली टूटते भी है, बनते भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना नेचुरली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आदमी छेड़खानी कुछ कर देता है अदर गैस भेज करके तो दिक्कत है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ये नेचुरली हुआ बात है ना, रिएक्शन हो गया। और इसके बाद क्या होती है, इसके बाद क्या होती है, वही है, देखो लिखा है बुक में भी, रिएक्शन CF2Cl2 आएंगे, कौन आएंगे, CF2Cl2, लेकिन सब होगा उसी के अल्ट्रावायलेट के ऊपर, हाँ उसी कारण से होंगे, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन शॉट लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा अच्छा इमेज नहीं है उसमें, तो ये CF2 क्या है, नहीं होता है। देखो है ना, अब दिख रहा है ना, ये CF2Cl2 गैसेस अभी भी रोज की उपस्थिति में, Cl में और CF2Cl2 में देखो टूटा, अच्छा फिर क्या होंगे, एक क्लोरीन निकला ना, ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन है वो, तुम लोग बुक ने इसीलिए बोला, मैंने बुक खरीदने के लिए, बुक होता कितना बढ़िया होता है, तब केमिस्ट्री किताब में है, सेकेंड वॉल्यूम में है, तो फिर देखो पकड़ देते हैं, पकड़ो छड़ी ना, और बड़ा करो, अब देखो ठीक है, नहीं होंगे छो, ठीक है छोड़ने पर, छोड़ो हटी, समझ रहे हो ना, हम कर देते हैं, हटाओ यहाँ से कर देते हैं, अब हुआ ना, मोबाइल तोबाइल से थोड़े होता है पढ़ाई, बुक लाए हैं, अब ये क्लोरीन बचे हैं, क्या ओजन बचे हैं, किससे करेगा रिएक्शन, क्लोरीन ओजन से, किसके उपस्थिति में, यूवी रे की उपस्थिति में, ए क्लोरीन हट गया, ऑक्सीजन रिएक्शन करके O2 बना लिया, समझ में आ गया ना, इसी रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया, मैंने कमी दिखाया है जो, और लास्ट में देखो क्लोरीन अलग हो चुका है ना, और ये ओजोन है, ऐसे करते रहते हैं पूरे उस क्रिया चलते रहते हैं, उन ओजोन क्षेत्र में सन 1980 में वायुमंडल वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे समान रूप ओजोन क्षेत्र कहा जाता है, के बारे में बताया सबसे पहले, और मैंने बताया भी है, लिखल भी बात को लिखा गया है, अब जितना जानकारी है ना सब जानकारी दे चुके हैं, अब वो जो है बाकी रिएक्शन ओजोन का कैसा रिएक्शन होता है, बाकी रिएक्शन नीचे में है दिए हुए, टेन दिए हुए, तो नोटबुक में उसको एंट्री मार देना, सब चीज़ समझा चुके हैं, अब चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतना चीज़ करने के बाद आगे बढ़ते हैं, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाए हैं, ये तो सुबह वाला ही था, ये तो सुबह वाला ही बात की हम लोग है ना, रखो इसको, अच्छा अभी काम होंगे उसका, अभी काम नहीं हुआ है, अभी काम उसका और होंगे, अच्छा इतना बात कह दिए, ओजोन बारे में, यूवी रे के बारे में पढ़ा दिए, अब पढ़ो मेलालिन के बारे में, मेलालिन क्या होती है, मेलालिन किस एक प्रकार का हार्मोन है, जिसके कारण आदमी का रंग डिसाइड होता है, गोरा होगा कि काला होगा, यदि मेलालिन कम है तो कलर गोरे होंगे, मेलालिन अधिक है कलर क्या होंगे, काले होंगे, समझ जाएंगे ना, काले रंग है ये भी उसको अधिक प्रोटेक्ट करेंगे, गोरे को अधिक प्रोटेक्ट नहीं, यही है, समझ में आ गया ना, मेलालिन के बारे में कुछ कहना चाहते हो, इट डिटरमाइन द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन एंड हेयर्स, बाल और कलर दोनों को डिसाइड करता है मेलालिन ही, समझ में आ गया ना, अब चलो मेलालिन मैंने बता दिया, अब पढ़ते हैं LPG गैस के बारे में, फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या करता है बताओ, यूवी रेज से हम लोग को क्या करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर पर सिर्फ यूवी गैस ही आएंगे रे ही, और भी कहीं ना कहीं गैस वो आने उसको यूवी ओजोन लेयर आने नहीं देता है, नहीं देता है, चूँकि एग्जाम आता है यूवी, इसलिए हम लोग यहीं पढ़े, सुरक्षा प्रदान करता है, समझ रहे हो ना, हाँ सबसे छोटको काका और बड़को काका से करता है ओजन बाबा है ना, मेलालिन लिख दीजिए, मेलालिन लिख दें, वही लिख रहे हैं, मेलालिन लिख रहे हैं, चलो मेलालिन के बारे में पढ़ो, मेलालिन इट डिटरमाइन द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन एंड हेयर,
यह ह्यूमन का मनुष्य का स्किन एंड हेयर का कलर क्या करता है, डिसाइड करता है, मतलब चलो ना लिखो ना, डिसाइड करता है यानी इसे हम लोग पता कर सकते हैं, मनुष्य का स्किन एंड हेयर्स का कलर डिसाइड करता है, या मनुष्य का स्किन एंड हेयर्स का कलर डिसाइड करता है। इफेक्ट ऑफ यूवी रेज़ का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे अफ्रीकन ब्यूटी मतलब काला लोग, कैसा लोग दाब के लिखिए काला लोग, उस पर कम पड़ेगा इफेक्ट यदि रशियन से तुलना करोगे तो, किससे, रशियन ब्यूटी से, इधर गोरा लोग हो गया तो है ना, काला लोग पर किसका कम इफेक्ट, गोरा लोग किसका ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, वहाँ जाओ ना, ये इफेक्ट है यूवी रेज़ का। द फेयर कलर गोरा कलर पर्सन मोर अफेक्टेड बाय यूवी, गोरा कलर यूवी क्या होंगे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे विथ कंपेयर टू डार्क, गोरा पर ज़्यादा पड़ेंगे काला पर कम, डार्क कलर पर्सन ड्यू टू लैक ऑफ मेलानिन, तो आप बताए थे ना चीज़ को, देखो लिखा है ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करना, बुझा करिया है तो हीरा है, समझ रहे हो ना, यहाँ लिखा है ना स्पष्ट, अफ्रीकन ब्यूटी पर कम काला है तो कम, आरिशियन है तो ज़्यादा। अब पढ़ते हैं एलपीजी गैस के बारे में, वो वाला निकालो पीडीएफ, वो जो बोर्ड पर काफी करके भेजे थे, पढ़ाएंगे ना, अभी कहाँ हुआ, इतने कम हाफ रहे हो, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाए हैं हम, कुछ आधा घंटा और चलेगा, हाफ ही हाफ है, नहीं सर कितना, जो मिनट गैप मिल गया, दिमाग रिचार्ज हो गया होगा। भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुआ था, गैस से चैप्टर के हैं जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, कौन सा था भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्रासदी, हाहाकार मच गया था, वो एक तरह समझो कि जानबूझ कर हुआ था, एक तरह समझा जाए तो उसको, आदमी एक्टिव नहीं था, पता था कैसा होगा फिर भी मतलब हो गया, कहानी इसके पीछे मोटा मोटी यही है, चाहता तो नहीं हो सकता था, जानबूझ के हुआ एक तरह से घटना, हुई पता था अमेरिकन आदमी कैसे होंगे, वो 2 दिसंबर की रात में हुआ, निकलते रहा भर रात, इसीलिए कहा जाता है 2 या हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश, अरे भोपाल वीआईटी यूनिवर्सिटी कहाँ है ना, तो 2 या 3 दिसंबर 2 दिसंबर रात में शुरू हुआ मान लो, तो सुबह 3 दिसंबर इसीलिए कहा जाता है 2 और 3 दिसंबर 1984 को। इस गैस में कौन चीज का फैक्ट्री था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था यूएसए का, जो यूएसए का था इंडिया में है, अमेरिकन ने इंडिया में क्या लगा एक ठो, और उस फैक्ट्री का यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, उसका चेयरमैन था वारेन एंडरसन, वो लोग इसी कारण से मैंने कहा उसी का फैक्ट्री था, तो देख रहे कहें तो किया, समझ रहे हो ना, हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग का ये पढ़ना है इसमें बता दिया ना, इसे लिखे नहीं, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें मिथाइल आइसो, देखो इसको इंग्लिश में लिखेंगे आइसो CYA NATE, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने क्या बात है, यहाँ पर ATE है, NETE भी होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनेट दोनों अलग अलग बात होता है, और लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे, एग्जाम इंग्लिश देख कर टिक मारना इस क्वेश्चन आएगा फिर धोखा दे देगा एग्जाम में, साइनेट और साइनेट एक ही तरफ हिंदी में लिखा जाता है दोनों, इंग्लिश में अलग अलग ई और ए, इसमें यूरिया बनाया था, यूरिया मिथाइल आइसोसाइनेट से इससे यूरिया कहाँ बनता है, इससे बनता है क्या, नहीं बनाया था, चलो ठीक है सही कहा, तो कहाँ घूम रहे हो, समझ रहे हो ना, यही, और उस गैस का नाम क्या है, CH3NCO है, याद है, बढ़िया है, पढ़ाएंगे इस बारे में जानकारी देंगे, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड्स बनाए गए थे
ने बनाया दोनों मिलकर। इसमें मिथाइल पूछने का क्वेश्चन एग्जाम में, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? इसमें कौन गैस का बहाव रिसाव हुआ था? मिथाइल साइनेट का, साइनेट यहाँ पर एन ए टी ई है और उसका फार्मूला क्या है? सी एस थ्री एन सी ओ। इसे मिक गैस भी कहते हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? और ये वेरी पॉइजनस है, टीयर इंड्यूसिंग है और कलरलेस एंड फ्लेमेबल, ज्वलनशील गैस होती है तब आग लगा। कैसा गैस है ये? कलरलेस है, समझ रहे हो ना? हाँ चलो, इतना ही जरूरी था भोपाल गैस टेस्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जैसे पहला हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पेज देगा ला। अब धीरे धीरे सब गैस पर हम पढ़ते, नेचुरल गैस, गोबर गैस, फलना गैस में क्या होता, उस गैस में क्या होता था ना क्वेश्चन, वो सब अलग अलग सब पढ़ लेंगे हम लोग। पेज लगा दिया ना? ठीक है। ये जो क्या है, ये जो फैक्ट्री है, ये कीटनाशी का फैक्ट्री था। कीटनाशी मतलब कीड़ा मकोड़ा मारने वाला दवाई बनाने के लिए। और एक बेंगलोर ट्रेजिडी भी हुआ था, उस बेंगलोर में जब त्रासदी हुआ, त्रासदी मतलब हाहाकार होता है, भुखमरी पैदा होता है, इसे उसी को ट्रेजिडी कहा जाता है। हाँ तो बेंगलोर ट्रेजिडी, टी आर ए, क्या लिखा है? टी आर ए जी ई डी वाई होगा, टी आर ए जी ई डी वाई, टी आर ए जी ई। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? एस्टिडिन का, एस टी वाई आर ई, एस्टिडिन गैस का। नहीं पूछेगा फिर भी एक बता दिया, कभी आ जाए एग्जाम आजकल तो सबको याद हो गया, इसीलिए अभी आएंगे। सबको पता है ना, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसीलिए आ सकते हैं। हटाओ इसको, ये गैस त्रासदी मैंने पढ़ाया, दो तीन क्वेश्चन उससे इम्पोर्टेंट है। इसका ही फॉर्मूला किसका? मैं उसका छोड़ दो, खाली एस्टिडिन याद रखना, वो तो बताते भी नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया वो। करंट अफेयर क्वेश्चन है? हाँ हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए जीके थोड़ा सा भूल रहे हैं। जीके रोज़ पढ़ने को उसे तो याद रहेगा, दो दिन छोड़ देगा धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जीके वही चीज़ है। तो पहला गैस हम लोग पढ़ लेते हैं, एलपीजी गैस के बारे में पढ़ो। इसमें एलपीजी गैस होंगे, कोल गैस, एलपीजी गैस हैं। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? देखो उस अभी जो पढ़ रहे हैं ये सब फ्यूल के बारे में है, तो फ्यूल के बारे में कुछ विशेष ज्ञान दे देते हैं और मैंने खोज कर लाया है। फ्यूल ईंधन होता है, फ्यूल मतलब, फ्यूल मतलब क्या होता है? फ्यूल मतलब ईंधन। बहुत ही नंगी तरह से पढ़े थे लेकिन लिखे नहीं थे, यूट्यूब से क्या करते थे, पढ़ लिए, लिखना कत्ते लिखेंगे, देख लिए खाली पॉइंटे बताते। हाँ तो अब मान लो स्क्रीन शॉट ढेरी था अति में रखा हुआ है गूगल ड्राइव में, कितना खोजेंगे? जब कम लगता है तो सर्च मारते हैं, पता चल जाता है यूट्यूब तुरंत। इसीलिए कहते हैं कोई जोन मिलेगा तो रखेंगे जोन लिखवाने वाला, नोट डेरी बनल है, बहुत कंटेंट मोबाइल में धरे हुए हैं, लिखने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलता है, कब लिखेंगे, फुर्सत ही नहीं मिलता है। मेन बात वो है, नोट तो काफ़ी चीज़ पढ़ा हुआ है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, यूट्यूब से काफ़ी चीज़ पढ़े हैं लेकिन लिखे नहीं, लिखने नहीं है, दिक्कत है और हमको यहाँ पर है। अब देखो राहुल शांत रहो और जानकारी सुनो। अभी जो पढ़ रहे हो गैस पढ़ा, एक तरह से कह सकते हो फ्यूल है, ईंधन, ईंधन फ्यूल मतलब ईंधन। क्या होती है ईंधन? ईंधन मतलब जिससे हम लोग खाना वाना पकाते हैं, सिर्फ इतना नहीं, वही ईंधन नहीं होती है, और भी काम करते हैं वही ईंधन हुआ। खाना इन ज़रूरत की आवश्यकता को पूर्ण करना ही वही को ईंधन कहलाता है, जो हमारी ज़रूरत को आवश्यकता क्या करेंगे पूरा करेंगे, वही फ्यूल है, वही ईंधन हुआ। इन्हें मतलब कितना लोग समझते जलावन, अरे वो ईंधन, जलावन नहीं, पेट्रोल नहीं है ईंधन, कोयला नहीं है ईंधन, करेंटे हैं ईंधन, पानी नहीं है ईंधन, ये सब ही क्या है, ये सब ईंधन ही होंगे, ये सब चीज़ क्या है ईंधन, ये मिट्टी भी, बालू भी, पानी भी, सब ईंधन ही है, समझ रहे हो ना? तो फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ जनरली फ्यूल बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ स्पेशल बात करेंगे उस फ्यूल के बारे में जो कम मात्रा में मिलती है, मतलब मिट्टी उट्टी तो खूब काफ़ी है, यानी कि जो जीवाश्म अवशेष होंगे ना हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज से लाखों साल पहले हुए थे पृथ्वी बड़ा बड़ा भूकंप आया था, तो सब जीव जंतु चला गया, तो पेट्रोल मीथेन इथेन सब सब गैस उसी से मिलता है, तो उसी सब गैस बारे में पढ़ने वाले हैं, मीथेन गैस, नेचुरल गैस, ई गैस, वो गैस, वही सब आप टॉपिक्स आएंगे। अभी गैस ही पढ़ रहे हैं हम लोग,
डबल गैस शुरू किए थे, अभी गैस ही चला रहे हैं, इसमें सब आ जाएंगे, निपट जाएंगे। यानी कि टीम में मात्र 53 सेक्टर को हो तो पूरा निपटा देंगे इसी में। चलो है ना, फोन बात करना था, अननोन नंबर है ना, है ना।